नमस्कार बच्चों वेलकम टू आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यूट्यूब पे रिवीजन के पर्पज़ से वन शॉट वीडियो डाल रहे हैं तो उन्हीं में आज मैं स्टार्ट करूंगा आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आपको पता है एलेवंथ क्लास में ज्योमेट्री के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी बड़ा चैप्टर है बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिविज़न कैसे किया जाए तो चलिए आज आपके सामने में कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन कैसे करना है आपको वो पूरा डिस्कस करूँगा ठीक है तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इसकी नीड क्यों पड़ती है पढ़ने की ठीक है तो आपने देखा होगा कि जैसे आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा ठीक है लास्ट लेक्चर मेरा लाइव नहीं था रिकॉर्डेड था इस बार मैं लाइव जा रहा हूँ तो आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि भाई अपन क्वाडिटी की पढ़ते हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ये देखते हैं कि किसी इक्वेशन के जो तो सोल्यूशन होते हैं उनको अपन कैसे निकालते हैं जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली मैंने बस मैं सेटिंग कर लूँ थोड़ी सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो इसके रूट्स आते हैं अल्फ़ा एंड बीटा तो उन रूट्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं तो अपन ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसके जो तो रूट्स होते हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट से डिवाइड होते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो अपन ने देखा था कि जो रूट्स होते हैं हो, वो इमेजरी होते हैं जैसे मैं एक एग्जाम्पल अगर आपके सामने लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो ठीक है तो इसमें मैंने ले लिया एक्स स्क्वायेयर इक्वल टू माइनस वन यानी एक्स इक्वल टू आएगा मुझे माइनस वन की पावर हाफ विथ प्लस माइनस अब यहाँ पे एक नया जो सिस्टम है वो एक्चुअली में अपन ने डिफाइन किया है जिसे जिसे अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं आर्गन प्लेन भी बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब होता है कि भाई आपकी हर जो चीज़ है हर जो पॉइंट है वो एक्चुअली में एक तरीके से कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइंड होता है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अपन डिफाइन करने से पहले अपन एक दो वर्ड्स देखते हैं एक वर्ड आता है आयोटा आयोटा का मतलब होता है आई और इस आई की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट ओवर माइनस वन ये जो यहाँ पे आए ना एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो इसके जो सॉल्यूशंस है वो तो देखो अपन को साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो डी आ, आ रहा है वो लेस देन जीरो आ रहा है यानी इसके रियल सोल्यूशन्स तो नहीं है इसके जो भी सोल्यूशंस होंगे वो इमेजिनरी होंगे इसके सोल्यूशन से एक्चुअली में आइटा डिफाइंड होता है तो इसके जो सोल्यूशंस हैं उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ प्लस माइनस रूट ओवर माइनस वन यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई तो आई का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट ओवर माइनस वन ठीक है तो यहाँ से आपको आई की वैल्यू ध्यान रखनी है तो आई की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट ऑफ माइनस वन तो आईटा स्क्वायर जो हो गया वो हो गया माइनस वन आइटा क्यूब जो हो गया वो हो गया माइनस का आयोटा और आयोटा की पावर फोर जो हो गया वो हो गया वन ये चार वैल्यूज आपकी आयोटा की ध्यान रखनी है आपको क्योंकि आयोटा की हायर पावर्स वाली जो वैल्यू आएगी अभी एक टॉपिक आएगा इंटीगल पावर्स ऑफ आयोटा उस इंटीगल पावर्स ऑफ आयोटा में अपन देखेंगे कि हायर पावर्स ऑफ आयोटा जो होती है उनको रिड्यूस कैसे किया जाता है लोअर पावर पावर टू में रिड्यूस करेंगे आयोटा की पावर थ्री में आयोटा की पावर फोर में और आयोटा की पावर फोर का वैल्यू कितना होता है वन और वन की कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू हमेशा अपन ने पढ़ी है दैट इज़ ऑलवेज वन ठीक है जैसे यहाँ पे अगला टॉपिक जो है वो इंटीगल पावर्स ऑफ आयोटा है तो अपन ने एक चीज़ देख ली भाई कि आयोटा जो होता है वो रूट ऑफ माइनस वन होता है आयोटा की पावर टू जो होता है वो माइनस वन होता है आयोटा की पावर थ्री जो होता है वो माइनस आयोटा होता है आयोटा की पावर फोर जो होता है दैट इज़ वन ये चार वैल्यूज़ आपको याद रखनी है टू रिड्यूस हायर पावर्स इन लोअर पावर्स मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने ले रहा हूँ जिसमें अपन ये देखेंगे कि हायर पावर्स को अपन लोअर पावर्स में रिड्यूस कैसे करते हैं ठीक है देखिए इधर देखिएगा जैसे मान लो आइटा की पावर मैंने ले ली थर्टी वन ठीक है अब जैसे एक चीज़ एक देख, एग्जाम्पल एक देखो इसमें आयटा की पावर फोर जो होता है वो वन होता है तो मैं क्या करूंगा आयटा की पावर कोई भी आयाटा की कोई भी पावर हो उसको मैं फोर के मल्टीपल्स में रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा अगर वो हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो जो रिमेनिंग पावर्स हो वो एक्स्ट्रा जो भी पावर्स होगी उनको अलग कर दूंगा जैसे जो थर्टी वन है ये फोर के मल्टीपल्स में रिड्यूस नहीं हो सकता तो मैं एक काम करता हूँ इसको थर्टी वन को फोर के मल्टीपल्स में जितना रिड्यूस होता है उतना करूँगा बाकी साइड में कर दूंगा तो मैं क्या करूँगा इसको आई की पावर फोर इंटू सेवन इंटू आई क्यूब ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि अपन को पता है बेस एक जैसा होता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है एड ये होगा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस थ्री मिल कितना हो जाएगा आई की पावर थर्टी वन और ये एक्चुअली में करने के पीछे अपना जो रीज़न है वो यही है कि आई की पावर जो फोर होता है इसका वैल्यू वन होता है और 1 की पावर 7 कितना हो जाएगा 1 तो एक्चुअली में इस प्रॉब्लम का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आयोटा क्यूब एंड आयोटा क्यूब अपन को पता है कितना होता है माइनस आयोटा तो इस प्रॉब्लम का फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा यानी आयोटा की पावर 31 विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा इस तरीके से अपन जो हायर पावर्स होती है उनको रिड्यूस कर सकते हैं लोअर पावर्स में लोअर पावर्स का मतलब क्या हो गया आयोटा की पावर 1 पावर टू आई आटा की पावर थ्री एंड आईटा की पावर फोर यानी आई आईटा की जो भी पावर होगी उस पावर को अपन फोर से डिवाइड करेंगे से डिवाइड करने के बाद ये हो गया आपका डिवाइजर ये 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 हो 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 गया गया आपका 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 और और जाएगा रिमाइंडर डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू लिखा जा सकता है डिवाइजर इंटू क्योशन प्लस रिमाइंडर तो अपन को डिविडेंड को लिखना है डिवाइजर इंटू ये कंफर्म्ड है कि जो अपना डिवाइजर होगा दैट इज शुड बी फोर एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसके अंदर हाँ की पावर ले लिया मैंने पाँच सौ बारह रेंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए ठीक है तो मैं क्या करूँगा इसे आई की पावर फोर से डिवाइड करूँगा आपको पता है पाँच सौ बारह जो होता है वो चार का मल्टीपल होता है चार से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि लास्ट के जो टू डिजिट्स हैं उनसे बनने वाला नंबर अगर चार से डिविजिबल है तो कन्फर्मड वो नंबर जो होगा वो भी चार से डिविजिबल होगा तो पाँच जो भी होगा वो चार से डिविजिबल होगा आप चाहो तो इसे चार से डिवाइड करके जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो भी लिख सकते हो अदरवाइज आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पे सिंपली कोई नंबर डाल दो ए वो ए क्या है उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ए इंटू फोर करने पे मेरा डेफिनेटली पाँच सौ बारह आएगा ही आएगा क्योंकि पाँच सौ बारह इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई फोर तो मैं इसका ये बोल सकता हूँ इसका जो भी आंसर आएगा वो होगा वन की पावर ए फाइनल आंसर इज वन बाकी अगर कोई बच्चा चाहे कि नहीं सर मैं प्रॉपरली डिवाइड करना चाहता हूँ तो बेटा आप डिवाइड कर लो आप नॉर्मल तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हो पाँच को आप चार से डिवाइड करो एक चार दूनी आठ नौ दस ग्यारह चार अंटे बत्तीस यानी वन ट्वेंटी एट इसका आंसर आएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई टे के पावर फोर की पावर वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी एट इंटू फोर विल भी आपका फाइव हंड्रेड ट्वेल्व तो आईटा की पावर फोर इज़ वन एंड वन की पावर वन ट्वेंटी एट इज वन ठीक है तो ये मेथड है जिस मेथड में आप ये देखेंगे कि क्योंकि ये आपने देखा होगा जैसे आपने पी वाई क्यूज भी देखे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के काफ़ी सारे पी वाई क्यूज ऐसे जिनमें आई टा की जो हायर पावर्स होती है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा अपन को लोअर पावर्स में तो इस मेथड से अपन जितने भी आई आटा की हायर पावर्स है powers, उनको रिड्यूस कर सकते हैं लोअर पावर्स में फाइनली आपकी जो वैल्यू आएगी या तो आईटा आएगी या वो माइनस वन आएगी या वो माइनस आई आटा आएगी या फिर वो प्लस का बनाएगी इन चारों में से आएगी मतलब आइटा की पावर वन आइटा की पावर टू आइटा की पावर थ्री एंड आइटा की पावर फोर यानी हर प्रॉब्लम में अपन को आइटा की पावर फोर से ही मल्टीपल निकालने हैं यानी फोर से डिवाइड करना है आपको शायद याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको ओमेगा क्यूब बताया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा दिया था क्यूब रूट ऑफ़ यूनिट से वैसे देखा जाए तो टॉपिक जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है बट मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाया था, था क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के यूनिटिक्वेशन मिक्स होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स में भी आते हैं कुछ क्वाड्रेटिक में भी आते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो में मैंने आपको ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन बताया था तो ओमेगा क्यूब में अपन ने देखा था कि भाई जो पावर थ्री होती है उस पावर थ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन हर नंबर को तीन से मल्टीपल में निकालते हैं जो भी नंबर होगा पावर में उसको तीन से डिवाइड करेंगे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को अलग कर देंगे जैसे इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है थ्री इस वाले में रिमाइंडर कितना आ रहा है जीरो ठीक है उसको अलग कर देंगे और जो बाकी का जो पार्ट हो जाएगा उसका वैल्यू वन हो जाएगा और रिमाइंडर वाला जो पार्ट होगा उसका वैल्यू अपन निकाल सकते हैं कोई इश्यू नहीं है अपन इसमें आगे बढ़ते हैं भाई अब तो आयटा की पावर जैसे मैंने शुरुआत की आयटा की पावर वन देन आई की पावर फाइव देन आई की पावर नाइन देन आई की पावर थर्टीन डॉट 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 आईटा की पावर फोर एन प्लस वन मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन सभी की जो वैल्यूज आएगी वो एक्चुअली में सबकी बराबर होगी एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू आई की पावर वन ये सारे जो नंबर है आप समझ सकते हो फोर एन प्लस वन फोर के मल्टीपल नहीं है फोर के मल्टीपल से एक ज़्यादा है जैसे ये भी एक ज़्यादा है ये फोर प्लस वन है ये एट प्लस वन है ये ट्वेल्व प्लस वन है ये फोर एन प्लस वन है तो जो फ़ोर का मल्टीपल वाला पार्ट है उसको अलग कर दूंगा और बिना फोर के मल्टीपल वाले पार्ट को अलग कर लूंगा तो वहां से मुझे इन सबकी वैल्यू मिल जाएगी और इन सबकी वैल्यू जो होगी वो आयटा के बराबर होगी आगे बढ़ते हैं इसके बाद आयटा स्क्वायर आयोटा की पावर सिक्स आयोटा की पावर टेन आयोटा की पावर फोटीन iota की पावर 18 डॉट 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 अप टू iota की पावर 4n एन प्लस टू एंड दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू माइनस वन यानी इन सब का जो वैल्यू है वो एक्चुअली में किसके बराबर होगा माइनस वन के बराबर होगा यानी आपको सबकी वैल्यू याद करने की रीड नहीं है आप बस एक पैटर्न समझ लो उस पैटर्न से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आई की हायर पावर्स की वैल्यूज अपन कैसे निकालते हैं देन आई की पावर थ्री आयोटा की पावर सेवन आयोटा की पावर एलेवन आयोटा की पावर फिफ्टीन डॉट 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 अप टू आयोटा की पावर फोर एन प्लस थ्री आप देख सकते हो ये आईटा की पावर थ्री है यानी एक मल्टीपल से ज़्यादा है ये एक मल्टीपल से फिर से तीन ज़्यादा है जो एट प्लस थ्री होगा ये ये होगा ट्वेल्व प्लस थ्री और ये होगा फोर एन प्लस थ्री फोर एन प्लस थ्री मतलब फोर एन अलग कर दूंगा और उसमें से थ्री अलग कर लूंगा तो ये सारी वैल्यूज बराबर है मेरी आईटा क्यूब के एंड फाइनली आईटा क्यूब जो होता है वो बराबर होता है माइनस ऑफ आयोटा जो कि अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि आयोटा आयटा स्क्वायर आयटा, आयटा क्यूब आयटा की पावर फोर किसके बराबर होता है अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इसके अंदर आईटा की पावर फोर आयोटा की पावर एट आयोटा की पावर ट्वेल्व आयोटा की पावर सिक्सटीन डॉट 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 अप टू आयोटा की पावर फोर एन प्लस फोर दैट इज़ इक्वल टू आई की पावर फोर एंड दैट इज़ इक्वल टू वन ये सारी वैल्यूज़ आपस में बराबर होती है और ये बराबर होके किसके बराबर होती है वन के बराबर होती है तो अपन एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई आई की जितनी भी पावर्स है वो एक्चुअल में एक दूसरे के रिलेटेड होती है जैसे आईटा की पावर थर्टीन एक्चुअली में आईटा की पावर वन के बराबर होती है आई की पावर सिक्सटीन एक्चुअली में की पावर फोर के बराबर होगी आइटा की पावर 15 जो है वो आइटा क्यूब के बराबर हो गया तो हायर पावर्स को अपन लोअर पावर्स में रिड्यूस कर सकते हो चार चार के मल्टीपल में इस तरीके से डिफरेंस चलता है आप एक पैटर्न देख सकते हो इन दोनों पावर्स में चार का गैप है इन दोनों पावर्स में भी चार का गैप है इन दोनों पावर्स में भी चार का गैप है अब हर दो दो पावर्स में आप चेक करते जाओ हर सीरीज में मैंने चार सीरीज़ लिखी है वो तो पहले वाली वो आइटा की पावर वन की सीरीज के पैटर्न में चल रही है या आइटा स्क्वायर वाली हो गई या आइटा क्यूब वाली हो गई और या आईटा की पावर फोर वाली होगी यानी हर जो नंबर उसमें चार ऐड करेंगे तो चार ऐड करने के पहले और चार ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो तो दोनों वैल्यूज अपनी क्या होगी सेम होगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक काम करते हैं भाई इस पर कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं अपन जो अपन ने आईटा की इंटीगल पावर देखी इस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स बन सकते हैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लिए अपन ने तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आईटा की पावर फाइव से लेकर आईटा की पावर फाइव हंड्रेड ट्वेल्व तक का सब तो एक्चुअली में देखो होता क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ आयोटा की पावर एन प्लस आयोटा की पावर एन प्लस वन प्लस आयोटा की पावर एन प्लस टू प्लस आयोटा की पावर एन प्लस थ्री ये चार नंबर्स मैंने ऐसे लिए हैं आयोटा की पावर में जो कि कॉन्जिगेटिव इंटीजर्स है एक नंबर एन है अगला नंबर एन प्लस वन है देन एन प्लस टू देन एन प्लस थ्री चार कॉन्जिगेटिव इंटीजर्स है इसकी वैल्यू फिक्स होती है क्या होती है वो देख लेते हैं भाई आपको पता है इन सभी से मैं आयोटा की पावर एन कॉमन ले सकता हूँ तो फर्स्ट जगह पे क्या बचेगा वन सेकेंड पे आयोटा थर्ड पे आयोटा स्क्वायर फोर्थ पे आयोटा क्यूब आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा फाइनली वैल्यू क्या आएगी जीरो तो मैं ये बोल सकता हूँ जब भी कभी मुझे सम के अंदर चार टर्म्स लिखी हो और उन चारों में जो आयोटा की पावर हो वो कॉन्जिगेटिव पावर्स हो तो मैं इन चारों टर्म्स का जो सब है वो जीरो के बराबर बोल सकता हूँ इसका मैं यूज करूंगा यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए बाकी आपके पास और भी देखो बहुत सारे मेथड्स हैं आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेथड लगा के उसका आंसर ला सकते हो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना जल्दी उसका आंसर लाते हो आप चाहो तो इसमें एक सीरीज भी लगा सकते हो जैसे ये जी है इसका जो रेशियो वो आईटा है फर्स्ट टर्म जो है वो आईटा की पावर फाइव है नंबर ऑफ टर्म्स आपको देखनी पड़ेगी कितनी होगी क्योंकि जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इन टू आर पावर दावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन एक का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म इंटू रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन डिवाइडेड बाई रेशियो माइनस वन ये फार्मूला लगा के भी अपन इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हो उससे भी अपना आंसर आ जाएगा मैं आपको बिना इस फॉर्मूले के इसका आंसर कैसे निकालना है वो बता रहा हूँ ठीक है तो मैंने क्या किया है भाई यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढा है पैटर्न क्या ढूंढा है जो लास्ट टर्म है उसको मैंने चार से डिवाइड करके देखा कि वो चार से डिवाइड हो रही है मैं क्या करूँगा चार चार के पेयर्स बनाऊंगा क्योंकि चार चार में अपन को पता है कि जो कॉन्जिगेटिव पावर्स होती है उनमें चार चार अगर टर्म साथ में होती है तो उनका जो सम होता है वो जीरो हो जाता है तो मुझे पता है पाँच जो है अगर इसको मैं चार से डिवाइड करता हूँ तो ये प्रॉपरली डिवाइड होता है और रिमाइंडर जो भी आता है वो जीरो आता है एंड क्यों सेंट जो आएगा वो वन ट्वेंटी आएगा अभी जस्ट एक पीछे वाली प्रॉब्लम में किया था अपन ने ये देखो यहाँ पे आईआटा की पावर पाँच सौ बारह ये प्रॉपर डिविजिबल था इसका जो रिमाइंडर आया था आप यहाँ पर भी देख सकते हो वो जीरो आया था ठीक है तो यानी जो लास्ट टर्म है वो चार से डिविजिबल है यानी मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो चार चार के जो पेड़्स बनेंगे वो पॉसिबल है कोई टर्म अगर एक्स्ट्रा होती तो मैं इसको साइड में अलग से कर लेता बाकी चार चार के पेड़्स में लेके चल सकता था तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ भाई आयोटा की पावर वन आयोटा की पावर टू आयोटा की पावर थ्री प्लस आयोटा की पावर फोर प्लस आयोटा की पावर फाइव प्लस आयोटा की पावर सिक्स प्लस आयोटा की पावर सेवन आयोटा की पावर एट आयोटा की पावर नाइन टेन ट लास्ट वन इज आई आटा की पावर पाँच सौ बारह सेकेंड लास्ट इज पाँच सौ ग्यारह थर्ड लास्ट इज पाँच सौ दस एंड फोर्थ लास्ट इज आई आटा की पावर फाइव जीरो नाइन अब देखो अपन पेयर्स बनाते हैं भाई ये बन गया अपना फर्स्ट पेयर जो आपकी अपन को दे नहीं रखा था मैंने जस्ट आपको काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि ये भी एक पेयर है इसका वैल्यू अपन को दे नहीं रखा था एटा की पावर अपन को स्टार्ट किया था उसने फाइव से जबकि मैंने आंसर में लिखा है वन से ये एक्स्ट्रा लिखा है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे चार चार के पैटर्न बन रहे हैं आप वन से स्टार्ट करते हो जब भी पेयर बनाते हो जैसे अगर मैं बोलूँ हंड्रेड तक की तो हंड्रेड में आपको होता है फिफ्टी ऑड नंबर्स है फ़िफ्टी ईवन नंबर्स है तो आप पेयर बना सकते हो भाई ऑड के पेयर्स बना सकते हो ईवन के पेयर बना सकते हो लेकिन एक्चुअली में आपको काउंटिंग कहाँ से देखनी पड़ेगी वन से देखनी पड़ेगी क्योंकि वन इज़ दी परफेक्ट नंबर जहाँ से अपन हमेशा काउंटिंग ऑब्जर्व करते हैं तो मैंने वन से इसीलिए देखा कि वन से क्या है मेरे को काउंटिंग ऑब्जर्व करना आसान होगा बाकी आप यहाँ से देख सकते हो ये चार मिल के एक पेयर बन जाएगा ये चार मिल के एक पेयर बन गया और लास्ट के जो चार मिल के वो भी एक पेयर बन जाएंगे और हर पेयर का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा जीरो तो लास्ट वाला जो पेयर होगा उसका वैल्यू भी कितना आएगा जीरो फाइनली आपको पता है जीरो को कितनी भी बार ऐड करें फाइनल आंसर क्या आना अपना जीरो तो इस प्रॉब्लम का अपना जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी जीरो एक बार आप देख लीजिए ठीक है बहुत अच्छा सवाल है ये आ, ये मान लीजिए ये जई मेंस टाइप का सवाल है जई मेंस में बिल्कुल पूछा जा सकता है आईटा की पावर्स का सम किस तरीके से निकाला जाता है चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं एक अपने पास समीशन है जिसमें आर फ्रॉम वन से लेके ट्वेंटी फाइव है एंड आई की पावर में आर फैक्टोरियल है यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं वो बता देता हूँ क्योंकि टीचर क्या करता है आपको जब भी सवाल देता है तो इस सवाल के या इसके बीच में एक दो सवाल और ले लेते हैं कई बार वो प्रैक्टिस के लिए इनके जस्ट बाद में वो वाला फैक्टोरियल का सवाल दे देता है बच्चे को लगता है फैक्टोरियल वाले सवाल में भी कि सर आईटा की जो पावर्स होगी वो कॉन्जिकेटिव होगी आप ध्यान रखना जब भी आप कभी वो फॉर्मूला लगाते हो कि आई आटा की चार पावर्स का सम जो है वो जीरो होगा तो उसमें जो चार पावर्स है वो कॉन्जिकेटिव होना जरूरी है अपन यहाँ पे देखते हैं आयोटा की पावर वन है देन आयोटा की पावर टू है देन आयोटा की पावर सिक्स है सिक्स का मतलब हो गया थ्री फैक्टोरियल ये आर इक्वल टू थ्री है देन आयोटा की पावर ट्वेंटी फोर है देन आयोटा की पावर 120 है डॉट 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 लास्ट वन इज आयोटा की पावर 25 का फैक्टोरियल डेफिनेटली मैंने जो फैक्टोरियल के अंदर जो वैल्यूज़ याद की है वो वन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल अप टू कहीं ना कहीं सेवन फैक्टोरियल तक अपन वैल्यूज़ याद करते हैं इसके आगे के जो भी वैल्यूज़ होती है अपन उनको निकाल सकते हैं बट याद करने की नीड नहीं है ठीक है तो अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखो भाई ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो पी अपन ने पीछे वाली प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट लगाया वो नहीं लगेगा क्योंकि उसके लिए अपन को चार कॉन्जिगेटिव पावर्स चाहिए यहाँ पे कॉन्जिगेटिव पावर्स नहीं वन टू चलो कॉन्जिगेटिव है बट फिर छः आ गया यानी चार का गैप आ गया फिर ये आ गया यानी अट्ठारह का गैप आ गया फिर और बड़ा गैप आ जाएगा धीरे धीरे गैप बढ़ रहा है बट आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो इस नंबर से लेके आगे के जितने भी टर्म्स होंगे आयोटा की पावर 24 से लेके आगे के जितने भी टर्म्स होंगे इनमें आयोटा की पावर में फोर तो होगा ही होगा क्योंकि चार के मल्टीपल नंबर्स है जैसे ये नंबर भी फोर का मल्टीपल है फोर के मल्टीपल का मतलब है दैट नंबर विल बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई फोर रिमाइंडर विल बी जीरो ये नंबर भी फोर का डिविजिबल है और लास्ट जो नंबर आएगा वो भी फोर का डिविजिबल है यानी मैं इसके आगे के जितने भी नंबर्स है आयोटा की पावर फोर की पावर सिक्स आयोटा की पावर फोर की पावर समथिंग दैट समथिंग क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बस आपको ये चेक करना है कि वो चार से परफेक्ट डिविजिबल है क्या डिविजिबल है तो डिक्वेशन क्या आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वही अपना आंसर होता है प्लस डॉट 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 लास्ट में भी मैं आयाटा की पावर फोर की पावर समथिंग कर सकता हूँ और जो स्टार्टिंग के जो मेरे पास तीन टर्म्स बच गए इन तीनों टर्म्स की मैं वैल्यू मैनुअली निकाल लूंगा एंड मैनुअली निकाल के सब्टिट्यूट कर दूंगा आयोटा की पावर वन की वैल्यू होती है आयोटा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन आयाटा की पावर फोर का वैल्यू सिक्स का वैल्यू हो गया फिर से माइनस वन तो ये बन गया आयोटा माइनस टू प्लस इन सब का जो वैल्यू है यहां से लेके यहाँ तक इन सभी टर्म्स का जो वैल्यू है वन है यानी हर टर्म का अपना वैल्यू वन होगा दैट इज वन वन एंड लास्ट टर्म इज ऑल्सो वन तो अपन को ये चेक करना है भाई कि वन जो आ रहा है अपना वो कितनी बार आया है तो अपन ये देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ट्वेंटी फाइव जिसमें से अगर मैं तीन टर्म्स हटा दूं तो यहां पे टर्म्स कितनी बन गई ट्वेंटी टू टर्म्स ठीक है सॉरी ट्वेंटी थ्री टर्म्स तो मैं यहां पे बोल सकता हूं आयोटा माइनस टू प्लस ट्वेंटी थ्री फाइनल आंसर विल बी आयोटा प्लस ट्वेंटी वन दैट इज ट्वेंटी वन प्लस आयोटा ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है एक बार देख लीजिए अब आता है एलजेबरिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर एलजेबरिक ऑपरेशन का मतलब होता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन सब्ट्रेक्शन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कैसे किया जाता है ठीक है तो देखते हैं तो सबसे पहले देखो मैंने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डिफाइन नहीं किया है अभी तक तो मैंने आईटा की पावर से रिलेटेड सवाल बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैंने आपको बताया नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइंड होता है अब मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन डिफाइन कैसे करते हैं दूसरी चीज कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिशन सप्ट्रेशन मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड ऑल दो ऑपरेशन जो एलजेब्रा में होते हैं क्योंकि एक एल्जेब्रा है या एक कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एक्सिस वाला और एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो एक अलग प्लेन है इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है कौन कौन से ऑपरेशन है जो दोनों में एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी ये जो आई होता है इस आई की वजह से एक्चुअली में वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इमेजनरी टाइप दिखता है ये आई जो होता है इसको अपन इमेजनरी वाला आयोटा बोलते हैं ठीक है अब आप यहाँ पे एक चीज देखो यहाँ पे एक नंबर है ए और एक नंबर है बी ये जो ए होता है इसको अपन बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड जेड का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम आपने पढ़ा है कि कई के बार अपन किसी फंक्शन का नाम डिसाइड करना पड़ता है या सेट भी जब अपन पढ़ते हैं तो सेट के इंडिविजुअली नाम देते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने जेड बोला है ये जो बी है इस बी को बोलेंगे अपन इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड तो एक हो गया रियल पार्ट और एक हो गया इमेजनरी पार्ट इस इमेजनरी और इस रियल पार्ट से एक्चुअली में अपना क्या डिसाइड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए कोमा बी जो है वो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर ए और बी जो है वो कॉम्प्लेक्स में नहीं होने चाहिए वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए रियल क्यों क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैंने अलग से साइड में आयोटा जोड़ा है उस आयोटा की वजह से अपन को ये दिख रहा है कि वो जो नंबर लिखा हुआ है सामने जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दैट इज दी कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है अब यहाँ पे आती है कि भाई अगर मान लो ए बी ये जो भी है इनकी वैल्यूज के ऊपर आता है कि इनकी वैल्यूज मान लो किसी की वैल्यू जीरो जाती है किसी की वैल्यू नॉन जीरो होती है तो अपन कॉम्प्लेक्स में क्या कंक्लूजन कर सकते हैं तो सबसे पहला आता है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी जो अपना कॉम्प्लेक्स होता है इस कॉम्प्लेक्स में चार केस बनते हैं सबसे पहला केस आता है ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉन जीरो ए का वैल्यू जीरो हो जाता है और बी का वैल्यू नॉन जीरो हो जाता है यानी ये टर्म गायब हो जाएगी और ये वाली टर्म बचेगी इस केस में अपन बोलते हैं जेड इज प्योरली इमेजनरी देखो अब आपको यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स सीखने को मिलेंगे इमेजनरी प्योरली इमेजनरी रियल प्योरली रियल इन सब में डिफरेंस क्या होता है क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड आपने पी वाई क्यूज़ देखे होंगे अभी मैं थोड़ा सा थ्योरी आने दो आगे थ्योरी के बाद में आप देखना कुछ सवाल लिए होंगे जो इस पे बेस्ड होंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज़ प्योरली रियल या दिस एक्सप्रेशन इज़ प्योरली इमेजनरी इस टाइप के कुछ सवाल होंगे तो आप वहाँ पर उन वर्ड्स में प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी का मीनिंग तभी समझ पाओगे जब आपको ये पता होगा कि एक्चुअली प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी इमेजनरी इन सब में डिफ्रेंस क्या होता है ठीक है सेकेंड आता है कि अगर ए का वैल्यू मान लो नॉन जीरो हो जाता है और बी का वैल्यू हो जाता है जीरो यानी ये वाली टर्म आपकी मिस हो जाएगी तो आपका बचेगा जेड इक्वल टू ए इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखना चाह रहे हो तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जेड इक्वल टू टू आयोटा जेड इक्वल टू थ्री आई माइनस थ्री आयोटा आयो नेगेटिव भी ले सकते हैं इस टाइप का जिनका रियल पार्ट जीरो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट रहेगा अब मैं क्या ले रहा हूँ कि भाई ऐसा लेता हूँ कि जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो जाए और रियल पार्ट बचे इस केस में अपन बोलते हैं जेड इज प्योरली रियल या इस केस में अपन सिंपली बोल सकते हैं जेड इज रियल रियल एंड प्योरली रियल दोनों का मीनिंग सेम होता है कोई फर्क नहीं होता है रियल इज रियल इमेजनरी में अलग होता है इमेजनरी अलग, अलग होता है और प्योरली इमेजनरी अलग होता है प्योरली इमेजनरी का मतलब जिसका रियल पार्ट जीरो और इमेजनरी का मतलब जिसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों नॉन जीरो इसमें कोई एग्जाम्पल लेना है तो अपन ले सकते हैं जेड बराबर टू जेड बराबर माइनस वन इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दे थर्ड वन इज ए का वैल्यू भी नॉन जीरो है बी का वैल्यू भी नॉन जीरो है ठीक है इस केस में अपन बोलते हैं जेड इज इमेजनरी इमेजनरी अब एक चीज ऑब्जर्व करना बेटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है प्योरली इमेजनरी एंड इमेजनरी ये दोनों बहुत अलग अलग है गलती से भी आप इमेजनरी और प्योरली इमेजनरी को सेम मत कंसीडर कर लेना हाँ रियल एंड प्योरली रियल सेम मतलब होता है कोई फर्क नहीं होता इन दोनों में कभी अगर किसी प्रॉब्लम में बोले कि दिस एक्सप्रेशन इज रियल या दिस एक्सप्रेशन इज प्योरली रियल बोथ आर सेम आप दोनों को एक जैसे यूज कर सकते हो ठीक है एक एग्जाम्पल लेना चाहे तो ले सकते हैं जेड इक्वल टू टू माइनस थ्री आयोटा जेड इक्वल टू माइनस वन माइनस का टू आयोटा ठीक है इस तरीके से एग्जाम्पल भी ले सकते हो लास्ट पार्ट आता है अपना जेड सॉरी ए का वैल्यू भी जीरो हो जाए और बी का वैल्यू भी जीरो हो जाए. मतलब उसका रियल पार्ट भी जीरो हो जाता है एंड इमेजनरी पार्ट भी जीरो हो जाता है. तो किस तरीके से देखते हैं तो इस केस में जो अपना जेड आता है जेड इज रियल एज वेल एज प्योरली इमेजनरी इस केस में जो जेड होता है उसको अपन रियल एज वेल एज प्योरली इमेजनरी दोनों जगह काउंट करते हैं और इस केस में जो एग्जाम्पल होगा वो परफेक्ट एग्जाम्पल है सिर्फ एक ही पॉसिबल है दैट इज दिस वन जेड इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आइटा तो जेड इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आइटा जो होता है वो प्योरली रियल भी होता है एंड प्योरली इमेजिनरी या रियल एंड प्योरली इमेजिनरी दोनों जगह काउंट होता है अपने लिए जो काम के हैं ऑफकोर्स वो ये वाला बहुत काम का है कि प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब होता है ऑफकोर्स ये वाला भी बहुत काम का है प्योरली रियल का क्या मतलब होता है क्योंकि मैक्सिमम सवाल इन्हीं पे रहते हैं अपने आपको ये पता होना चाहिए प्योरली रियल की क्या कंडीशन है दीज आर दी कंडीशंस दिस इज कंडीशन फॉर प्योरली मेसनरी एंड दिस इज कंडीशन फॉर प्योरली रियल ठीक है एक बार देख लीजिए किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं अभी देखो अपन ने स्टार्ट किया था एलजेबरिक ऑपरेशन बट मैंने उसके पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं वो बता दिया अब एलजेबरिक ऑपरेशन का मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड ऑल ये देखते हैं तो सबसे पहले आता है एडिशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से ऐड किया जाता है जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया जेड वन एंड दैट इज एक्स वन प्लस वाई वन सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड टू दैट इज़ एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू एंड आपको पता है ये चीज़ ठीक है थोड़ा बहुत देखो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा ही लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी पहले यूज़ हो रही है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक पॉइंट की तरह भी यूज किया जाता है जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही एक पॉइंट है इसमें ये जो ये वाला पार्ट है दैट इज़ एक्स वन दैट इज़ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं एफ ऑफ द पॉइंट और जो इमेजनरी पार्ट होता है इमेजनरी पार्ट को बोलते हैं अपन ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट यानी एक पॉइंट बन गया ये यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वन कोमा वाई वन ये दूसरा पॉइंट बन गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स टू कोमा वाई टू तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक पॉइंट की तरह यूज कर सकते हो अब यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि जितना भी अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चीजें देखी थी डेडी कॉनिक सेक्शन या ज्योमेट्री जो देखी थी स्ट्रेट लाइन देखा था अपन ने सर्कल देखा था पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला वो सारी की सारी ज्योमेट्री यहाँ दोबारा आएगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक पॉइंट है और एक पॉइंट का मतलब हो जाता है ज्योमेट्री ज्योमेट्री में आपने देखा होगा जितने भी इक्वेशन है वो सारे पॉइंट से मिलकर ही बनती है ठीक है तो बात करते हैं यहाँ पे एडिशन की एडिशन का मतलब हो गया जेड वन प्लस जेड टू दोनों को ऐड करना है दैट इज़ एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन प्लस एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू तो मैं अगर आपको सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ कि भाई दो पॉइंट्स को ऐड करना है मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं अपन दोनों का एफ सी सा ऐड कर देते और दोनों का ऑर्डिनेट ऐड करते हैं सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी कि दोनों का एफ सी सा रियल पार्ट ऐड कर दो एंड दोनों का इमेजनरी पार्ट ऐड कर दो तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का मतलब होता है उनका रियल पार्ट ऐड कर दो एंड उनका इमेजनरी पार्ट ऐड कर दो इसी तरीके से जो सेकेंड आता है दैट इज सब्ट्रैक्शन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है जेड वन माइनस जेड टू का मतलब हो गया एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई वन माइनस वाई टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्टेक्ट करने का मतलब हो गया उनका रियल पार्ट सब्टेक्ट कर दो और एंड उनका एंग इमेजनरी पार्ट सप्टेक्ट कर दो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो भी अपने आप में एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जैसे ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट ये कहलाएगा और इमेजिनरी पार्ट ये कहलाएगा जेड वन माइनस जेड टू करने के बाद जो डिफरेंस करने के बाद जो मुझे चीज मिली है उसका रियल पार्ट ये है और इमेजनरी पार्ट ये है यानी ये भी अपने आप में एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है इसी तरीके से अपन इसका जो तो थर्ड वाला पार्ट है वो भी देख सकते हैं दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास एक Z1 वन कॉम्प्लेक्स नंबर है एक Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो टर्म्स आएगी वो किस तरीके की होगी या मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं किस तरीके से करूंगा X1 वन प्लस आयोटा वाई वन एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है इसकी एक टर्म पकड़ूंगा उसकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा देन इसकी दो सेकेंड टर्म पकड़ूंगा उसकी दोनों टर्म से जो अपन ने नाइन्थ क्लास में बेसिक एलिमेंट्री मेथड सीखा था इन एलिजेब्रा कि दो ब्रेकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे आएगा x1 वन इंटू एक्स माइनस चलो मैं पूरा करके बता देता हूं भाई आपको x1 y2 एक्स वन वाई टू विथ आयोटा स्क्वायर अब आपको पता है जो आयोटा स्क्वायर होता है इसका वैल्यू एक्चुअली में किसके बराबर होता है माइनस वन के बराबर तो ये वाली जो टर्म है ये रियल टर्म है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं दिख रहा है और ये वाली जो टर्म है ये भी रियल टर्म है तो यानी मैं यहाँ पे कंक्लूजन दे सकता हूँ कि जेड वन इंटू जेड टू का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई वैसे ही किया जाता है जैसे नॉर्मली एलजेब्रा में अपन मल्टीप्लाई करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बाद जो एक्सप्रेशन जनरेट होता है दैट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको अपन इस तरीके से वैल्यू फाइंड करके निकाल सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है भाई अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्ली अभी डिवीजन नहीं देखा है ध्यान रखना डिवीजन के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ना अपने लिए बहुत जरूरी होता है दैट इज कॉन्जुकेट कॉन्जुकेट के बाद में अपन डिवीजन पढ़ते हैं तो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन के ऊपर मैंने कुछ सवाल लिए हैं उन्हीं सवालों को अपन डिस्कस करते आप दो मिनट ले लीजिए दो मिनट में आप पहले ये क्वेश्चन खुद ट्राई करिए देन में इसका आंसर डिस्कस करता हूं आपसे ठीक है चलिए भाई आपने ट्राई कर लिया होगा चलो इसको डिस्कस करते हैं तो इसमें देखो क्या दिया है एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें एक एल एच एस है और कुछ आर एच एस है एल एच एस बराबर आर एच एस दे रखा है तो अपन को सोल्व करके किसी भी तरीके से एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है तो अपन क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट निकाल लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट क्या आएगा टू एक्स स्क्र माइनस का थ्री वाई यहाँ से टू एक्स स्क् से माइनस थ्री वाई आएगा और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा आयोटा टाइम्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू वाई एंड दैट इज इक्वल टू टू एक्स माइनस का थ्री वाई प्लस का फाइव आयोटा ठीक है ये रियल पार्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड का ये राइट हैंड साइड का रियल पार्ट हो गया ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए तो एक काम करते हैं इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस का थ्री वाई थ्री वाई से थ्री वाई कट गया टू से टू कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स आ गया एक्स का एक वैल्यू जीरो हो जाएगा एक्स का एक वैल्यू वन हो जाएगा एक्स की दो वैल्यू आएगी जीरो एंड वन दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल करते हैं तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू वाई इक्वल टू फाइव इसमें एक बार एक्स की जगह जीरो डाल लेते हैं भाई एक्स की जगह जीरो डालूंगा तो जीरो प्लस का टू वाई इक्वल टू फाइव आई विल गेट वाई इक्वल टू फाइव बाई टू एंड इसमें एक्स की जगह वन डाल देता हूँ भाई थ्री प्लस का टू वाई इक्वल टू फाइव आई विल गेट वाई इक्वल टू वन तो इस वाले कॉम्बिनेशन से जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर या जो मुझे एक्स एंड वाई का जो वैल्यू मिला है वो मिला है एक्स को वाई की वैल्यू लिख रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई है जीरो एंड वाई की वैल्यू आइए फाइव बाई टू एंड इस वाले कॉम्बिनेशन से जो अपन को एक्स एंड वाई की वैल्यू मिली है उसमें एक्स की वैल्यू होगी वन एंड वाई की वैल्यू भी होगी वन तो फाइनली इस प्रॉब्लम का जो आंसर आएंगे वो आएंगे जीरो कोमा फाइव बाई टू दो सेट आएंगे दो कॉम्बिनेशन आएंगे एक्स एंड वाई के एक आएगा जीरो कोमा फाइव बाई टू और एक आएगा वन कोमा वन चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा आपको याद होगा मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल इसी टाइप का आपको एक सवाल करवाया था एंड मैंने उस टाइम पे डिक्टेट भी किया था कि इस टाइप के दो सवाल पॉसिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है और एक क्वाडिटिक में आता है जहाँ पे आपको एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया जाता है और उस एक्सप्रेशन के बाद आपको एक एक्स की वैल्यू दे देता है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू होती है वो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आपको पुट करके उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है दो मेथड है फर्स्ट मेथड तो यही है कि भाई आप एक काम करो एक्स का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो बट ऑब्वियसली बात है ये मेथड सेफ नहीं है क्योंकि जैसे ही एक्स का वैल्यू रखूंगा आपको दिख रहा है कैलकुलेशन बढ़ेगी यहाँ पे बनेगा वन प्लस आयोटा की पावर फोर वन प्लस आयोटा की पावर थ्री वन प्लस आयोटा की पावर टू एंड वन प्लस आयोटा सोल्व करूंगा फाइनली सिंप्लीफाई करूंगा आंसर आ जाएगा दूसरा एक तरीका याद करो मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया था यूज किया था अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कॉन्सेप्ट याद हो तो वो वाला तरीका क्या होता है थोड़ा ईजी होता है उसी तरीके से आपको प्रॉब्लम भी करनी चाहिए एक्स माइनस वन इक्वल टू आयोटा वो जिस नंबर से मुझे डिवाइड करना है या जिस एक्सप्रेशन से मुझे डिवाइड करना है पहले मैं वो एक्सप्रेशन यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ यहाँ माने का एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का वन इक्वल टू आटा स्क्वायर फाइनली आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का टू इक्वल टू जीरो आयाटा स्क्वायर इज माइनस वन उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा तो प्लस का टू हो जाएगा यानी ये वो एक क्वाड्रेटिक है जिसके अंदर अगर मैं एक्स की जगह वन प्लस आयाटा रख दूंगा तो इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर आएगा जीरो के बराबर तो मैं एक काम करता हूँ इस नंबर से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ लॉन्ग डिविजन मेथड से ठीक है तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का टू को डिवाइड करेंगे अपन किस में एक्स टू द पावर फोर माइनस का फोर एक्स क्यूब प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का वन तो नॉर्मल जो तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन का एक्स टू द पावर फोर हो गया माइनस का टू एक्स क्यूब हो गया प्लस का टू एक्स स्क्वायर हो गया भाई सब कर लेते हैं यहाँ पर माइनस का टू एक्स स्क्वायर आएगा सॉरी माइनस का टू एक्स क्यूब आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का वन यहाँ पे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का टू एक्स आएगा तो माइनस का टू एक्स क्यूब हो गया प्लस का फोर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का फोर एक्स हो गया फिर से सप्टेट करेंगे तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस का टू एक्स प्लस का वन फिर से सॉल्व करेंगे तो माइनस का थ्री हो गया यानी माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स माइनस का सिक्स सप्टेट करेंगे तो माइनस का फोर एक्स प्लस का सेवन यानी यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए शायद आपको हो सकता है याद हो वो प्रॉब्लम क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने क्वाड्रेटिक क्वेशन का आपको वीडियो ले, डाला था उसमें आप देखा होगा कि जो रिमाइंडर आया था वो कांस्टेंट आया था एक्सपे नहीं डिपेंड कर रहा था इसमें जो रिमाइंडर आ रहा है वो एक्सपे डिपेंड कर रहा है ठीक है तो देखते हैं भाई इसका आंसर कैसे निकालेंगे अपन ठीक है तो मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ एक्स टू दावर फोर माइनस का फोर एक्स क्यूब प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का वन दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का टू इन टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री प्लस माइनस का फोर एक्स प्लस का सेवन मतलब ये हो गया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली में इस पूरे के बराबर है तो मुझे क्या करना था एक्स इक्वल टू वन प्लस आइटा रखना था इसके अंदर तो मैं क्या करता हूँ एक्स इक्वल टू वन प्लस आयटा इसमें ना रख के मैं उसके अंदर रख देता हूँ क्योंकि वो दोनों बराबर तो उसके अंदर रखने पे जो वैल्यू आएगी वही तो है उसको तो आप एक काम करो इसके अंदर एक्स की जगह वन प्लस आयटा रखोगे जैसे आप इसके अंदर एक्स की जगह वन प्लस आयटा रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री प्लस माइनस का फोर एक्स प्लस का सेवन जैसे आप इसके अंदर एक्स की जगह वन प्लस आटा रखोगे ये पूरा ब्रेकिट जो है ये जीरो हो जाएगा क्यों जीरो हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था एक्स इक्वल टू वन प्लस आइटा इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्योंकि ये इससे जनरेट हुआ है तो आप एक्स इक्वल टू वन प्लस आटा जैसे इसमें रखोगे इस पूरी क्वाड्रेटिक का वैल्यू जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू जीरो होने का मतलब ये पूरा ब्रेकिट जीरो हो गया तो फाइनली जो लास्ट बच गया उसके अंदर एक्स इक्वल टू वन प्लस आयोटा डाल दो और वन प्लस आयोटा डालने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वही वैल्यू अपनी फाइनल आंसर हो जाएगी दैट इज़ थ्री माइनस फोर आयोटा इस टाइप के प्रॉब्लम में कई के बार ऐसा होता है कि जो आंसर होता है वो कांस्टेंट होता है जैसे इसका आंसर तो चलो ठीक है आयोटा के टर्म्स में आ रहा है इमेजनरी आ रहा है बट कई के बार आंसर जो तो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आता है स्क्वायर रूट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर अपन स्क्वायर रूट करते हैं तो उसको स्क्वायर रूट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है वो एक्सप्रेशन क्या आता है तो एक काम करते हैं भाई ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया इसका मैंने स्क्वायर रूट कर दिया और इसके स्क्वायर रूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी या जो एक्सप्रेशन आएगा मुझे नहीं पता एक्चुअली में वो क्या आएगा वो इमेजनरी आएगा ऑफकोर्स वैसे तो पता है अपन को इमेजनरी आएगा बट ठीक है फोर्सेफर साइड अपन को नहीं पता वो इमेजनरी आएगा या कॉम्प्लेक्स आएगा तो एक काम करते हैं अपन उसको एक्स प्लस आयोटा वाई लेते ये वैल्यू हो सकता है इमेजनरी हो जाए कैसे प्योरली इमेजनरी हो जाए एक्स जीरो आ जाए हो सकता है ये वैल्यू प्योरली रियल आ जाए कैसे वाई जीरो हो जाए हो सकता है एक्स और वाई दोनों में से दोनों के दोनों ही नॉन जीरो है तो ये वैल्यू इमेजनरी हो जाएगी इसको सॉल्व करना है अपन को वहाँ से अपन को एक्स एंड वाई निकालना है एक्स और वाई आ गए तो अपना आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या होता है दोनों तरफ अपन स्क्वायरिंग कर देते हैं ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई आयोटा ठीक है अब एक काम करते हैं ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपस में बराबर है तो इनका रियल पार्ट इक्वेट करेंगे इनका इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एंड दूसरी इक्वेशन आ जाती है टू एक्स वाई इक्वल टू बी दो इक्वेशन दो वेरिएबल वेरिएबल कौन कौन है एक्स एंड वाई अपन को एक्स और वाई निकालने हैं तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा देखो सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ वैसे तो मैं वो एग्जांपल लिया है मैं उस एग्जांपल में ये चीज़ डिस्कस भी करूँगा कि सॉल्व कैसे करना है बट आपको पता है आपको एक इक्वेशन और बना लेनी चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर एंड ऑब्वियसली बात है एक्स कॉमा वाई जो होगा वो बिलोंग्स टू क्या होगा कैपिटल आर दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने यहाँ लगाया डिफरेंस ऑफ रूट्स वाला तरीका कि सम ऑफ रूट्स का जो स्क्वायर होता है ये सम ऑफ रूट्स मतलब सम ऑफ दो नंबर्स का स्क्वायर होता है डिफरेंस ऑफ दोस्त टू नंबर्स के स्क्वायर प्लस का फोर टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है ये अपन ने पढ़ा है क्वाडिटी में ही पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ रूट्स रूट होता है या सम ऑफ रूट्स होता है वो बराबर होता है माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का स्क्वायर एंड प्लस फोर टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ठीक है वो वाला पैटर्न उसमें लगाएंगे और पैटर्न लगा के इस एग्जाम्पल में इसका वैल्यू अपन निकालेंगे ठीक है मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैंने एक और प्रॉब्लम ली है वैसे इसके अंदर वो भी अगली स्लाइड में है वो भी डिस्कस कर लेंगे अपन लेट्स एज्यूम देट दिस नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे एट माइनस सिक्स आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई आयोटा तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू एट कॉमा टू एक्स वाई इक्वल टू माइनस सिक्स ये दो इक्वेशन आ गई इन दोनों को सॉल्व करके मुझे एंड वाई निकालना है बेसिक तरीका तो देखो यही है कि आपके पास ऑप्शन रहेंगे अब ऑप्शन पुट करके देख लो भाई कौन से ऐसे ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे वही अपने आंसर हो जाएंगे ठीक है बाकी प्रॉपर अगर मेथड है कि भाई अपन को पूरा ही निकालना है तो अपन पूरा भी नहीं निकाल सकते हैं मैं इस वाली इक्वेशन का यूज करूंगा बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई का स्क्वायर ये जो फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो एक्चुअल में टू एक्स वाई का स्क्वायर है फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आपको पता है तीनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है तो तीनों का प्रोडक्ट करके स्क्वायर को बोल सकता हूँ मैं ये बनेगा सिक्सटी फोर वो बनेगा थर्टी सिक्स दोनों मिला के हो गए हंड्रेड एंड हंड्रेड का फिर मैं लूँगा स्क्वायर रूट तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन आएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस टेन आएगा ऑफकोर्स माइनस टेन इज नॉट राइट बिकॉज एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव नंबर एंड वाई स्क्वायर इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर दो पॉजिटिव नंबर्स का सब नेगेटिव नहीं हो सकता तो फाइनली अपने पास जो एक इक्वेशन और आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन और एक इक्वेशन अपने पास पहले से थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट दोनों का ऐड करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स की वैल्यू वहाँ रखेंगे वी विल गेट दी वैल्यू ऑफ वाई चलिए एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसमें इधर कर लेता हूँ भाई मैं तो इक्वेशन नंबर वन मैंने इसको नाम दिया है एंड इक्वेशन नंबर टू मैंने इसको नाम दिया है तो वन एंड टू को मैंने ऐड किया है तो मेरे को मिलेगा टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एटीन आई विल गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन आई विल गेट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आयोटा जब मैं एक्स का वैल्यू थ्री लूँगा प्लस का एक्स का वैल्यू थ्री लोगे तो ऑब्वियस की बात है वाई का वैल्यू क्या मिलेगा आपको माइनस का वन तो एक एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन ये आ गया जब एक्स का वैल्यू मैं माइनस थ्री लूंगा एंड इसमें सब्टिट्यूट करूंगा तो माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स से कट के वाई का वैल्यू उस केस में कितना आएगा वन दूसरे केस में वाई का वैल्यू क्या आएगा वन तो एक्चुअली में मेरे पास जो आंसर आ गया फाइनली वो जाएगा थ्री माइनस आयोटा एंड माइनस थ्री प्लस आयोटा और ये देखो दो आंसर क्यों आया क्योंकि अपन को पता है किसी भी नंबर का अपन जब स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आंसर आता है जैसे ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं अपन तो प्लस माइनस फाइव लेंगे या एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस एक्स लेंगे तो इसके स्क्वायर रूट की जो फाइनली वैल्यूज आएगी वो आएगी प्लस माइनस ठीक है थ्री माइनस आयोटा एक बार प्लस के साथ ओपन कर दो इसे एक बार माइनस के प्लस के साथ ओपन करोगे तो थ्री माइनस आयोटा हो गया एंड माइनस के साथ ओपन करोगे तो माइनस का थ्री प्लस आयाटा हो गया चलिए इस पर मैंने एक प्रॉब्लम लिया है जो कि जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी में आया है आप इसको ट्राई करिए ये स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का ही प्रॉब्लम था कुछ बच्चों ने हो सकता है इसे बाइनोमियल से सोचा हो क्योंकि आपने पावर देखी रेडिकल और आपको ऐसा लगा कि शायद बाइनोमियल से ओपन करके करना है बट एक्चुअली में ये स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था ट्राई करिए फिर मैं डिस्कस करता हूँ बेटा चलो भाई इसको डिस्कस करते हैं तो 54 जो होता है वो होता है 9 इंटू सिक्स नाइन रूट के बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 3 रूट सिक्स ठीक है तो मैं इस फर्स्ट वाले पार्ट को लिख सकता हूँ 3 प्लस सिक्स रूट सिक्स आयोटा की पावर में है 1 बाई टू सेकेंड वाली जो टर्म है उसको लिख सकता हूँ 3 माइनस सिक्स रूट सिक्स आयोटा की पावर 1 बाई टू ठीक है तो एक्चुअली में ये हो गया रूट के अंदर थ्री प्लस सिक्स रूट सिक्स ठीक है विथ आयोटा और दूसरा जो टर्म हो गया रूट के अंदर थ्री माइनस सिक्स रूट सिक्स विथ आयोटा तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अब ये देखिए ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना और दूसरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट लेना और दोनों के स्क्वायर रूट को क्या कर देना है ऐड ठीक है तो चलो भाई एक एक का स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालते हैं थोड़ा लेंदी है बट एक्चुअली में इजी है तो अलग से लेते हैं अपन थ्री प्लस सिक्स रूट सिक्स आयोटा इसको मैंने ले लिया एक्स प्लस आयोटा वाई दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो थ्री प्लस सिक्स रूट सिक्स आयोटा विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई आयोटा दोनों का रियल पार्ट इक्वेट कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू मुझे मिलेगा थ्री एंड टू एक्स वाई इक्वल टू मुझे मिलेगा सिक्स रूट सिक्स ठीक है थोड़ा सा इसमें लेगिंग हो रहा है कुछ कुछ टर्म्स एक्चुअली में थोड़ी स्लो आ रही है लिखने में बट कोई दिक्कत नहीं आप शायद समझ पा रहे होंगे मेरी बात ऐसी बात नहीं है अपन आगे बढ़ते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर निकाल लेते हैं जो कि बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज़ नाइन प्लस इसका स्क्वायर इस इसके स्क्वायर इस का मतलब हो गया थर्टी सिक्स इंटू सिक्स ये होता है नाइन इंटू फोर तो नाइन बाहर आ जाएगा यहाँ बचेगा वन और यहाँ बचेगा फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस वन कितना हो गया ट्वेंटी फाइव फाँग। तो फाइनली इसका वैल्यू हो जाएगा नाइन इंटू ट्वेंटी फाइव तो एक्स तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो <scooping> जाएगा प्लस माइनस फिफ्टीन कोर्स अपन को प्लस फिफ्टीन लेना है माइनस फिफ्टीन क्या करना है अपन को हटाना है क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों कैसे होंगे रियल नंबर्स होंगे तो उनका सम नेगेटिव नहीं हो सकता इसके बाद मेरे को एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू फिफ्टीन ये नंबर टू दे दिया और ये वाली जो इक्वेशन है मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ भाई से ये वाली इक्वेशन को मैंने नंबर वन दे दिया तो नंबर वन और नंबर टू को क्या कर देंगे अपन ऐड वी विल गेट टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एटीन आई विल गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन फ्रॉम हियर आई विल गेट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस थ्री एक्स की वैल्यू आ गई तो सी बात है यहाँ पे एक्स की जगह एक बार थ्री रखूंगा दो आंसर यहाँ से एक्स इक्वल टू थ्री लिया एक्स इक्वल टू थ्री यहाँ रखूँगा तो सिक्स तो वाई का वैल्यू हो जाएगा रूट सिक्स प्लस का दूसरा एक्स इक्वल टू मैंने लिया माइनस का रूट थ्री एक्स इक्वल टू माइनस का थ्री लूँगा माइनस का सिक्स माइनस सिक्स सिक्स को कटेगा माइनस का वन तो वाई का वैल्यू उस केस में हो जाएगा माइनस का रूट सिक्स तो यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है यानी इस पूरे का जो वैल्यू आएगा इस पूरे का स्क्वायर रूट वाले का वो आएगा थ्री प्लस रूट सिक्स आयोटा और इस वाले से जो आ रहा है माइनस का थ्री माइनस का रूट सिक्स आयोटा ये दो वैल्यूज़ आ गए इन दो वैल्यूज़ को ध्यान रखना क्योंकि दो वैल्यूज़ अपने फर्स्ट वाले के निकाल लिए इसी तरीके से इसके भी दो वैल्यूज़ आएंगे तो फाइनली आंसर कितने होंगे चार ठीक है इसके प्लस माइनस वाली वैल्यू होगी इसके प्लस माइनस दोनों जगह प्लस लेंगे एक जगह एक जगह प्लस एक जगह माइनस में दो केस बनेंगे एंड दोनों जगह माइनस लेंगे उस तरीके से सोल्व करेंगे तो मैं जो दूसरे वाला है उसका भी वैल्यू निकालता हूँ भाई दूसरे वाला अपना हो गया थ्री माइनस सिक्स रूट सिक्स आयोटा दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई आयोटा कंपेयर कर लेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज थ्री एंड टू एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का सिक्स रूट सिक्स फिर से वही इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर निकालना है मुझे तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा दैट इज़ नाइन प्लस का थर्टी सिक्स इंटू सिक्स यानी फिर से सेम ही वैल्यू आएगी दैट इज़ कितना आया था लास्ट टाइम प्लस माइनस फिफ्टीन आया था इस बार भी आ, इसको ले लेता हूँ मैं नाइन इंटू ट्वेंटी फाइव क्योंकि अगली लाइन में मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस फिफ्टीन ऑफकोर्स अपन प्लस फिफ्टीन को ध्यान रखेंगे माइनस फिफ्टीन वाला जो है वो एक्चुअली में वो वाला रिजल्ट है जिसे अपन को हटाना है दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू दोनों को ऐड कर लेंगे तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एटीन आई विल गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस थ्री एक्स का वैल्यू प्लस थ्री लेंगे एक बार एक्स का वैल्यू माइनस थ्री थ्री लिया मैंने तो थ्री लूँगा वहाँ रखूँगा तो वाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस का रूट सिक्स एंड एक्स का वैल्यू मैं माइनस थ्री लूँगा x का वैल्यू माइनस थ्री लेके वहाँ रखूँगा तो y का वैल्यू जो आएगा इस केस में आएगा रूट सिक्स तो बेसिकली चार वैल्यूज़ आ गए पहले के जो दो वैल्यूज़ आएंगे वो आएंगे थ्री प्लस रूट सिक्स आईटा एंड माइनस थ्री माइनस रूट सिक्स आईटा इसका दो वैल्यू होगा थ्री माइनस रूट सिक्स आईटा एंड माइनस थ्री प्लस रूट सिक्स आईटा आप पहले को पहले के साथ ऐड करिए पहले को इसके दूसरे के साथ ऐड कर दीजिए इसके दूसरे को इसके पहले के साथ ऐड कर दीजिए इसके दूसरे को इसको दूसरे के साथ ऐड कर दीजिए देखो अपन वर्बली ऐड करते हैं ठीक है इसको जब मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि रूट सिक्स वाला टर्म कट जाएगा और थ्री और थ्री मिलके क्या आंसर आना चाहिए सिक्स उसके इसमें ठीक है जब मैं इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो ये फर्स्ट वाला टर्म कट जाएगा दूसरा जो टर्म है वो क्या आना चाहिए टू रूट सिक्स आई आपसे इमेजनरी पार्ट पूछा है आपसे एडिशन क्या है वो नहीं पूछा है इसका एडिशन देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई यहाँ शायद आपको दिख ही रहा होगा एक बार तो इसका एडिशन आ रहा है सिक्स एक बार इस पूरे का जो एडिशन आ रहा है वो आ रहा है तो टू रूट सिक्स आयोटा जब मैं ये वाला लूंगा एंड फर्स्ट वाले में ऐड करूंगा तो ये कट जाएगा तो अगली बार जो इसका एडिशन आएगा वो आएगा माइनस का टू तो रूट सिक्स आयोटा पैटर्न के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ लास्ट एडिशन जो आएगा वही आएगा तो बेसिकली ये फाइनली चार आंसर देगा ये अब इन चारों में से जो इमेजनरी पार्ट है वो पूछा है इसका इमेजनरी पार्ट क्या है जीरो इसका जीरो इसका माइनस टू रूट सिक्स इसका टू रूट सिक्स और आंसर देखेंगे हाँ भाई अब आते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है और आर्गन प्लेन क्या होता है ठीक है तो अपन को पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं अपन जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उस पॉइंट को यूनिकली एक्स वाई प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक पॉइंट बन जाएगा पी ऑफ जेड का मतलब हो गया पॉइंट इन दी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में बोल रहा हूँ मैं तो बन जाएगा एक्सकोमा वाई और इसको मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ये जनरली अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं यहाँ पे इस लाइन को अपन बोलेंगे रियल एक्सिस ये जो लाइन होती है इसको अपन वाई एक्सिस बोलते हैं यहां पे इसको अपन बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस और जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को ऑफकोर्स आप कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हो डिपेंड करता है वो कौन सी जगह का पॉइंट है क्वाड्रेंट के हिसाब से जैसे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट कर दिया सेकेंड में भी हो सकता था थर्ड में भी हो सकता है फोर्थ में भी हो सकता है लाइंस के ऊपर भी हो सकता है ओरिजिन भी हो सकता है ठीक है तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंड प्लेन यानी उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट कर सकते हो ये कहने का मतलब ये एक सिस्टम बना दिया अपन ने जैसे कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने लिए एक सिस्टम होता है जिस जिसपे आप हर इक्वेशन को प्लॉट करके रिप्रेजेंट करते हो वैसे ही हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्लॉट कर सकते हो बट उसके लिए आपको कौन सा प्लेन चाहिए उसके लिए आपको आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन चाहिए आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई फ़र्क नहीं होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सिंपली अपन नाम बदल देते हैं एक्स एक्सिस जो बन जाता है वो रियल एक्सिस हो जाता है और वाई एक्सिस को अपन इमेजनरी एक्सिस बोल देते हैं और बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है ठीक है अब देखो एक्चुअली में हर पॉइंट को डिफाइन करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए यहाँ पे ठीक है तो देखिए वो डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड में है वो ठीक है तो मैंने अभी जस्ट पीछे क्या लिया भाई जेड इक्वल टू मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई इसको मैंने आर्गन प्लेन में प्लॉट कर दिया ये एक्स वाला हो गया ये वाई वाला हो गया और पॉइंट को मैंने यहां ले लिया दैट इज एक्स कोमा वाई ठीक है तो अब यहां पे दो नए वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एक जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड या फिर इसे कई के बार बोलते थे मॉडुलस ऑफ जेड जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मतलब क्या होता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजन तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ध्यान रखना एक पॉइंट है यानी उस पॉइंट का ओरिजन तक जितना डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी द मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इस पॉइंट को मैं ओरिजन से कनेक्ट कर दूँ एंड कनेक्ट करने के बाद ये जो मेरा डिस्टेंस आएगा दैट इज ओपी डिस्टेंस ये डिस्टेंस मेरा कहलाएगा मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आपको पता है एक्चुअली में अपन कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको सोल्व कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लगाते ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा इसको मैं अगली लाइन में कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ जेड स्काई स्क्वायर एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड स्काई स्क्वायर यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका उसके रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो और दोनों के स्क्वायर्स का सम करके उसका स्क्वायर रूट ले लो ठीक है एक एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो देखो ये अपना एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसके अंदर जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा एंड मुझे चाहिए मॉड जेड तो मैं रूट ओवर इसका रियल पार्ट का स्क्वायर इज वन एंड इसके इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर इज वन तो फाइनली मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ दैट इज़ रूट टू तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा या इसका मॉडुलस जो हो जाएगा वो जाएगा रूट टू तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ आगे बढ़ते हैं ये पहला पॉइंट था जो रिप्रेजेंटेशन में अपन को काम आता है दूसरा जो पॉइंट होता है जिसको अपन बोलते हैं आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स हा भाई शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी एन बोल देता हूं ठीक है आर्ग्यमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब होता है चलो उसी डायग्राम में समझा देता हूं हर कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से ज्वाइन किया जा सकता है हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक पॉइंट और उस पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दो ओरिजिन से ज्वाइन करने, करने के बाद जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है इस एंगल के टेन का वैल्यू ठीक है तो मैं सीधा सीधा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल दूं कि भाई उस कॉम्प्लेक्स नंबर ने ओरिजिन के साथ क्या एंगल बनाया है उस एंगल का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू अपना क्या कहलाता है आर्ग्यूमेंट कहलाता है तो अब आर्ग्यूमेंट को निकालते कैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई ले लिया मैंने और एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया एक्सिस एक्स वाई एक्सिस एक्स के अंदर ये पॉइंट एक्सकोमा वाई दे दिया इसको यहाँ लेके आ गया ये एंगल थीटा ले लिया ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मॉड ऑफ जेड बोल दूँ, दे तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ठीक है ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा जेड जेड सॉरी थीटा और ये किसके बराबर होगा के और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा जेड कॉस् थीटा और ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स के ठीक है ऑफ कोर्स ये नॉर्मल टिक्नोमेट्री अप्लाई किए मैंने यहां पे मैंने यहां से टें थीटा का वैल्यू निकाला जो कि क्या आएगा वाई बाई एक्स यानी मैं जो एंगल है थीटा आर्ग्यूमेंट वाला अभी एम्पलीट्यूड की नहीं बात की आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट वाला जो एंगल है टेन थीटा उसको मैं वाई बाई एक्स करके निकाल सकता हूँ ठीक है इसमें करेक्शन है देखो मैं आपको वो अगली स्लाइड में बताता हूँ उसमें मेरे को थोड़ी सी जगह लगेगी ठीक है इसमें करेक्शन क्या है जैसे मैंने क्या किया दो एग्जाम्पल लिए एक एग्ज़ाम्पल लिया जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा और एक एग्ज़ाम्पल लिया जेड इक्वल टू माइनस का वन माइनस का आयोटा मैंने इसको अपने एक्सिस वाई एक्सिस में प्लॉट किया इस पॉइंट को तो डेफिनेटली ये पॉइंट अपन को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है ये कुछ ऐसे प्लॉट होगा और दूसरे वाले पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो दूसरा वाला पॉइंट जो है वो अपन को पता है थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है वो कहीं यहाँ प्लॉट होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस वन कोमा माइनस वन अगर मैं पीछे वाला फार्मूला लगा दूँ पीछे वाला फार्मूला था टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स यानी उसमें इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट कर दो आप अगर मैं वो करता हूं तो इस वाले एग्जाम्पल में टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो बनाएगा एंड सिमिलरली इस वाले एग्जाम्पल में टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो बनाएगा यानी लॉजिकली देखा जाए तो इन दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम हो गया बट ऑफ कोर्स ये तो ये एंगल बना रहा है अलग एंगल जा रहा है और इस वाले का जो एंगल है वो तो अलग जा रहा है तो यानी कहीं तो इसमें गड़बड़ है ठीक है गड़बड़ क्या है एक्चुअली में यहाँ अपन ले रहे रेशियो और रेशियो तब भी सेम हो सकता है जब नंबर्स आपस में क्या हो अलग अलग हो जैसे वो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है बट एक्चुअली में रेशियो दोनों जगह क्या आ रहा है सेम तो एक्चुअली में अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजिशन के हिसाब से उसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन करना पड़ेगा ठीक है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा उसकी पोजिशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा पोजिशन के अकॉर्डिंग का क्या मतलब हो गया अब वो समझिएगा फाइनल पार्ट फाइनली आपको आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है और उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे एम्पलीट्यूड कैसे करेंगे वो देखेंगे तो आर्ग्यूमेंट का मतलब तो हो गया कि भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। तो एक्स मतलब होता है थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से लेके पाई एम्प्लीट्यूड का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ठीक है आर्ग्यूमेंट की वो वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हमेशा किसके बीच में लाई करती है माइनस पाई से देखो आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट तो भाई कितना भी हो सकता है टू पाई भी हो सकता है थ्री पाई भी हो सकता है बहुत बड़ा भी हो सकता है बट प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो हमेशा माइनस पाई से लेके पाई के बीच में होगी और इसी प्रिंसिपल वैल्यू को अपन क्या बोलते थे एम्पलीट्यूड और यहाँ से एक्चुअली में अपनी डेफिनेशन आ जाती है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड अपन जिन प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं उनमें एक्चुअली में एम्पलीट्यूड यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट नहीं यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड सेम होते हैं कई के बार डिफरेंस क्या है फाइनली देखो मैं आपको बता देता हूँ चलिए मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करके देखो डिफरेंस फाइनली मैं आपको बता देता हूँ भाई क्या होता है ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए मैंने एक्सकोमा भाई ये एंगल ले लिया मैंने थीटा ठीक है तो मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू बोलूँगा थीटा प्लस टू एन पाई जहाँ पे ये जो थीटा होगा ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का मतलब हो गया कि भाई जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल लो उसमें टू एन पाई ऐड कर दो दैट इज दर्ग्यूमेंट अब देखो टू एन पाई एड किया इसमें एन जो है वो वही इंटीजियर है जो अपन हर बार ऐड करते आए कई जगह ऐड किया मैथमेटिक्स में तो एन इंटीजर में एन की वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है ऑफकोर्स एन जीरो होगा तो वहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट और या एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट नॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है, है जिसमें उसने वर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ किया है एंड वैल्यू एम्पलीट्यूड के लिए क्योंकि एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में देखा जाए तो सेम भी हो सकते हैं क्योंकि एन का वैल्यू जीरो भी डाल सकते हो आप ठीक है अब बात करते हैं कि अपन क्वाड्रेंट के हिसाब से किस तरीके से अपना आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो सबसे पहला आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सारा चीज अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू है दैट इज एम्पलीट्यूड का वैल्यू वो एक्चुअली में माइनस पाई और पाई के बीच में ही रहे इसके बाहर ना जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये पॉइंट हो गया एक्स कोमा ये एंगल ले लिया थीटा तो आपके पास जो फॉर्मूला है टेन थीटा का वो है वाई बाई एक्स मॉड लगा लेते हैं अपन फाइनली जो फार्मूला होता है लास्ट वो फार्मूला अपन ऐसा लिख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ वाई बाई एक्स मॉड क्यों लगा लेते हैं क्योंकि भाई क्वाड्रेंट की वजह से जो चेंजेज आते हैं उनको अपन यहाँ पर मान लेते हैं सबसेम है जैसे देखो ना आप एक्स की जगह बन लो वाई की जगह बन लो एक्स की जगह माइनस बन लो और वाई की जगह बन लो तब भी वैल्यू सेम आएगी यानी पॉइंट आपका बदला है लोकेशन उसकी बदली है लेकिन एक्चुअली में टें थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होगा इसके हिसाब से जो आता है थीटा का वैल्यू यहाँ से कुछ आएगा जो थीटा का वैल्यू आता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वो एक्चुअली में थीटा के ही बराबर हो जाता है जो आएगा वही अपना आंसर है अगर पॉइंट अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो लेकिन अगर मान लो अपना पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस हो गया पॉइंट आपका यहाँ चला गया और इस पॉइंट को नाम दे दिया बेटा मैंने यहाँ पे एक्स कमा वही तो आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डालोगे मतलब वही टेन थीटा का फार्मूला लगाओगे तो टेन थीटा के फार्मूले के लिए एक राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए ये एंगल मैंने ले लिया थीटा ये मेरा हो गया वाई और ये मेरा हो गया एक्स तो मैं जो ये यहाँ फार्मूला लगा रहा हूँ ना टेन थीटा इक्वल टू बेटा मोड ऑफ वाई बाई एक्स वो एक्चुअली मैं इस वाले ट्रेंगल में लगा रहा हूँ जबकि ये ट्रेंगल के अंदर जो एंगल आ रहा है वो एंगल मेरा आंसर नहीं है मेरा आंसर एक्चुअली में ये वाला एंगल होना चाहिए क्योंकि तो लॉजिकली तो यहां से मेजर किया जाएगा अपना एम्पलीट्यूड जो भी होगा तो एक्चुअली में मैं क्या करूंगा इस वैल्यू को निकालने के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या पाई माइनस थीटा मैं एक काम करता हूं नॉर्मली जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देता हूं थीटा को निकालने का तरीका और थीटा निकालने के फिर मैं उसकी पोजिशन चेक कर लूंगा कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं एंड पोजिशन निकालने के बाद में फिर मैं उसके हिसाब से वो फॉर्मूला लगा दूंगा अगर पॉइंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड और थीटा दोनों सेम हो जाएंगे अगर पॉइंट मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो एम्पलीट्यूड होगा हो वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा थीटा इज़ नॉट द एम्पलीट्यूड फाइनली जो एम्प्लीट्यूड होगा वो होगा अपना पाई माइनस थीटा ठीक है बाकी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अपन अगली स्लाइड पे आ जाते हैं भाई अगर मान लो मेरा जो पॉइंट है वो है थर्ड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते पॉइंट यहां पर है एक्स कोमा वाई आप क्या करोगे भाई एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाओगे तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया ये एंगल आपके हिसाब से तो थीटा हो गया ये लेंथ वाई हो गई और ये लेंथ आपकी एक्स हो गई तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाते हो टें थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ वाई बाई एक्स उससे तो ये एंगल मिलेगा जबकि अपन को ये एंगल चाहिए ही नहीं अपन को एक्चुअली में जो एंगल चाहिए यहाँ पे वो ये वाला एंगल चाहिए उल्टा तो मैं एक काम करूंगा इस एंगल को निकालने के लिए दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इसको निकालने के लिए माइनस टाइम्स ऑफ पाई माइनस थीटा कर दू उल्टा ये टोटल एंगल कितना है माइनस पाई इस माइनस पाई में से आप थीटा को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट ठीक है तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूं भाई माइनस टाइमस so, देखो मैंने जिस तरीके से याद किया मैं आपको वैसे ही सिखा रहा हूं बेहतर आप इसी तरीके से याद करो चीजें ईजीली याद हो जाएगी ठीक है एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाडरेंट फोर्थ क्वार का मतलब हो गया अगर पॉइंट आपका फोर्थ क्वारेंट में है एक्स कॉमा वाई तो इस एंग केस में जो ये जो एंगल होगा यही आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा तो इस केस में जो एम्पलीट्यूड आएगा एम्प्लीट्यूड ऑफ जेड वो एक्चुअली में आपका थीटा ना हो, के एक्चुअली में माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में अपन जो एंगल की तरफ जा रहे हैं वो एंटी क्लॉक उल्टा जा रहे है मतलब ये वाली डायरेक्शन ले रहे नेगेटिव वाली डायरेक्शन आपको पता है एक्सेक्से जब आप इस डायरेक्शन में जाते हो दैट इज एंटी क्लॉक तो आपका जो एंगल होता है वो पॉजिटिव लेते हो लेकिन जब आप इससे क्लॉक डायरेक्शन में जाते हो घड़ी की सुई के जैसे तो जो एंगल लेते हो वह आप नेगेटिव लेते हो यहाँ एंगल नेगेटिव आएगा एंड यहाँ पर भी एंगल आपका नेगेटिव आएगा ठीक है बाकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है जैसे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है अगर पॉइंट आपका पॉजिटिव वाई साइड में हो तो इस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा मैं देखो बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ वो होगा पाई बाई टू क्योंकि नाइन्टी डिग्री एंगल बन रहा है अगर पॉइंट आपका इस साइड दैट इज़ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस तो आपका जो एम्पलीट्यूड होगा इस केस में वो कितना हो जाएगा ज़ीरो लेकिन अगर आपका पॉइंट इस साइड है तो आपका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा एम्प्लीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई एंड लास्ट केस दैट इज पॉइंट आपका इस साइड है पॉजिटिव वाई एक्सिस की जगह नेगेटिव वाई एक्सिस तो आपका एम्प्लीट्यूड ऑफ जेड जो हो जाएगा वो जाएगा माइनस का पाई बाई टू देखो तो मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के बीच का समझा दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और मैंने आपको लाइंस के ऊपर अगर पॉइंट आ जाता तो एम्प्लीटूड कैसे निकालते क्योंकि लाइंस के ऊपर भी कई बार पॉइंट आ जाता तो उस केस में आपको एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव एक्स में क्या होगा नेगेटिव एक्स में क्या होगा पॉजिटिव वाई में क्या होगा नेगेटिव वाई में क्या होगा इन चारों तरफ अपन अगर जो एम्प्लीट्यूड है वो ईजिली निकाल सकते ये कहानी होगी एम्पलीट्यूड एंड मॉडुलस की और ये दो चीज़ें अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने से पहले अपन को उसका एम्पलीट्यूड एज वेल एज उसका मॉडुलस पता होना चाहिए आगे चल के एक चीज आएगी जिसे अभी अपन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो उस जगह पे अपन को उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज आर्ग्यूमेंट दोनों चाहिएगा ठीक है अब आता है कॉन्जिगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है तो कॉन्जिगेट का क्या मतलब होता है जैसे जेड इक्वल टू मेरे ले लिया एक्स प्लस आय जेड बार इज द इसका मतलब होता है जो दमेजनरी पार्ट है उसके आगे का साइन चेंज कर दो अगर मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करूँ तो जो इमेजनरी पार्ट है उसके आगे का सिर्फ साइन चेंज कर दो दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी अगर आप इसको ऐसे देखना चाहो तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई इज ए पॉइंट लेट से इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इस पॉइंट का इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट जो होगा वो एक्स कोमा माइनस वाई हो जाएगा ये जो हो गया ये हो गया जेड बार और ये जो था ये था जेड यानी जेड बार इज द इमेज अबाउट एक्स एक्सिस यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप एक्सिस के अबाउट इमेज लेते हो तो इमेज लेने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा कॉन्जुगेट कहलाएगा ठीक है अब एक चीज आ गई भाई यहाँ पे कि कई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है जैसे मैं अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल लूँ जेड इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा और मैं आपसे पूछूं बेटा इसका बार निकालो आप तो आप बोलोगे सर टू माइनस थ्री आयोटा मैं जेड इक्वल टू आपको बोलूँ माइनस का थ्री आयोटा मैं आपसे पूछूँ बेटा इसका बाहर निकालो तो आप बोलोगे सर थ्री आयोटा ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा अगला एग्जाम्पल लूँ जेड इक्वल टू टू और मैं आपसे बोलूँ इसका बाहर निकालो तो आप सीधा बोलोगे सर टू यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि इसमें बाहर करने पर कोई फ़र्क नहीं आया क्यों क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एक्चुअली में एक्स एक्सिस का पॉइंट है इसका मतलब है जेड इक्वल टू टू प्लस जीरो आयोटा और ये जो पॉइंट है ये है टू कोमा जीरो और टू कोमा जीरो जो पॉइंट होता है वो कौन सी लाइन पे होगा एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे है तो उसका आप इमेज लोगे एक्स एक्सिस के अबाउट कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम ही रहेगा यानी कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका कॉन्जिकेट वो खुद ही होता है कोई चेंज नहीं आता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं अपन रिप्रेजेंट इसमें एक चीज एक्चुअली में लिखी नहीं है कोई दिक्कत नहीं मैं लिख देता हूं इसके बीच में एक और आएगी फॉर्म फोर्थ फॉर्म दैट इज ऑयलर फॉर्म अभी अपन लिख लेते हैं बेटा बाद में अपन इन पाँचों को डिस्कस करेंगे बेसिकली पाँच तरीके के फॉर्म्स होते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला आता है भाई एलजेब्रिक फॉर्म देन ज्योमेट्रिकल देन पोलर फॉर्म देन ऑयलर फॉर्म और लास्ट वेक्टर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर के तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं एल जेब्रिक का मतलब तो सीधा सीधा हो गया जेड इक्वल टू एक्सप्ल आटा जो आप लिखते आए थे वही एक्चुअली में फॉर्म होती है दैट इज एल आप कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका रियल पार्ट अलग कर दो उसका इमेजनरी पार्ट अलग कर दो और इस तरीके से लिख दो इस तरीके से लिखने के बाद जो फॉर्म आती है उसी को एल्जेब्रिक बोलते हैं सेकेंड आता है दैट इज ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी रियल एक्सिस एंड इमेजनरी एक्सिस के अंदर प्लॉट करके आप बता दो कि उसका फॉर्म क्या बनेगा तो ठीक है भाई मैंने प्लॉट कर दिया ये पॉइंट ले लिया दैट इज एक्स कोमा वाई वैसे ये देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर था जो कि एक्स प्लस आईटा वाई था तो ये जो हो गया ये वर्टिकल जो हो गया ये वाई हो गया ये हॉरिजॉन्टल एक्स हो गया और ये एंगल क्या हो गया थीटा दैट इज एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट नहीं एम्पलीट्यूड कई के बार इसे आर्ग्यूमेंट लिख देते हैं बट आपको मैंने अभी जस्ट बताया था एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट सेम भी होते हैं डिपेंड करता है जो टू एन पाई ऐड करते हैं उसमें एन की वैल्यू क्या है तो ठीक है भाई ये एम्पलीट मतलब ये थीटा वो वाला थीटा हो गया तो चलिए इसको सोल्व करते हैं तो जेड इक्वल टू बन गया अपना एक्स प्लस आयाटा वाई इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई कि जो मॉड ऑफ जेड होगा दैट इज़ मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड टेन थीटा में जो थीटा होता है उसको निकालने का तरीका क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स यहाँ से फिर मैं निकालूंगा एम्पलीट्यूड विद दी हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ से चार केस बनेंगे चार केस कौन कौन से कि क्वाड्रेंट कौन सा है उसके हिसाब से अपना फाइनली एम्पलीट्यूड आएगा अगर फर्स्ट है तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो होगा वो एक्चुअली में किसके बराबर हो जाएगा थीटा देखो मैं आपका क्यूक रिविज़न करवा रहा हूँ ठीक है रिविजन मतलब आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा होगा थोड़ा बहुत देखने के बाद आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि, कि किस तरीके से अपन को रिवाइज़ करना है ठीक है तो आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो ज़रूर देखिएगा इससे आपका एक्चुअली में रिविज़न हो जाएगा एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को दिक्कत भी आती है कि सर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से रिविज़न करेंगे ये वाला सवाल बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा रहता है काफ़ी बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर को इवन हो सकता है जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जनवरी वाले अटैम्प्ट में हो सकता है छोड़ के भी जा रहे हो छोड़ के जाना देखो कई ठीक है भाई कुछ बच्चे छोड़ के जाते हैं लेकिन एक्चुअली में आप इसे हल्का ज़रूर करके जाइएगा बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा हल्का करने का मतलब होता है कि भाई आप कम से कम इतना चैप्टर को रिवाइज़ कर दो कि अगर कोई बेसिक प्रॉब्लम आता है तो वो बेसिक प्रॉब्लम आप उसका अटैम्प्ट कर सके आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करते तो जो एम्प्लीट्यूड ऑफ जेड हो जाएगा वो जाता है पाई माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लीटूड ऑफ जेड हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ पाई माइनस थीटा एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लीटूड ऑफ जेड जो हो गया वो माइनस थीटा अब देखो याद करना भी आसान है कैसे ये जो बनता है ये कुछ ऐसा बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जो बनता है ये कुछ ऐसा बनता है सेकेंड क्वाडरेंट ये जो बनता है ये कुछ ऐसा बनता है भाई थर्ड क्वारडरेंट और लास्ट वाला जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा भाई फोर्थ क्वारडरेंट आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट एक जैसे ही बस एक में डायरेक्शन ऐसी एक में डायरेक्शन उल्टी एक में क्लॉकवाइज है एक में एंटी क्लॉकवाइज है ये थीटा है तो वो माइनस थीटा है क्योंकि डायरेक्शन क्यों चाहिए थर्ड और फोर्थ भी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट भी एक जैसे ही है एक में अगेन डायरेक्शन एंटी क्लॉक है एक में डायरेक्शन क्लॉक है तो एक में डायरेक्शन एंटीक्लॉक वाइज है इसलिए वजह पाई माइनस थीटा आ रहा है उसी पाई माइनस थीटा को आप क्लॉक वाइज व ले जाओगे तो माइनस टाइम्स हो पाई माइनस थीटा हो जाएगा ये होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट कर सकते हो बस उसके लिए आपको उसका एम्पलीट्यूड एज वेल एज मॉडुलस पता होना चाहिए अपन ने मॉडुलस यहाँ देख लिया था मैग्नीट्यूड ये था मैग्नीट्यूड ठीक है और ये आ गया उसका एम्पलीट्यूड ठीक है अब अपन अगली फॉर्म डिस्कस करते हैं दैट इज पोलर फॉर्म तो अपने पास है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इसको अगर अपन वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं भाई तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया एक्सकोमा वाई दिस एंगल इज माई थीटा दिस लेंथ इज वाई विच कैन बी रिटर्न एज मॉड जेड साइन थीटा दिस लेंथ इज माई एक्स विच कैन बी रिटर्न एज मॉड जेड कॉस थीटा वेयर मोड जेड इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड ओरिजन ठीक है तो जो मेरा जेड था अभी तक जो लिखा जा रहा था एक्स प्लस आयोटा वाई इसमें अगर मैं एक्स की जगह ये डाल दूँ और वाई की जगह ये डाल दूँ तो मन जाएगा मोड जेड कॉमन आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बस यहाँ एक चीज़ अपन ऐड कर लेते हैं क्योंकि बार बच्चा क्या करता है इसी को ही आंसर मान लेता है इसमें आंसर आप इसे मान सकते हो बट एक्चुअली में आपके ऊपर है कि आप इसमें एक करेक्शन हो उसको ध्यान में रखते हुए मानना करेक्शन क्या है कि आप जेड जब भी लिखते हो मोड जेड तो यहाँ पे एक्चुअली में जो थीटा है वो थीटा नॉर्मल थीटा नहीं वो एम्पलीट्यूड वाला थीटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस साइन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आप इस तरीके से लिखोगे अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरीके से लिख देते हो तो जो इस फॉर्मेट में जो लिखा जाएगा वही चीज आपकी हो जाएगी दैट इज पोलर फॉर्म थर्ड फॉर्म पोलर फॉर्म एफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में लिख दो इस फॉर्मेट में लिखने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्सप्रेशन जनरेट होगा वही कहलाता पोलर फॉर्म मैंने इस पर सवाल लिया परेशान मत होइएगा कुछ सवाल है पहले मैं एक बार ये पाँचों फॉर्म डिस्कस कर लेता हूँ आपसे उसके बाद फिर मैं वो सवाल डिस्कस करूँगा अगला जो फॉर्म आता है फोर्थ पे वो आता है ऑयलर फॉर्म ये भी बहुत अच्छा फॉर्म है और बहुत काम का फॉर्म है ऑयलर फॉर्म का मतलब हो गया जैसे आपने जेड इक्वल टू अभी जस्ट बोला एक्स प्लस आयटा वाई ये नॉर्मल था फिर अपन ने इसे आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस के अंदर क्या बोला पोलर फॉर्म मॉड जेड ब्रेकिट कॉस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इस तरीके से अपन ने इसे लिख दिया अगली लाइन में मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जेड इक्वल टू मॉड जेड पावर आयोटा थीटा एक नई चीज आई है कि आप इस एक्सप्रेशन को दैट इज दिस वन में करली ब्रेकेट में डाल रहा हूं थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो की पावर आयोटा थीटा तो मैंने क्या किया इसमें कॉस् थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैंने लिख दिया की पावर आयोटा थीटा ठीक है देखो एक्चुअली मैं चाहूँ तो मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ भाई वर्बली बता भी दूंगा प्रूफ कैसे होगा बट अगेन ये अननेसेसरी का पार्ट है आपको बस ये पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है प्रूफ के लिए आप एक काम करो ई की पावर एक्स की सीरीज़ लगा दो एक्सपेंशन आप लोगों ने लिमिट से पढ़ा होता है सीरीज़ वाला आप ई e e e e की पावर एक्स की सीरीज़ लगा दो उसमें एक्स की जगह एल्टा थीटा कर दो उस एल्टा थीटा करने के बाद जो रियल पार्ट है उस सीरीज़ का वो अलग कर देना इमेजनरी पार्ट अलग कर देना रियल पार्ट चेक करना वो कॉस थीटा की सीरीज़ बनेगा और जो इमेजनरी पार्ट बनेगा वो साइंस थीटा की सीरीज़ बनेगा वहाँ से प्रूव हो जाता है तो फाइनली एक्चुअली में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ट इज मॉड जेड मैं ए के साथ लिख रहा हूँ सारे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दैट इज अगेन इक्वल टू मॉड जेड ए के पावर आयोटा थीटा ये तीनों फॉर्म ए की होती है यहाँ पर मैंने तीन फॉर्म कौन कौन सी लिखी है एलजेब्रिक पोलर और ऑयलर जोमेक्ट्रिक नहीं लिखी मैंने जोमेक्ट्रिक का तो मतलब वही होता है एग्रूमेंट और मैग्नीट्यूड को प्लॉट कर दो आप बस ये तीनों फॉर्म को ऐसे एक साथ कंपेयर किया जा सकता है ठीक है एक लास्ट फॉर्म बच गई अपनी दैट इज वैक्टर फॉर्म ठीक तो तो है रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जैसे जेड इक्वल टू अपन बोलते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो इसको अपन ने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में प्लॉट किया ये एक्स है ये वाई है मैंने यहाँ पे प्लॉइंट को प्लॉट कर दिया कोऑर्डिनेट्स लिख दिए इसके एक्स को वाई ऑरिजन से ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को पी नाम दे दिया अब एक्चुअली में क्या होता है मैं इसे एक वैक्टर की तरह देख सकता हूँ एक वैक्टर आपने वैक्टर पढ़ाया वैक्टर का मतलब होता है ऑरिजन से डाइवर्टेड वेक्टर में एक हेड होता है एक टेल होता है ओरिजन को आप किसी पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो वो एक वेक्टर का, का काम करता है तो उसमें एक हेड होता है एक टेल होता है ये एक वेक्टर बन गया इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ओ पी वैक्टर एंड इसको मैं आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ जिसमें एक्स जो होगा रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी दी आई केप आई कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वैक्टर एंड वाई इज दाई कंपोनेंट ऑफ दैट वैक्टर ठीक है आप चाहो तो एक वैक्टर में आपने पढ़ाया उसका मैग्नीट्यूड भी होता है तो इसमें मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हो जाएगा अगेन सेम ही चीज़ होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको मैं अगली लाइन में ऐसे भी बोल सकता हूँ भाई रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर इस तरीके से ठीक है ये हो गया वेक्टर रिप्रेजेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी देखो बहुत काम का है कुछ प्रूफ में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जैसे पैलोग्राम लो लगाऊंगा पेलोग्राम लो आप लोगों ने पढ़ा है पैलोग्राम रो में भाई दो एडजेसेंट साइड से आप डायगनल जो होती है उस डायगनल को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप दो एडजेसेंट साइड के सम के बराबर ठीक है छोटा सा अगर कोई क्रिएजन आपको चाहिए तो देखो मैं यहाँ करवा सकता हूँ ये ए वैक्टर है ये बी वैक्टर है तो ये वाली जो डाइगनल है इस डायगनल को आप बोल सकते हो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर तो इस डायगनल वैक्टर को लिखने का तरीका समझ में आ गया तो ये भी एक वैक्टर है तो वेक्टर से भी अपन कुछ हेल्प लेंगे कुछ फॉर्मूलेस को याद करने के लिए कई बार ऐसा होता है फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं तो अपन भूल जाते हैं अपने पास कुछ मेथड ऐसे होने चाहिए जिससे अपन तुरंत निकाल सके यूज कर सके निकाल कर ठीक है देखो तो एक्चुअल में सेफ़ नहीं होता है कोई एक छोटा सा फॉर्मूला नहीं पता तो उस छोटे से फॉर्मूले की वजह से प्रॉब्लम छोड़ के आना सेफ़ नहीं है अगर वो छोटा सा फार्मूला अगर अपन कुछ सेकेंड्स में निकाल सकते हैं तो इट्स बेटर कि आप निकाल लो और निकाल के आप उस प्रॉब्लम प्रूप्ल, में यूज करो उस फॉर्मूले को चलिए ये एक सवाल है इसको आप ट्राई करिए कन्वर्ट माइनस वन माइनस आयोटा इन पोलर फॉर्म ट्राई करिए फिर डिस्कस करते हाँ भाई आपने ट्राई किया होगा जेड इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा चलिए डिस्कस कर लेते हैं जेड इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा लिखा है तो सबसे पहले बात करूँगा ये पॉइंट है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए माइनस वन कोमा माइनस वन यानी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा थर्ड क्वाड्रेंट में ठीक है तो सबसे पहले इसका मॉडुलस निकाल लेता हूँ तो मॉडुलस इसका जो आएगा यानी मैग्नीट्यूड जो आएगा वो तो फिक्स है रूट टू ही आएगा ठीक है अब एक काम करते हैं अपन टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो मोड ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर बट ये जो थीटा है दिस इज नॉट दी एम्पलीट्यूड वी नीड एम्पलीट्यूड ठीक है और एम्पलीट्यूड डिसाइड होता है पॉइंट की पोजिशन से दैट इज क्वाड्रेंट से पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में सीधा सीधा लिख दूँ भाई थर्ड क्वाड्रेंट तो थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हो जाएगा हो जाएगा माइनस टाइम्स पाई माइनस थीटा थीटा जैसे यहाँ रखोगे पाई माइनस पाई बाई फोर इज थ्री पाई बाई फोर माइनस लगाओगे तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस थ्री बाई बाई फोर एम्पलीट्यूड आ गया मॉडुलस आ गया तो फाइनली मैं उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ यानी माइनस वन माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू रूट टू ब्रेकेट कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस का आयोटा साइन थ्री पाई बाई फोर माइनस का आयोटा साइन थ्री फाई बाई फोर कहाँ से आया समझ में आ गया होगा ऑब्वियस सी बात है यहाँ माइनस क्यों आ गया क्योंकि आपका जो एम्पलीट्यूड है माइनस थ्री पाई बाई फोर तो यहाँ पे होना चाहिए कॉस ब्रेकेट में एंगल में माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन माइनस थ्री पाई बाई फोर यहाँ माइनस थ्री बाई फोर का कोई सेंस नहीं है क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा बट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा अब एक्चुअली में एक गलती मत कर देना बच्चे क्या करते हैं कि सर कन्वर्ट करने के बाद वो इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं अरे ये सिंप्लीफाई करोगे तो ऑब्वियस ही बात है ये वापस उस पर कन्वर्ट हो ही जाएगा ना भाई तो सिंपलीफाई नहीं करना है बस इतना ही लिख के छोड़ देना है आप चाहो तो इसको वैसे भी लिख सकते हो ऑयलर फॉर्म में भी अगर कन्वर्ट करना चाहिए तो कर सकते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स मैंने ऑयलर फॉर्म के लिए भी लिए हैं रोड टू ए के पावर आयोटा माइनस थ्री पाई बाई फोर ये ऑयलर फॉर्म हो गया मॉड जेड ए के पावर आयोटा एम्प्लीट्यूड ऑफ दैट जेड चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये है आयोटा की पावर आयोटा इसका रियल पार्ट पता करना और इसका इमेजनरी पार्ट पता करना है तो एक काम करते हैं जेड इक्वल टू मैं ले लेता हूँ आयोटा की पावर आयोटा देखो इसके दो मेथड है एक मेथड ईजी है और एक मेथड थोड़ा सा लेंदी है बट ईजी मेथड इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम ईजी है हर प्रॉब्लम में वो मेथड नहीं लग पाएगा इसमें आयोटा है, इसलिए वो लग रहा है नीचे जो बेस में है वो आयोटा है अगर बेस में वन प्लस आयोटा आता तो आपको प्रॉपर जो इसका लॉजिकल जो मेथड है वही लगाना पड़ता है शॉर्टकट नहीं लग पाएगा तो एक काम करते हैं पहले प्रॉपर मेथड देख लेते हैं एंड फिर इसका इजी वाला मेथड देख लेंगे तो मैंने क्या किया भाई आयोटा जो है एक मिनट ये जो पावर का आयोटा है इसको मुझे नीचे लाना है तो इसको नीचे लाने के लिए मैंने क्या कर लिया दोनों तरफ लॉग ले लिया दैट इज एल ऑफ जेड इक्वल टू आयोटा टाइम्स एलेन ऑफ आयोटा बाहर वाले आयोटा को मैंने वैसा का वैसा ही रखा और अंदर वाले आयोटा को मैंने उसको ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो आयोटा इज इक्वल टू ए के पावर आयोटा पाई बाई टू होता है आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना हो गया वन और उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा पाई बाई टू मैंने अभी जस्ट आपको बताया आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि जीरो कमा वन है तो वो कहाँ होगा पॉजिटिव आई पे होगा पॉजिटिव आई का मतलब इस तरफ होगा और कोई पॉइंट अगर इस तरफ होता है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना लेते हैं प्लस का पाई बाई टू ठीक है तो यहाँ पे लिख दो भाई एल एन ए के पावर आयोटा पाई बाई टू अब ये जो ए के पावर आयोटा पाई बाई टू में जो पावर है ऑफकोर्स वो पावर आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी से वो बाहर आ जाएगी एल एन जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एल एन ऑफ ई ये जैसे ही बाहर आएगा भाई बाहर पहले से आया होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस क्यों आया है क्योंकि बाहर एक आई स्क्वायर आ गया तो एल एन ऑफ जेड इज इक्वल टू तो माइनस का पाई बाई टू ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी वन तो जेड बराबर क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस पाई बाई टू यानी जेड जो है वो तो ई की पावर माइनस पाई बाय टू है और ई की पावर माइनस पाई बाय टू अपन को ये तो क्लियर है कि ये प्योरली रियल है इसमें इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं ठीक है दूसरा मेथड क्या है कि आप एक काम करो आयोटा को ऐसे लिख दो ई की पावर आयोटा पाई बाई टू तो आयोटा की पावर आयोटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा पाई बाय टू और इस पूरे की पावर फिर से आयोटा पावर में आयोटा चढ़ा दिया का वैल्यू कितना होता है माइनस वन ठीक है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ये बराबर क्या हो गया ई की पावर माइनस पाई बाई टू और ई की पावर माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या होता है प्योरली रियल यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो होगा ई की पावर माइनस पाई बाई टू और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा जीरो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसको आप ट्राई करिए फिर अगला प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे चलिए आप लोगों ने ट्राई किया होगा आइए डिस्कस करते हैं इसको ये बोल रहा है अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स है ठीक है तो अपन को अल्फ़ा की पावर फोर्टीन प्लस बीटा की पावर फोर्टीन निकालना है तो ठीक है मैं एक काम करता हूँ इसके रूट्स देख लेता हूँ भाई तो मैंने क्या किया अल्फा कोमा बेटा जो इसके रूट्स होंगे वो किस तरीके के होंगे वो देख ली तो उसके लिए क्या करूँ मैं क्वाडेटिक फार्मूला लगा लेता हूँ क्वाडेटिक फार्मूला मतलब जिससे रूट्स निकालते अपन तो माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू इंटू ए अल्फा कोमा बेटा विल बी रूट टू प्लस माइनस रूट सिक्स आयोटा डिवाइडेड बाय टू यानी अल्फ़ा विल बी रूट टू प्लस रूट सिक्स आयोटा बाय टू एंड बीटा विल बी रूट टू माइनस का रूट सिक्स आयोटा बाय टू ठीक है अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट टू कॉमन ले लेता हूँ एंड रूट टू कॉमन लेने के बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा ऊपर से रूट टू कॉमन ले लिया सेम लॉजिक ऐसा लिखने के पीछे अभी रीजन बता दूंगा बेटा इज इक्वल टू रूट टू वन बाई टू माइनस का रूट थ्री बाई टू आयोटा इसको मैं एक काम करता हूँ ऑयलर फॉर्म में लिख देता हूँ अल्फा इक्वल टू रूट टू ए के पावर आयोटा इसका मॉडुलस रूट टू ही है कैसे है ये कॉन्स्टेंट है ये तो वैल्यू वन हो जाएगी इसका मॉड्यूल निकाल लो वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर इज फोर बाई फोर फोर बाई फोर का रूट का वैल्यू कितना होता है वन होता है इसका एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे इमेजनरी वाला पार्ट डिवाइडेड बाई रियल वाला पार्ट यानी रूट थ्री बाई टू डिवाइड बाई ब बाई टू यानी रूट थ्री और रूट थ्री का एंगल कितना होता है सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री का मतलब कितना होता पाई बाई थ्री बट चेक कर लेते हैं कौन से क्वार्टर का ये फर्स्ट का और ये फोर्थ का यानी एक तरफ पाई बाई थ्री आएगा और एक तरफ माइनस पाई बाई थ्री आएगा तो बेटा वाले में हो जाएगा अपना रूट टू तो, ए के पावर माइनस आटा पाई बाई थ्री और इधर होगा ए की पावर आयोटा पाई बाई थ्री ये अल्फ़ा आ गया और ये बीटा आ गया ये दोनों वैल्यूज़ में अपने सवाल में रख दूंगा और रख के वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लूँगा ठीक है एक बार पूरा कंप्लीट करते हैं भाई ठीक है तो ये बनेगा रूट टू ए की पावर आयोटा पाई बाई थ्री दिस होल थिंग की पावर फोरटीन प्लस रूट टू की पावर माइनस आयोटा पाई बाई थ्री पूरे की पावर फोर्टीन तो रूट टू की पावर फोर्टीन यानी टू की पावर सेवन तो कॉमन आ गया ऑफ कोर्स सिम्प्लीफाई कर सकते हैं रूट टू की पावर फोर्टीन का मतलब हो गया टू की पावर सेवन जो अपन को पता है भाई ठीक है बच क्या गया अपने पास एक की पावर आयोटा फोर्टीन पाई बाई थ्री प्लस ई की पावर माइनस आयोटा फोर्टीन पाई बाई थ्री इसको मैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में खोल दूंगा ए की पावर आयोटा समथिंग कैन बी रिटर एज कॉस समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग तो ये तो हो गया भाई टू की पावर सेवन जैसे इसको आप ओपन करोगे इसकी फर्स्ट टर्म आएगी कॉस की सेकेंड टर्म आएगी प्लस आयोटा साइन की उसकी आएगी फर्स्ट कॉस की और सेकेंड टर्म आएगी माइनस आयोटा साइन की तो सेकेंड टर्म आपस में कट जाएगी और फर्स्ट टर्म दोनों के ऐड होके टू कॉस फोर्टीन पाई बाई थ्री आ जाएगा ये यहाँ तक और कॉस फोर्टीन पाई बाई थ्री को अपन सिंप्लीफाई करके तोड़ सकते हैं ये हायर एंगल है छोटे एंगल में टू की पावर सेवन कॉस फोर्टीन का मतलब हो गया ट्वेल्व पाई प्लस टू पाई ट्वेल्व पाई का मतलब हो गया फोर पाई प्लस का टू पाई बाई थ्री आप चेक कर लो देखो ये बारह होगा बारह और दो कितने होंगे चौदह तो चौदह पाई बाई थ्री को मैं लिख सकता हूँ फोर पाई प्लस टू पाई बाई थ्री कॉस फोर पाई प्लस समथिंग इज कॉस समथिंग तो ये बन जाएगा टू की पावर सेवन इंटू कॉस टू पाई बाई थ्री और कॉस टू पाई बाई थ्री का वैल्यू अपन को पता है वो यहाँ डालेंगे तो फाइनली इस पूरे का वैल्यू अपन को मिल जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जेड वन एंड जेड टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर देन इमेजनरी ऑफ जेड वन एंड प्लस जेड टू जेड वन का इमेजनरी वाई वन लेते हैं और जेड टू का इमेजनरी वाई टू तो अपन को एक्चुअली में वाई वन प्लस वाई टू का वैल्यू पता करना है कि वाई वन प्लस वाई टू का सम क्या ये भी पी वाई क्यू है जेई e का क्वेश्चन है ठीक है आपने शायद हो सकता है पी वाई के किए होंगे आपको उसमें ये क्वेश्चन मिला होगा ठीक है चलिए अपन सॉल्व करते हैं तो भाई अपना जो नॉर्मल तरीका होता है वही लगा देते हैं जेड बराबर अपन एक काम करते यूज कर लेते एक्स प्लस आई ओटा वाई तो इस इक्वेशन को मैं सिम्प्लीफाई करूंगा और इसमें मैंने जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई रख दिया तो एक्स प्लस आई एटा वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन का मोड ये कट गया तो यहाँ बनेगा टू एक्स इक्वल टू टू टाइम्स एक्स माइनस वन प्लस आया वटा वाई विथ मोड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालने का आपको मतलब होता है रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो यहाँ बने गया एक्स स्क्वायर यहां बनेगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर एंगल लिया था भाई सिंप्लीफाई करते हैं यार एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का वन प्लस का वाई स्क्वायर ये कट गया भाई तो अपन को मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स माइनस वन यानी जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक पैराबोला पे लाई करेंगे ये पैराबोलिक इक्वेशन है ये कर्व है और वो कर्व अपन को दिख रहा है वो पैराबोला होगा तो यानी दोनों जो पॉइंट्स होंगे जेड वन एंड जेड टू जेड वन का मतलब हो गया एक्स वन वाई वन एंड जेड टू का मतलब हो गया एक्स टू वाई टू यानी एंड इस पे करेंगे ठीक है इस वाली इक्वेशन को भी थोड़ा सा सोल्व करते हैं फिर देखते हैं किस तरीके से अपन फाइनली आंसर तक तो पहुंच पा रहे हैं ठीक है तो इस वाली इक्वेशन को एक काम करता हूं भाई मैं यहीं सोल्व कर लेता हूं इसका मतलब हो गया एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन माइनस एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू एंड इस पूरे का आर्ग्यूमेंट एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाई फोर यानी टेन इनवर्स y1 वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई फोर यानी वाई वन माइनस का वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस का एक्स टू इसका वैल्यू कितना हो गया वन ये आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन और ये मेरी थी पहली इक्वेशन इन दोनों से सॉल्व करके मुझे वाई वन प्लस वाई टू पता करना है ठीक है तो देखो एक चीज है उसमें तो मेरे को पता चल गया वाई वन वाई टू एक्स वन एक्स टू के बारे में मैंने अभी तक इसमें यूज नहीं किया कि वो पॉइंट जो है एक्स वन कोमा वाई वन एंड एक्स टू कोमा वाई टू इस पर लाई करें तो मैं एक काम करता हूँ उसका यूज करता हूँ कि जो दो पॉइंट है एक्स वन कोमा वाई वन और एक्स टू कोमा वाई टू इस कॉर पर लाई करे तो मैंने एक काम किया एक्स वन कोमा वाई वन इसमें रख दिया ऐसा कुछ बनेगा एंड एक्स टू कोमा वाई टू भी इस पर रख दिया तो ऑब्बियस ही बात है ऐसा कुछ बनेगा और दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ बनेगा वाई वन का स्क्वायर माइनस वाई टू का स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू फाइनली आई विल गेट वाई वन माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ वाई वन प्लस वाई टू इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी राइट में ले गया ए माइनस भी उधर ही रखा. और एक्स वन माइनस टू को भी कहाँ ले गया लेफ्ट में ले गया इसका वैल्यू मुझे पता चल गया इसका वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है दैट इज वन तो वन इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई वाई वन प्लस वाई टू फ्रॉम हियर आई विल गेट वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू टू अपन से यही पूछा है लैंग्वेज थोड़ी अलग है उसने बोला है इमेजनरी ऑफ जेड वन प्लस जेड टू जेड वन का मतलब था एक्स वन प्लस आईटा वाई वन जेड टू का था मतलब एक्स टू प्लस आईटा वाई टू तो जेड वन प्लस जेड टू का मतलब गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस आयोटा टाइम्स वाई वन प्लस वाई टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का मतलब हो गया वाई वन प्लस वाई टू जो कि अपन ने वैल्यू निकाल ली ठीक है हाँ भाई ये एक और सवाल है देखो इसके ऊपर तो लिखा हुआ भी है मैंने लिखा था इसके ऊपर तो कि भाई ये कौन से साल के पीवाई क्यूज में आया टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के पीवाई क्यूज में आया इसमें भी लैंग्वेज थोड़ी वैसी है कि अल्फा और बीटा दो नंबर्स है अल्फा उसको सेटिस्फाई कर रहा है और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा उसको सेटिस्फाई करने का मतलब अल्फा की वो वैल्यूज जो मैं उसमें रख दूं तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा प्योरली इमेजनरी और बीटा की वो वैल्यू जो इसमें रख दूं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा प्योरली रियल याद करो मैंने शुरुआत में स्लाइड के टाइम पे कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था आपको पता होना चाहिए प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी में डिफरेंस क्या होता है प्योरली रियल का मतलब होता है ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके इमेजनरी पार्ट का वैल्यू जीरो और प्योरली इमेजनरी का मतलब होता है ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके रियल पार्ट का वैल्यू जीरो हो ठीक है भाई चलो सिंप्लीफाई करते हैं उस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ले लिया जेड इक्वल टू वन माइनस आयोटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई वन प्लस टू आयोटा साइन अल्फा इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से वन माइनस टू आयोटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस टू आयोटा साइन अल्फा तो जेड इक्वल टू इसका मुझे क्या करना है प्योरली इमेजिनरी तो यानी इसका जो रियल पार्ट आएगा वो निकालना है बस मुझे तो रियल पार्ट कब आएगा जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे दैट इज वन ये वाला जो टर्म है आयोटा वाला इसके आयोटा से मल्टीप्लाई होगा दैट इज आयोटा साइन अल्फा इंटू टू आयोटा साइन अल्फा इज टू टाइम साइन स्क्वायर अल्फा विथ माइनस वन तो ये बनेगा टू साइन स्क्वायर अल्फा विथ माइनस वन एंड प्लस आयोटा टाइम समथिंग आएगा दैट इज नॉट इंटरेस्टेड कि वो समथिंग क्या आ रहा है भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर देना उस समथिंग में अपन को सिर्फ इसका रियल पार्ट को क्या करना है जीरो, जीरो क्योंकि ये प्योरली इमेजनरी यानी इस वाले पार्ट को अपन को जीरो करना है तो बन गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई वन प्लस फोर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू यानी साइन अल्फा का वैल्यू या तो प्लस वन बाई रूट टू या माइनस वन बाई रूट टू डिपेंड करता है क्वाड्रेंट कौन सा लिया है अपन ने अब देखो अल्फा और बीटा जो है वो एक्चुअली में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो अगर मैं साइन अल्फा की बात करूँ तो साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट टू है तो प्लस का तो होगा नहीं तो यहाँ से मुझे अल्फा की दो वैल्यूज पता चल गए अल्फा इक्वल टू फाइव पाई बाई फोर दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट सेवन पाई बाई फोर दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट पाई बाई फोर को आप थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाओ पाई प्लस पाई बाई फोर पाई बाई फोर को आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाओ दैट इज टू पाई माइनस पाई बाई फोर तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया अपना मतलब अपन ने अल्फा की वैल्यूज निकाल ली देखो तो अपन को फाइनली ये निकालना है ये जेड ऑफ अल्फा बीटा आ जाएगा ये आते ही यहाँ रख देंगे और यहाँ रखेंगे तो आंसर आ जाएगा भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ज़्यादा लेंदी नहीं है इजी है ठीक है अब एक काम करते अपन बीटा निकालते हैं तो ये वाला निकालना है ये प्योरली रियल है तो मैंने क्या किया इसे जेडडेस ले लिया जेडेस का मतलब हो गया वन प्लस आयोटा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टू आयोटा कॉस बीटा इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पूरा एक एक्सप्रेशन है इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह दिखाना है और दिखा के उसका प्योरली रियल बोलना है यानी इसका पार्ट अपन को क्या करना है जीरो तो एक काम करते हैं इसका इमेजनरी पार्ट कैसे निकालेंगे आयोटा बीटा डिवाइडेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आयोटा बीटा तो जेट डे बराबर कुछ रियल पार्ट आएगा नॉट इंटरेस्टेड क्या आ रहा है प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज कॉस बीटा प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज टू कॉस बीटा ये इमेजनरी पार्ट आएगा और डिनोमिनेटर विल बी वन प्लस फोर कॉस स्क्वायर बीटा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ थ्री कॉस बीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस फोर कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई जीरो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कॉस बीटा कितना हो गया जीरो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बीटा कितना हो गया थ्री पाई बाई टू दो कॉम्बिनेशन बनेंगे अल्फा का वैल्यू फाइव पाई बाई फोर बीटा का वैल्यू थ्री पाई बाई टू अल्फा का वैल्यू सेवन पाई बाई फोर बीटा का वैल्यू थ्री पाई बाई टू और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या करूँगा वहाँ रख दूंगा रख के मैं जेड अल्फा बीटा निकाल लूंगा जेड अल्फा बीटा जो भी आएगा इसमें रख दूंगा और इसको रख के फिर फाइनल आंसर निकाल लूंगा आगे का पार्ट आपका होमवर्क है बेटा बस इतना ही पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट था अगला पार्ट मुझे लगता अब आप कर लोगे आप खुद से ट्राई करिएगा वो चलिए अगला क्वेश्चन है देखो मैंने बहुत सारे पी वाई क्यूज़ लिए है ठीक है आप लोगों ने जैसे देखा भी होगा मैं क्लास में वैसे प्रॉब्लम ज़्यादा लेता हूँ प्रॉब्लम से क्या है थोड़ी फील जल्दी आती है कि भाई प्रॉब्लम से अपन थ्योरी को इजीली कनेक्ट कर लेते हैं द एरिया ऑफ पॉलीगन हुज हुजेसिस आर दी नॉन रियल रूट्स इसके जो नॉन रियल रूट्स होगी ना उन नॉन रियल रूट से एक पॉलीगन बनेगा उस पॉलीगन का एरिया क्या होगा वो पता करना है तो ठीक है मैं एक काम करता हूँ इसके नॉन रियल रूट्स निकाल के छोड़ देता हूँ एक ट्रेंगल आएगा उस ट्रेंगल का आपको एरिया पता करना है अगर ट्रेंगल की तीनों वटाइज में आपको दे दूँ तो ऑफकोर्स आप इतने समझदार हो कि आप एरिया ऑटोमेटिकली खुद निकाल लोगे तो अपने पास इक्वेशन है जेड बार इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर इसके अंदर मैंने जेड इक्वल टू सब्टीट्यूट कर दिया एक्स प्लस आयोटा देखो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में काफ़ी सारे शॉर्टकट भी लगते अगर किसी प्रॉब्लम में आपको कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं दिख रहा है तो एक रामबाण है बेटा उसके अंदर वो हमेशा चलाओगे तो आंसर आने के चांस नाइन्टी नाइन परसेंट आपके बढ़ जाएंगे कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख दो सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा टाइम टेकिंग होता है लेकिन ये एक सही तरीका है एंड तरीका है अगर आपका कोई और मेथड नहीं दिख रहा है तो आप ये मेथड लगाओ आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है चलिए अपन जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइट वाई इसमें रख देते तो लेफ्ट हैंड एक्स माइनस आई एट वाई आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई आयोटा तो ये बनेगा एक्स माइनस आयोटा वाई एक लाइन और लिख देता हूँ बेटा आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आयोटा वाली टर्म हो गई एंड माइनस का टू एक्स वाई ये नॉन आयोटा तो दोनों का इमेजनरी इक्वेट कर देंगे दोनों का रियल इक्वेट कर देंगे एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई एंड माइनस आयोटा माइनस का वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इस इक्वेशन को मैंने पकड़ा भाई ठीक है क्योंकि इस इक्वेशन से मुझे दो वैल्यूज़ मिल रही है एक एक्स की और एक वाई की या तो एक्स वाली वैल्यू होगी या फिर वाई वाली वैल्यू होगी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है एंड वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस वन बाई टू चेक कर लो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो एक्स कॉमन ले लो तो वन प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो तो वाई का वैल्यू कितना हो गया माइनस हाफ और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो जब एक्स का वैल्यू जीरो लोगे और आप इसमें रखोगे तो आप चेक कर सकते हो वहाँ से या तो वाई का वैल्यू जीरो आ रहा है या वाई का वैल्यू क्या आ रहा है वन तो एक तो पॉइंट हो गया एक्स एंड वाई की वैल्यू एक साथ निकाल रहा हूँ जेड निकाल रहा हूँ और दूसरा हो गया जीरो कोमा वन ठीक है इधर से बात करते हैं जब आप वाई का वैल्यू माइनस वन बाई टू लोगे और आप यहाँ पे माइनस वन बाई टू रख दो भाई तो ये बनेगा माइनस वन बाई टू रखने के बाद प्लस वन बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप चेक कर सकते हो फाइनली थ्री बाई फोर आ रहा है तो एक्स की जो वैल्यूज आ रही है वो एक्चुअली में दो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से भी आ, ये y इक्वल टू माइनस वन बाई टू लिया था यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो दो आ जाएगी x इक्वल टू प्लस रूट थ्री बाई टू एंड x इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू तो इसके जो नॉन रियल एक सॉल्यूशन तो इसका हो गया जीरो प्लस जीरो आईटा ये नहीं लेना है क्योंकि ये प्योरली नॉन रियल बात कर रहा है ये रियल सॉल्यूशन है दूसरा हो गया जेड इक्वल टू जीरो प्लस तीसरा हो गया जेड इक्वल टू रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू आयोटा चौथा हो गया जेड इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू आटा इसका मतलब हो गया पॉइंट इज जीरो कोमा वन इसका मतलब हो गया पॉइंट इज रूट थ्री बाई टू कोमा माइनस वन बाई टू इसका मतलब हो गया पॉइंट इज माइनस का रूट थ्री बाई टू कोमा माइनस का वन बाई टू इन तीनों पॉइंट से जो ट्रेंगल बनेगा उस ट्रेंगल का अपन को एरिया निकालना है आप बहुत कंफर्टेबल हो इसका एरिया निकालने के लिए वो आप खुद से कर लेंगे ट्राई हाँ भाई अगला प्रॉब्लम है कि एक इक्वेशन अपन को दे रखी है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी जेड है वो जेड यहाँ रखिएगा उनका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट निकाल के उनका सम करते जाइएगा बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम है जैसा जस्ट अभी अपन ने पीछे किया है ये 2022 में आया था ये भी 2022 में आया था दो अलग अलग शिफ्ट में आए होंगे फिर ये ठीक है तो वही तरीका सेम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई ले लेंगे इस इक्वेशन में रखने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई आयोटा प्लस का एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू जीरो रियल पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का, का एक्स इक्वल टू जीरो इमेजनरी पार्ट इज टू एक्स वाई माइनस का वाई इक्वल टू जीरो इमेजनरी पार्ट की दो वैल्यूज आएगी एक होगी वाई बराबर जीरो और एक हो गई x बराबर हाफ अगर y को जीरो लेता हूँ तो x का वैल्यू एक जीरो आएगा और x का वैल्यू एक माइनस वन आएगा यहाँ से एक पॉइंट आ गया जीरो जीरो यहाँ से एक पॉइंट आ गया माइनस वन जीरो चेक करते जाओ साथ के साथ अगर x का वैल्यू वन बाई टू लेता हूँ तो x का वैल्यू वन बाई टू इसमें रख देंगे भाई तो अपन को क्या मिलेगा वन बाई फोर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वन बाई टू इक्वल टू जीरो तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया थ्री बाई फोर यानी फिर से वाई के दो वैल्यू आ गए रूट थ्री बाई टू और अगला वैल्यू क्या हो जाएगा भाई माइनस का रूट थ्री बाई टू तो बेसिकली देखा जाए तो मेरे पास चार कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए जेड इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा सॉरी इक्वल टू है ये जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस जीरो आयोटा जेड इक्वल टू वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा एंड जेड इक्वल टू माइनस व... प्लस वन बाय टू माइनस का रूट थ्री बाय टू आटा इन चारों का जो रियल पार्ट है और इन चारों का जो इमेजनरी पार्ट है टोटल आठ टर्म्स हो गई उन आठों को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर बता दो अब अपन भाई इसका आंसर निकाल सकते हैं देखो इसके अंदर अब कोई कैलकुलेशन ऐसी बच्ची नहीं है जो आप नहीं कर पाओ ठीक है चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल है कि भाई जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबरली इमेजनरी 2023 का है काफी सारे सवाल जो है वो इसी टाइप के प्योरली रियल है तो अपन को प्योरली प्योरली रियल की कंडीशन पता होनी चाहिए उन कंडीशन को अपन यूज करके आगे बढ़ सकते हैं ठीक है चलिए इसमें जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई डाल देते माइनस का थ्री आटा डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस का टू वाई आयोटा प्लस का आयोटा इसको मैंने ले लिया जेड डेस के बराबर तो जेड डेस इज इक्वल टू मेरे को मिल जाएगा टू एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ टू वाई माइनस का थ्री डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ टू वाई प्लस वन देखो ये सारा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका पूरे का रियल पार्ट क्या है वो मुझे चाहिए क्योंकि इसने बोला प्योरली मेजनरी यानी इसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए जीरो तो मैं एक काम करता हूँ इसका रियल पार्ट किया वो निकाल लेता हूँ और उसको जीरो कर दूंगा उसके लिए मेरे को क्या चाहिए भाई पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मैंने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया टू एक्स माइनस आयोटा मतलब कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है आप उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो और सेम नंबर से आप कहाँ मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में जेड डे इक्वल टू अब देखो अपन को प्योरली इमेजनरी बोला है यानी अपन को सिर्फ रियल पार्ट चाहिए पूरा मत निकालना रियल पार्ट कब आता जब दोनों रियल मल्टीप्लाई हो दैट इज फोर स्क्वायर और दोनों इमेजनरी मल्टीप्लाई हो दैट इज प्लस 2y वाई माइनस थ्री टू प्लस वन प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई फोर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा ये वाला जो पार्ट है मैंने नहीं लिखा है जानबूझ के क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है अपन को सिर्फ इसका रियल पार्ट चाहिए और रियल पार्ट जो भी होगा अपन उसको जीरो के बराबर कर देंगे भाई क्योंकि इसने प्योरली इमेजनरी बोला है तो आप इसका रियल पार्ट जो है वो आपको साफ साफ दिख रहा है फोर एक्स स्क्वायेयर प्लस का फोर वाई स्क्वायर प्लस का टू वाई माइनस का सिक्स वाई माइनस का थ्री एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो डिनोमिनेटर तो जीरो के बराबर करोगे तो वो तो जीरो में मल्टीप्लाई हो ही जाएगा ये वैल्यू जीरो के बराबर कर दी यानी मेरे को मिल गया एक्स स्क् माइनस का वाई माइनस का थ्री वाई फोर इक्वल टू जीरो दूसरी चीज मुझे एक और चीज देख रेखी है कि x 0 है तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक्स की जगह यहां से जो भी वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू उठा के मैंने यहाँ डाल दी तो ये बनेंगे माइनस का वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का थ्री बाई फोर इक्वल टू जीरो तो फाइनली मेरी वैल्यू होगी वाई टू दी पावर फोर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई इक्वल टू थ्री टू दी पावर फोर हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है कि वाई टू पावर फोर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई इसकी वैल्यू कितनी है तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए अपना थ्री बाई फोर चलिए अगला सवाल भी देखिए वैसा ही है कि ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स एंड वाई पता कर लीजिए जेड पता कर लीजिए उन जेड से फिर आप यहाँ रख दीजिएगा रख के आप इसको सोल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा ठीक है तो एक काम करते हैं जेड इक्वल टू ओपन ले लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई तो बनेगा एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई आयोटा प्लस का एक्स जो जेड बार होगा उस जेड बार का सिर्फ रियल पार्ट लेना है तो जेड बार क्या होता है एक्स माइनस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई का रियल पार्ट लोगे तो क्या मिलेगा एक्स अब दोनों तरफ से भाई आप रियल इक्वेट कर दो दोनों तरफ का इमेजनरी इक्वेट कर दो अगर आपको दिक्कत हो रही है इसमें इक्वेट करने में तो एक काम करो आप पहले एक बार और लिख लो ये तीनों टर्म एक साथ ले लेना ले आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स ये टर्म अलग से ले लेना दैट इज माइनस का टू एक्स वाई तो जैसे इक्वेट करोगे एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का टू एक्स वाई एंड दूसरी चीज़ मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स इक्वल टू माइनस का वाई यहाँ से मुझे एक एक्स की वैल्यू पता चल गई और एक वाई की वैल्यू पता चल गई एक्स बराबर ज़ीरो होगा और वाई बराबर माइनस का हाफ होगा अगर एक्स का वैल्यू जीरो लेता हूँ और एक्स का वैल्यू जीरो इसमें डालता हूँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है वाई का वैल्यू जीरो आएगा एक और वाई का वैल्यू वन आएगा यानी एक पॉइंट जीरो जीरो हो गया और एक पॉइंट जीरो वन हो गया एंड सेम लॉजिक से अगर वाई का वैल्यू माइनस हाफ लेता हूँ इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का वन बाई फोर इक्वल टू वन बाई टू दैट इज़ फोर एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स माइनस का वन इक्वल टू टू दैट इज़ फोर एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस का फोर एक्स माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व कर लूँगा इसको सॉल्व करूंगा तो भाई यहाँ से भी एक्स की क्या आ जाएगी मेरे दो वैल्यूज आ जाएगी वो वैल्यूज जा आ गई तो एक्स वाई आ गया और हर बार अपन को क्या करना है मोड जेड का स्क्वायर यानी इसका मॉडुलस का स्क्वायर इसके मॉडुलस का स्क्वायर और यहाँ पे जो दो नंबर आएंगे उनके भी मॉडुलस के स्क्वायर्स का सम कर देना है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस तरीके से एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इसका जो रियल पार्ट होगा वो पता करना है भाई अपन को ठीक है और ये, इमेज रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो थ्री है और इसका जो रियल पार्ट है वो यहाँ पे बोला है एक इंटरवल है अल्फा कोमा बीटा बीटा विद क्लोज ब्रेकेट में लाइक कर रहा है तो भाई अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू होगी वो पता करनी है ठीक है ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ बेटा हाँ भाई तो आपने ट्राई किया होगा चलो डिस्कस करते हैं तो मैंने क्या किया जेड इक्वल टू ले लिया भाई थ्री प्लस आयोटा वाई अब देखो शायद यहाँ पे लग रहा होगा सर आपने थ्री प्लस आयोटा वाई कैसे ले लिया एक्स प्लस आयोटा टा वाई होता है बेटा रियल पार्ट ऑफ जेड ऑलरेडी दे रखा है थ्री तो एक्स का वैल्यू क्या डाल देंगे अपन इसमें थ्री इसको पकड़ते अपन इसको मैंने नाम दे दिया जेड डेस्क का और इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी दैट इज थ्री प्लस आयोटा वाई माइनस थ्री माइनस आयोटा वाई प्लस जेड इंटू जेड बार इज अपन को पता है मोड जेड स्क्वायर होता है यानी इसका स्क्वायर कर देंगे दैट इज नाइन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस नाइन माइनस थ्री आयोटा वाई फाइव से मल्टीप्लाई करोगे यानी फाइव इंटू थ्री दैट इज फिफ्टीन सॉरी माइनस जेड बार है यानी जेड बार का मतलब क्या हो गया थ्री माइनस आईटा वाई यानी माइनस का फाइव आयोटा वाई ये पूरा बन गया यहाँ तक अब इसका निकालते रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जो भी है सोल्व करते पहले तो देखो ये थ्री से थ्री कट गया ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे भाई नाइन प्लस टू आयोटा वाई प्लस का वाई स्क्वायर दैट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा पंद्रह और दो कितना हो गया सत्रह सत्रह पैसन हो गया तो आठ ठीक है और ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे माइनस का एट आयोटा वाई एक बार देख लीजिए इसका पूरे का जो रियल पार्ट है वो पता करना है अपन को तो रियल पार्ट कैसे पता करोगे भाई एट प्लस एट आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एट प्लस एट आईओटा वाई या एक काम करो ना आप ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए आप एट को भी गाइब कर दो यहाँ से एट को कॉमन ही ले सकते हो दैट इज़ वन प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई तो अपन इधर ले चलते हैं भाई इसको जेड इज इक्वल टू डिनोमिनेटर विल बी एट कॉमन आ गया वी विल गेट वन प्लस वाई स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में भाई रियल पार्ट कैसे निकालूंगा इसका रियल पार्ट निकालना है यानी ये दोनों मिला के रियल है तो रियल में एक टर्म आएगी नाइन प्लस वाई स्क्वायर दूसरे टर्म क्या आएगी जब ये वाला इमेजनरी और ये वाला इमेजनरी मल्टीप्लाई होगा दैट इज माइनस का टू वाई स्क्वायर तो मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे आएगा माइनस का टू वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ समथिंग आएगा अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है भाई अपन क्योंकि अपन को सिर्फ इसका रियल पार्ट चाहिए तो रियल पार्ट ऑफ जेड डेस जो है वो हो जाएगा अपना नाइन माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट ब्रेकेट वन प्लस वाई स्क्वायर दिस विल बी द रियल पार्ट ऑफ जेड डेस इस रियल पार्ट का जो रेंज है वो पता करना है अपन को क्या रेंज आ रहा है ठीक है तो किस रेंज में लाइक कर रहा है वो पता करना है ठीक है चलिए पता कर सकते हैं क्या ही दिक्कत है इसके अंदर ठीक है तो इसको अपन ले लेते हैं भाई नाइन माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वन माइनस का वन डिवाइडेड बाई एट ब्रेकिट वन प्लस वाई स्क्वायर मैं इसको अलग मेथड से ट्राई कर रहा हूँ बेटा मैं इसको कुछ ऐसे मेथड लगा रहा हूँ जिसमें अगर मुझे कुछ वैल्यूज़ पहले से पता हो उन्हीं का अप्लाई कर लूँगा तो मेरी रेंज इजीली निकल जाएगी आप इसे रेंज के तरीके से भी कर सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को एक जैसा बना रहा हूँ तो मैंने प्लस वन माइनस वन कर दिया प्लस वन को अलग ले लूँगा यानी टेन डिवाइडेड बाई एट इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर अलग कर लिया और माइनस का अलग करूँगा तो वन बाई एट अलग कर लिया ये दो अलग अलग टर्म बना ली और इन दोनों टर्म में भी आप चाहो तो देखो मैं पूरा हटा देता हूँ वन बाई एट कॉमन भी ले सकते थे अपन तो वन बाई एट अलग कर दिया अपन को मिलेगा टेन डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वन यानी ये दोनों टर्म्स मैंने साथ में ले लिया और अलग अलग डिवाइड कर दिया इसकी रेंज मुझे पता है वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर की मुझे रेंज पता है ये वैल्यू वन या वन से छोटी होती है और जीरो से बड़ी होती है इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है ये लाइन अगर वाई एक्सिस है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है यहाँ तक जाता है वापस भी डिक्रीजिंग आ जाता है ये अपन ने फंक्शन में पढ़ा था ठीक है तो इसकी रेंज के हिसाब से मैं क्या करूँगा इसको दोनों तरफ टेन से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस वन सप्टेट कर दूंगा तीनों से और वन बाई एट से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये करने के बाद फ़ाइनली मुझे अल्फ़ा और बीटा देखो आप इसमें भी देखो एक तरफ़ ओपन और एक तरफ क्लोज तो इधर ओपन और उधर क्लोज तो अल्फ़ा और बीटा जाएगा अल्फ़ा बीटा जाएगा तो फाइनली इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं ठीक है चलिए तो अपन एक काम करते हैं भाई यहाँ पे एक दस मिनट का अपन ब्रेक ले, ले लेते हैं ठीक है तब तक आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखवाए उनको एक बार आप दोबारा ट्राई करिए इसके आगे फिर मैं आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ एंड देन उसके बाद मैं आपको पूरी ज्योमेट्री समझाऊंगा ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा है तो हो सकता है आपका ये जो लेक्चर है आज का अपना थोड़ा सा लेट तक चलेगा ठीक है क्योंकि कोशिश करते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन एक ही लेक्चर में फिनिश करने की ठीक है थैंक यू नमस्कार बच्चों तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं अपन दस मिनट का ब्रेक लिया अभी अपन ने अब कुछ थ्योरी है थ्योरी देखते हैं अब प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्शन देखते हैं कि कॉन्जुगेट मॉडुलस आर्गुमेंट इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ अपन एक साथ रीड करेंगे एंड देन इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ में बेस्ड अपन कुछ सवाल देखेंगे तो सबसे पहले आता है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ को देखो मैंने यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ लिख दी आपके लिए दस की दस जो प्रॉपर्टीज़ होती है इन दसों प्रॉपर्टीज़ को मैं इधर साइड में आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ जैसे मैंने जेड इक्वल टू ले लिया भाई एक्स प्लस आयोटा वाई तो सी बात है जो जेड बार होगा वो हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई अब पहली चीज़ बोल रहा है कि जेड बार का बार वापस किसके बराबर हो जाएगा जेड के आप मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो मैथमेटिक्स का मतलब आप इक्वेशन से भी कर सकते हो इसका बार लगा दो वापस क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा या आप नॉर्मली कॉर्डिनेट से भी कर सकते हो जेड का मतलब आप मान लो कोई पॉइंट है जेड बार का मतलब उसका इमेज एक्स एक्सिस के इसके बाद नीचे आ गया फिर से उसका बार यानी इस पॉइंट का फिर से इमेज कहाँ चला जाएगा वापस ऊपर चला जाएगा तो ये प्रॉपर्टी अपन ऐसे डिस्कस कर सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी होगी कि आप एडिशन कर लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का और एडिशन करने के बाद आप उनका बार लगा दो या फिर आप दोनों का अलग अलग बार लगा दो और बार लगा के फिर ऐड कर दो दोनों का मतलब क्या होता है सेम ही होता है थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि भाई आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनको डिफरेंस कर दो और डिफरेंस करने के बाद जो आता है आप उसका बार लगा दो या फिर आप दोनों का अलग अलग बार कर लो और बार करके आप उनका डिफरेंस कर दो ये वाली प्रॉपर्टी देन सेम ऐसी प्रॉपर्टी दो और होती है दैट इज़ एक प्रोडक्ट में होती है और एक डिवीजन में होती है ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बोल रही है कि भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी कोई पावर है उस पावर को ना सिंप्लीफाई करके मैं पहले बार को सिंप्लीफाई कर लूँ और बार सिंप्लीफाई करने के बाद वो पावर लगा दूँ या फिर मैं पहले पावर को सिंप्लीफाई कर लूँ बाद में बार को लगा दूँ इसका प्रूफ देख लो इधर सिक्स वाले का जैसे जेड इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स प्लस आयोटा वाई इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड जेड ई की पावर आया थीटा तो जेड की पावर एन का मतलब हो गया मोड जेड ई की पावर आयोटा थीटा पूरे की पावर क्या हो गया एन तो जेड की पावर एन का मतलब हो गया मॉड जेड की पावर एन ई e की पावर एन आयोटा एन थीटा तो जेड की पावर एन का फिर से क्या कर दिया मैंने बार तो ऑयलर फॉर्म में बार का मतलब होता है जो एंगल होगा वो एंगल थीटा की जगह क्या हो जाएगा माइनस थीटा तो ये बन जाएगा भाई मोड ऑफ जेड की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस आयोटा एन थीटा ये हो गया इसका आर एल एच एस इसी का अगर मैं आर एच एस इस तरीके से निकालू तो आर एच एस का क्या मतलब है कि जेड जो था वो अपना था मोड जेड ई की पावर आयोटा थीटा जेड बार क्या था मोड जेड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा तो जेड बार की पावर एन जो हो गया वो हो गया मोड जेड की पावर एन ई की पावर आयोटा एन थीटा इसका पावर अलग कर दिया मैंने इसकी पावर अलग कर दी और अब यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि इसका आर और इस वाली इक्वेशन का आर सेम है तो डेफिनेटली एल भी क्या होगा दोनों का सेम और एल सेम होने का मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी दूसरी चीज़ अगर मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू तो एक्स प्लस आइटा वाई तो मैंने उसका बार किया जेड बार इक्वल टू तो एक्स प्लस आईटा वाई मुझे इसका रियल पार्ट निकालना है तो मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करूँ कि अगर दोनों को ऐड कर दूँ तो वो आइटा वाली टर्म कट जाएगी और मुझे क्या मिलेगा भाई जेड प्लस जेड बार बाई टू जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा रियल पार्ट जेड माइनस जेड बार बाई टू आई टा किसके बराबर हो जाएगा इमेजनरी पार्ट के बराबर और अगर जेड प्योरली रियल है तो जेड और जेड बार दोनों क्या होते हैं सेम और जेड अगर प्योरली इमेजनरी है तो जेड प्लस जेड बार का सम कितना हो जाएगा जीरो ये टोटल दस प्रॉपर्टीज़ है जिनको आपको ध्यान रखना है कॉन्जुकेट की प्रॉपर्टीज में चलिए आगे बढ़ते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ है मॉडुलस क्या होता है तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं भाई डिफाइन कर लेते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आया वाई तो मोड जेड का मतलब हो गया ओरिजन से डिस्टेंस जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायेर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का वैल्यू जीरो है यानी उसका ओरिजन से डिस्टेंस जीरो है, तो एक ही केस में पॉसिबल होता है कि वो पॉइंट क्या हो जाए खुद ओरिजन ही हो जाए तो इस केस में जो तो जेड होगा वो खुद क्या होगा ओरिजन दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि भाई जेड का मोड जेड बार का मोड माइनस जेड का मोड़ माइनस जेड बार का मोड चारों का मोड़ क्या होता है बराबर देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक सर्कल है उस सर्कल पे अगर आप एक पॉइंट यहाँ लो एक पॉइंट यहाँ लो एक यहाँ लो और एक यहाँ लो ये है जेड ये है जेड बार ठीक है जेड बार माइनस जेड का मतलब ये हो गया ये है माइनस जेड अगर जेड मैंने फर्स्ट क्वार में ली है तो माइनस जेड कहाँ जाएगा यहाँ पे और माइनस जेड बार का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट एंड आप चेक कर लो इन चारों का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगा सेम क्यों क्योंकि ये चारों के चारों एक सर्कल पे लाई कर रहे हो और सर्कल की रेडियस क्या होती है सेम रेडियस का मतलब ओरिजन से डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं तो ये प्रॉपर्टी आप ऐसे प्रूव कर सकते हो ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होने वाली प्रॉपर्टी है कि जेड इंटू जेड बार किसके बराबर होता है मोड जेड के स्क्वायर यानी मैं मोड जेड के स्क्वायर को कई बार मैं जेड इंटू जेड बार की तरह लिखूंगा जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है या जेड इक्वल टू ए की पावर आयोटा थीटा है तो दोनों ही केस में मोड ऑफ जेड का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है वन के बराबर होता है आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज वन एंड वन का स्क्वायर रूट इज़ वन रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो माइनस मोड जेड से बड़ा होगा एंड मोड जेड से छोटा होगा सेम इमेजिनरी पार्ट के लिए भी है बट मैंने लिखा इसमें रियल पार्ट ही है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों के प्रोडक्ट करना और फिर उन दोनों के प्रोडक्ट के बाद जो आता है उसका मोड लेना है या फिर दोनों का इंडिविजुअल का मोड कर लो और इंडिविजुअल का मोड करने के बाद जो वैल्यू आती है उनका प्रोडक्ट कर लो देखो अपन ये नहीं फॉलो करते जैसे ये चीज़ इसके बराबर है कभी अगर आपको ये करना हो ना तो ये मत करना आप ये करना इसका आर एच एस करना क्योंकि आर एच एस में क्या कर रहे हैं दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर ले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर उनका इमेज मॉडुलस निकाल रहे तो दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना ज्यादा ईजी होता है कंपेयर टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सेम अगर सेवंथ वाली प्रॉपर्टी की बात करूं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना से ज्यादा ईजी होगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड डिवाइड करना क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दो रियल पार्ट्स को डिवाइड कर रहा हूँ एथ वाली प्रॉपर्टी क्या हो रही है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड उसकी मैंने पावर चढ़ाई एन और पावर एन चढ़ाने के बाद उसका क्या किया मैंने मोड लिया या फिर आप पहले मोड ले लो और बाद में क्या चढ़ा दो पावर दोनों सेम ही होती है जैसे मान लो जेड स्क्वायर का मुझे मोड करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मोड ऑफ जेड का स्क्वायर बोथ आर सेम ये दोनों सेम है कोई फर्क नहीं है ठीक है फिर अगला जो प्रॉपर्टी है अगला प्रॉपर्टी है कि जेड वन प्लस जेड टू के मोड़ का स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है मोड जेड वन का स्क्वायर प्लस मोड जेड टू का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार देखो इसका प्रूफ कैसे होगा मैं वर्बली दे रहा हूँ भाई आपको प्रूफ आप इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो ठीक है चलिए मैं इधर बता देता हूँ आपको देखो हल्का सा आइडिया दे देता हूँ जेड वन प्लस जेड टू के मोड़ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू इन टू जेड वन का बार प्लस जेड टू का बार अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो यू विल गेट मोड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू का स्क्वायर प्लस का टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है सेम चीज वही लग रही है माइनस में माइनस में क्या होता है यहाँ अगर माइनस होता तो यहां minus है तो यहाँ माइनस आ जाता है बेसिकली ये दस प्रॉपर्टीज है बिना इनिक्वलिटी वाली अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी आएगी जिसमें भाई मैं क्या करूँगा इन दोनों को ऐड कर दूंगा ठीक है जैसे अगली स्लाइड में मैंने वही प्रॉपर्टीज़ ली है अगली स्लाइड में मैंने क्या किया भाई वो जो नाइन्थ और टेंथ में जो प्रॉपर्टीज़ थी उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया उन दोनों को जैसे ही ऐड करूंगा तो मेरे पास ये ग्यारह नंबर वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी बारह नंबर और तेरह नंबर वाली प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये इनिक्वलिटीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ इन वाली प्रॉपर्टीज़ का मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ग्रेटेस्ट और लिस्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको इस तरीके से डील कर सकता हूँ दो कॉम्प्लेक्स जैसे ये जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए इनके एडिशन के मोड का वैल्यू छोटा होगा इंडिविजुअल के मोड के सम के ठीक है आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई एक मैंने ट्रेंगल बना लिया इस ट्रेंगल में ये मैंने जेड वन ले लिया ये जेड टू ले लिया ठीक है या फिर आप ऐसे समझो इसको मैं एक और तरीका है उससे भी चलो ये बता देता हूँ आपको मैंने ऐसे एक पैलोग्राम बना दिया भाई ये साइड मेरी जेड वन है ये वाली साइड मेरी जेड टू है अभी मैंने आपको बताया था कि जेड वन और जेड टू दो पॉइंट्स होंगे उनको मैं वेक्टर्स के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो ये जो होगा ये मेरा डायगनल होगा डायगनल का मतलब क्या है जेड वन प्लस जेड टू और ये वाली जो साइड होगी ये भी जेड टू हो जाएगी तो एक ट्रैंगल में अपन को पता है दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से क्या होता है भाई बड़ा ही होता है तो जेड वन का मोड प्लस सॉरी ये जेड वन हो गया जेड टू का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू का मोड ये एक साइड हो गई ये दूसरी साइड हो गई इन दोनों साइड्स का जो सम होगा वो तीसरी साइड की लेंथ से क्या होगा बड़ा वही लगाया मैंने दो साइड्स का सम तीसरी साइड की लेंथ से क्या ये दो साइड्स हो गई इन दोनों साइड्स की लेंथ का जो सम होगा वो तीसरी साइड की लेंथ से क्या होगा बड़ा यही चीज अपन डिफरेंस वाले में लगा सकते हैं कि दो साइड्स की लेंथ का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी साइड की लेंथ से क्या होता है छोटा आप देखो इसमें ये डिफरेंस है दो साइड की लेंथ का और ये तीसरी साइड जो भी होगी उससे क्या आ रहा है छोटा यहाँ पे लग रहा है डिफरेंस वाला डिफरेंस वाला कैसे जैसे मान लो ये जेड है और ये है अपना जेड तो अपन ने एक ऐसे पेलोग्राम बनाया उस पेलोग्राम में ये जो चीज़ हो गई ये हो जाती है अपनी जेड वन प्लस जेड टू ठीक है ये अगर जेड वन है तो मैं और यह जेड टू है तो मैं एक काम करता हूँ जेड वन को उल्टा ले लेता हूँ ये मेरा माइनस जेड वन हो जाएगा और मैंने इधर एक पैलोग्राम बना दिया इस तरीके से तो इस पैलोग्राम में ये जो डायगनल होगी ये वाली डायगनल हो जाएगी जेड टू माइनस जेड वन कोई फर्क नहीं पड़ रहा जेड वन माइनस जेड टू बोलो जेड टू माइनस ये जेड टू है तो ये भी क्या होगा अपना जेड टू अब जो मेरे पास ट्रेंगल बन गया वो ये वाला ट्रेंगल है भाई मैं इसको दूसरे मार्कर से कर रहा हूँ ये तो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल की ये जो साइड है इसकी लेंथ है मोड जेड टू ये जो साइड है इसकी लेंथ है माइनस जेड वन का पूरे का मोड और तो तीसरी जो साइड है इसकी साइड की लेंथ होगी जेड टू माइनस जेड वन का मोड तो दो साइड्स के जेड वन का मोड माइनस जेड टू का मोड और इसका डिफरेंस ये तीसरी साइड से क्या होगा छोटा दैट इज जेड टू माइनस जेड वन से क्या होगा भाई छोटा ये ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपन ने नाइन्थ क्लास में टेंथ क्लास में ही देख ली थी बाकी अपन ने ज्योमेट्री में देखी है कि दो का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है या दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से क्या होता है छोटा अब देखो फाइनल जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई ऐसे जेड वन प्लस जेड टू के मोड का वैल्यू छोटा होगा किससे इंडिविजुअल्स के मोड के सम के और बड़ा होगा किससे इंडिविजुअल्स के मोड के डिफरेंस से ऐसे इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया बारह और तेरह को मर्ज करके ये प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ क्योंकि इस पे बेस्ट सवाल एक्चुअली में पूछे गए हैं मैंने भी कुछ सवाल अपने नोट्स के आपके लिए कंसिडर किए हैं अपने इस वीडियोज़ में ठीक है अभी अपन ये देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट इसके बाद में फिर कुछ सवाल देखेंगे ठीक है आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है भाई एम्पलीट्यूड वाली जो चीज़ है वही बात हो रही है कि अपने पास जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयाटा वाई है तो अपन एक काम करते हैं इसका टेन थीटा निकालते हैं दैट इज़ मॉड ऑफ वाई बाई एक्स तो अपन एक काम करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू लेते ले ले थीटा अब ये बोल रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ जो जेड बार होगा वो किसके बराबर हो जाएगा माइनस थीटा कैसे आपका पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका थीटा इज थीटा पॉइंट अगर बार करोगे तो कौन से क्वाड्रेन में चला जाएगा माइन फोर्थ क्वार्रेंट में ऊपर थीटा था तो फोर्थ क्वार्रेंट में क्या हो जाता है माइनस थीटा आप लॉजिक से इस प्रॉपर्टी का प्रूव कर सकते हो कोई नीड नहीं इसके लिए अपन को मैथमेटिक्स के लिए कुछ प्रूव करने की दूसरा बोल रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड अब देखो अगर जेड आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस जेड का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट माइनस का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट और थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट के एम्पिट्यूड के डिफरेंस में पाई का गैप आता है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आता है उसमें अगर मैं पाई ऐड कर दूंगा तो एक्चुअली वो कहाँ चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो यह आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड इज पाई टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ठीक है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू का मतलब था आर्गूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू इन टू प्लस टू एन पाई आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे जेड वन इक्वल टू मैंने ले लिया आर वन ई की पावर आयोटा थीटा वन वेर आर वन इज मॉट जेड वन ठीक है एंड जेड टू मैंने ले लिया भाई आर टू ई की पावर आटा थीटा टू तो मेरे को चाहिए जेड वन इंटू जेड टू तो मैं बोल सकता हूँ आर वन इंटू आर टू ए की पावर आयटा टाइम्स ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू अब मुझे इसका पूरे का ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट इसका आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होगा e की पावर में जो नंबर आ रहा है वही बोलूंगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बराबर क्या हो जाएगा मेरा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस टू एन पाइव टू एन पाई क्यों ऐड हुआ है वो आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट जो होता है वो बाउंडेशन में नहीं आर्ग्यूमेंट तो भाई रोटेट होता रह सकता है प्रिंसिपल वैल्यू बाउंडेशन में प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट की वो वैल्यू जो माइनस पाई एंड पाई के बीच में ही लाई कर रही हो तो इसीलिए मैंने टू एंड पाई एड कर दिया और थीटा वन जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन एंड थीटा टू जो है वो आर्गूमेंट ऑफ जेड टू है तो आप इस तरीके से थर्ड वाली प्रॉपर्टी का प्रूव कर सकते हो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ भी एक्जैक्टली सेम होगा आप जेड वन और जेड टू को क्या कर दो डिवाइड तो यहाँ पे थीटा वन प्लस थीटा टू है उसकी जगह आ जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इधर होगा आर्गूमेंट ऑफ जेड वन बाई जेट टू तो ये बन जाएगा आर्गूमेंट ऑफ जेड वाई जेड टू इक्वल टू थी वन माइनस थीटा टू प्लस टू एन बाई और थीटा वन एंड थीटा टू अपने हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड वन एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन इसका प्रूफ भी अपन ऐसे ले सकते हैं कि जेड बराबर मैंने ले लिया आर ई की पावर आयोटा थीटा तो जेड की पावर एन का मतलब हो गया आर की पावर एन ई की पावर आयोटा एन थीटा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ

इसके ऊपर जो पॉइंट होगा सॉरी इसके ऊपर या तो पॉइंट इधर होगा जेड इज रियल का मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट है या फिर वो पॉइंट इधर होगा अगर पॉइंट इस साइड होता है तो आर्ग्यूमेंट कितना होगा जीरो और अगर पॉइंट इस साइड होता है तो आर्ग्यूमेंट कितना होगा पाई सेम लॉजिक इफ़ जेड इज इजनरी प्योरली मेजनरी देन आर्ग्यूमेंट विल बी पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू अगेन इसी डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ भाई ये भी चीज़ अगर पॉइंट इधर हुआ या पॉइंट इधर हुआ तब वो पॉइंट कहलाता यानी वाई एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट होता है तो वो कहलाता प्योरली मेसनरी क्योंकि उसका रियल पार्ट क्या होगा जीरो तो अगर पॉइंट ऊपर की तरफ हुआ तो इसका मतलब उसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा भाई प्लस पाई बाई टू और अगर पॉइंट नीचे की तरफ हुआ तो उस केस में आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई टू तो बेसिकली ये अपनी प्रॉपर्टीज हुई है आर्ग्यूमेंट की सात प्रॉपर्टीज आर्ग्यूमेंट की देखी अपन ने और कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन ने मॉडुलस की देखी एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन ने कॉन्जुगेट की देखी <coughs> है ये प्रॉब्लम है प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आप इसको ट्राई करिए फिर एक मिनट के बाद अपन डिस्कस करते हैं हाँ भाई तो आपने इसे ट्राई किया होगा अब इसमें बोला है डब्लू इज यूनी मॉड्युलर यूनी मॉड्यूलर का मतलब डब्लू का तो मॉडुलरस का वैल्यू है यानी उसका मैग्नीट्यूड वन होगा तो ठीक है भाई मोड ऑफ डब्लू इक्वल टू वन कर देंगे यानी वन माइनस आयोटा जेड का मोड इज इक्वल टू मैं कर सकता हूँ जेड माइनस आयोटा का मोड अब मैं क्या कर रहा हूँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेता हूँ मैं ये वाला तरीका नहीं लगा रहा हूँ कि इसमें जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख दूँ और सोल्व कर लूँ मैं कुछ और ही तरीका लगा रहा हूँ मैं इसमें वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ कि मोड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का स्क्वायर का मतलब होता है दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विल मल्टीप्लाई विथ इट्स कॉन्जुकेट तो इसका मतलब हो गया वन माइनस आयोटा जेड विल मल्टीप्लाई विथ वन माइनस आयोटा जेड एंड इस पूरे का बार इधर हो जाएगा जेड माइनस आयोटा मल्टीप्लाई जेड माइनस आयोटा पूरे का बार तो बनेगा वन माइनस आयोटा जेड बार में अपन को पता है प्रोडक्ट एडिशन सब्टशन में बार अलग अलग किया जा सकता है तो वन का बार इज वन माइनस आयोटा का बारिस प्लस आयोटा और जेड का बारिस जेड बार जेड माइनस आयोटा इधर अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो जेड बार प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई वन माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड बार माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये बनेगा जेड इंटू जेड बार इधर क्या बनेगा जेड इंटू जेड बार दूसरी चीज प्लस का आयोटा जेड माइनस का आयोटा जेड बार माइनस प्लस का वन ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई बाकी के दोनों टर्म्स को मैंने एक तरफ ले लिया तो टू टाइम्स आयोटा जेड बार इक्वल टू टू टाइम्स आयोटा जेड यहाँ से मुझे पता चल गया जेड बार इक्वल टू जेड एंड मुझे पता है जेड और जेड बार तभी बराबर होते हैं जब जेड क्या हो प्योरली रियल हो तो इसमें पूछा है प्योरली रियल अपन को प्रूव करना था इस तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं हाँ भाई अगला बोला है इसने कि ये कोई एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन में जो तो थीटा है वो बिलोंग्स टू है जीरो से टू पाई एंड इज ए रियल नंबर इज ए रियल नंबर का मतलब इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा वो इमेजनरी पार्ट क्या होगा जीरो देन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस मतलब तो वहाँ से अपन को थीटा पता चलेगा और वो थीटा इसके आर्ग्यूमेंट भी यूज कर लेंगे अपन ठीक है तो एक काम करते हैं इसको जेड के बराबर ले लेते हैं थ्री प्लस आयोटा साइन साइन को चलो पूरा लिख लेते हैं वैसे अपन शॉर्ट फॉर्म में साइन को एस लिख देते हैं फोर माइनस आयोटा कॉस थीटा तो मैं एक काम करता हूँ भाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके कॉन्जिगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फोर प्लस आयोटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई फोर प्लस आयोटा कोस थीटा तो जेड बराबर मुझे मिलेगा डिवाइडेड बाई देखो नीचे बनेगा सिक्सटीन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब ये बोला है दिस नंबर इज प्योरली रियल रियल बोल दो प्योरली रियल बोल दो बात बराबर है यानी मुझे जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर का सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है तो मैं एक काम करता हूँ उसका रियल पार्ट तो ऐसे ही लिख देता हूँ प्लस आयोटा इमेजनरी पार्ट यानी ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तभी इमेजनरी आएगा यानी फोर साइन थीटा प्लस ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तब इमेजनरी आएगा यानी थ्री थीटा एंड ये जो इमेजनरी पार्ट है सॉरी <coughs> ये पार्ट किसके बराबर कर देंगे भाई अपन जीरो के बराबर यानी साइन थीटा प्लस थ्री थीटा इक्वल टू क्या कर दूंगा जीरो फ्रॉम दिस आई विल गेट टेन थीटा इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर ठीक है अब बात करता हूँ मैं इसके आर्ग्यूमेंट की तो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा विल बी इक्वल टू पाई प्लस टेन ऑफ क्या आएगा भाई इधर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ इसको अपन ले लेते हैं भाई जेड बार पाई प्लस टेन ऑफ कॉट थीटा ठीक है भाई ये चीज़ सॉरी यहाँ टेन इनवर्स होता है टेन ऑफ कोर्थ थीटा कोर्थ थीटा का वैल्यू वहाँ से निकालूंगा टेन थीटा माइनस थ्री बाई फोर है तो थीटा कितना हो जाएगा माइनस का फोर बाई थ्री तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डैश विल बी पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ माइनस फोर बाई थ्री एंड टेन इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है कि टेन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन इनवर्स थीटा तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स फोर बाई थ्री दैट इज ए फोर आगरा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इज फाइव रूट टू देन पी का वैल्यू क्या होगा तो एक्चुअली में देखो ये ऐसा हो रहा है जेड माइनस जेड वन का मोड प्लस जेड माइनस जेड टू का मोड का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जेड वन माइनस जेड टू मतलब वही चीज होगी दो साइड्स का ये एक साइड है किसी ट्रेंगल की ये ट्रेंगल की दूसरी साइड है और ये ट्रेंगल की तीसरी साइड है ठीक है तो ट्रेंगल्स की दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से क्या होता है बराबर होता है या उससे बड़ा ही होता है ठीक है बराबर तो ऑब्वियस ऐसी बात है कभी होता नहीं है क्योंकि ट्रेंगल नहीं बन पाएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा बट अपन यहाँ पे ट्रेंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको यूज़ कर रहे स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रेट लाइन में भी तीन पॉइंट लाई कर सकते हैं जेड वन जेड और जेड अभी ये सारी चीज़ें मैं जोमैक्ट्री में भी लूँगा कि तीन पॉइंट स्ट्रेट लाइन में कैसे लाई करेंगे तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ भाई जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू का मिनिमम वैल्यू जो होगा मिनिमम वो एक्चुअली में बराबर होगा जेड वन माइनस जेड टू का मोड जिसमें जेड वन का मतलब हो गया थ्री रूट टू और जेड टू का मतलब हो गया पी रूट टू आयोटा तो मैं अगली लाइन में ऐसे बोल सकता हूँ थ्री रूट टू माइनस पी रूट टू आयोटा विथ मोड और दिस होल थिंग इज इक्वल टू फाइव रूट टू क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है तो थ्री रूट टू माइनस का पी रूट टू आयोटा इस पूरे का जो मोड होगा बेटा किसके बराबर हो जाएगा फाइव रूट टू चलिए तो मोड कैसे निकालते हैं भाई रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू मोड का वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो 18 प्लस का 2p स्क्वायर इक्वल टू फाइव तो 2p पी स्क्वायर इक्वल टू कितना बच जाएगा भाई 18 को सब्टेट करेंगे तो टू तो, थर्टी एट थर्टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 तो p की क्या वैल्यू जा जाएगी p बराबर फोर एंड p बराबर माइनस फोर चेक कर लेंगे कौन सी वैल्यू सही है ठीक है दोनों ही सही है बट एक्चुअली में आंसर में अपन को क्या दे रखा है पी इक्वल टू फोर तो अपन फाइनली p की वैल्यू जो है फोर टिक करेंगे फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस देखो ये बहुत अच्छा सवाल है ये आपको शायद हो सकता है फंक्शन जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पे रेंज बताते हैं तो उस टाइम पे भी बताते हैं कि भाई किसी फंक्शन के अपन रेंज निकालते हैं तो मोड वाले क्वेश्चंस की रेंज निकालने का एक आसान तरीका होता है ये कुछ ऐसा है जेड माइनस वन का स्क्वायर प्लस जेड माइनस टू का स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का स्क्वायर मैं एक काम करता हूँ इसे एक फंक्शन ले, ले लेता हूँ और वो जेड का फंक्शन मान लेता हूँ ये भी पी वाई क्यू का क्वेश्चन है बेटा ठीक है तो अपन एक काम करते हैं भाई ये जो टर्म है इस टर्म की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी सेकेंड जो टर्म है इसकी वैल्यू भी जीरो या जीरो से बड़ी होगी थर्ड जो टर्म है इसकी वैल्यू भी जीरो या जीरो से क्या होगी बड़ी तो मिनिमम कब होगा जब सारे जीरो हो जाए बट सारे जीरो एक साथ होने चाहिए तो मिनिमम के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि, कि किसी एक का जीरो होना ज़रूरी है भाई कोई एक तो कम से कम जीरो हो जाए तो मैंने क्या किया एफ़ ऑफ जेड का वैल्यू वेन जेड इक्वल टू वन निकाल लिया जीरो आ, इसमें वन रखूंगा तो ये देगा वन उसमें वन रखूंगा तो ये कितना देगा टू यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव एफ़ वन जेड इक्वल टू टू निकाल दिया मैंने ये कितना होगा वन प्लस जीरो प्लस वन ये कितना आएगा टू एंड एफ़ वन जेड इक्वल टू कितना हो गया थ्री दैट इज़ फोर प्लस का वन प्लस का जीरो यानी फाइव यानी मैं इसके अंदर जब जेड बराबर देखो मुझे क्या करना है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर तीनों पॉजिटिव हो गए तो यानी सम बढ़ेगा ही ना भाई और तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों के तीनों एक साथ जीरो जाए दो के दो के दो दो एक साथ जीरो जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैक्सिमम जीरोज कब होंगे तो भाई मैक्सिमम जीरो जिन पॉइंट्स पे हो रहे जेड इक्वल टू वन जेड इक्वल टू टू जेड इक्ल टू थ्री तीन ही पॉइंट पे जीरो हो रहे तो मैंने एक बार जेड की जगह वन डाल दिया टू डाल दिया थ्री डाल दिया जिस केस में मिनिमम वैल्यू आ रही है वो ये वाला केस है इस पूरे की फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एक्चुअली में कितनी आ रही है टू और वो कब आएगी जब जेड का वैल्यू में कितना लूंगा टू ठीक है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने फंक्शन में किया होगा रेंज के अंदर उस वाले प्रॉब्लम को भी ऐसे ही करते हैं जैसे मैं एक एग्जाम्पल लू एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का मोड प्लस टू एक्स माइनस थ्री का मोड प्लस मोड एक्स और मैं आपसे पूछूं इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या है तो मिनिमम का मतलब है एक बार एक्स इक्वल टू वन डाल दू एक बार एक्स इक्वल टू जीरो डाल दो और एक बार एक्स इक्वल टू थ्री बाय टू डाल दो इन तीनों को डालने के बाद जिस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है वो ही मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और ये वो नंबर है जिस पे मिनिमम वैल्यू अपन एग्जिस्ट करेगी फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इफ मोर जेड इक्वल टू सिक्स ये वो वाला प्रॉब्लम हो गया भाई कि जिसमें अपन ने बात की थी मॉडुलस वाली में कि मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज होती है ग्रेटेस्ट और लिस्ट वाली ठीक है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जेड प्लस ट्वेंटी फोर प्लस सेवन आयोटा का मोड लेस देन इक्वल कु, कु, टू होगा ये मेरा जेड वन है और ये पूरा मेरा जेड टू है तो मैं इसमें ये कर देता हूँ भाई कि इंडिविजुअल्स के मोड के सम से छोटा होगा और इंडिविजुअल के मोड के डिफ्रेंस से बड़ा होगा ठीक है अब मोड जेड का वैल्यू कितना दे रखा है 6 तो आप एक काम करो दोनों तरफ इसमें मोड जेड की जहां जहां वैल्यू आप डाल सकते हो डाल दो ये हो गया 6, इसका वैल्यू आप निकाल के चेक करना बेटा ट्वेंटी फाइव आता है इधर भी मैंने कर दिया ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स या सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव डजेंट मैटर क्योंकि मोड लगा हुआ है तो जेड प्लस ट्वेंटी फोर प्लस सेवन आयोटा का फाइनली मोड थर्टी वन से छोटा होगा और नाइनटीन से ये लिस्ट हो गया और ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा अपना ठीक है बाकी आपको अगर किसी को दिक्कत है इस चीज में तो मैं आपको साइड में बता देता हूं भाई 24 फोर प्लस सेवन के मोड का वैल्यू का मतलब हो गया रूट ओवर ट्वेंटी का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर इसको आप सोल्व करिएगा ये 625 आएगा जो कि 25 का स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा अगला भी कुछ वैसा ही प्रॉब्लम है कि जेड माइनस फोर बाई जेड के पूरे का मोड का वैल्यू थ्री दे रखा है तो अपन को लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी निकालनी है मोड जेड की ये अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है इसको देखिए ट्राई कैसे करेंगे जेड माइनस का फोर बाई जेड का मोड लेस देन इक्वल टू होगा इंडिविजुअल्स के मोड के सम के एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इंडिविजुअल्स के मोड के डिफरेंस से इसकी पूरे की वैल्यू अपन को पता है थ्री लेस देन इक्वल टू अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट लेने के लिए मैंने क्या किया इस पूरे में मोड ऑफ जेड को ले लिया आर ताकि लिखना मेरे लिए आसान हो जाए तो ये बनेगा आर प्लस फोर बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर माइनस का फोर बाई आर विथ वन मोड ये इधर मोड है उधर मोड नहीं है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे इसको अलग से सोल्व करेंगे इस वाले को अलग से सोल्व करेंगे और जो कॉमन आएगा वो आंसर हो जाएगा इस वाले को उधर ले जा रहा हूँ और इसको अपन इधर ले लेते हैं ठीक है तो भाई अपना पास बन गया थ्री लेस देन इक्वल टू आर प्लस फोर बाई आर आर जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि आर इज बॉट जेड नेगेटिव तो हो नहीं सकता और ऑफकोर्स जीरो भी नहीं होगा तो अपन एक काम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्वाडिटिक बन जाएगा तो थ्री आर आर स्क्वायर प्लस का फोर यानी आर स्क्वायर माइनस का थ्री आर प्लस का फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वो आर पता करना है जो इसको सेटिस्फाई करेगा इस क्वाडिटिक के बारे में बात करूँ तो इसका डी लेस देन जीरो आ रहा है यानी इसको जो आर सेटिस्फाई करेगा वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा कैपिटल आर ऑफ कोर्स आर जो है अपना मॉडुलस है तो बिलोंग्स टू कैपिटल आर अपन ना बोल के अपन एक काम करते हैं ऐसे बोल देते हैं आर जो भी होगा वो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव यानी आर की हर पॉजिटिव वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी ठीक है आर की नेगेटिव वैल्यूज क्यों नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आर जो है वो मोड जेड है नेगेटिव तो हो नहीं सकता और जीरो भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर मोड जेड जीरो तभी हो सकता जब जेड जीरो और जेड जीरो होने का मतलब डिनोमिनेटर आ गया इधर से बात करते हैं भाई फोर आर माइनस का फोर बाई आर का मोड लेस देन थ्री है आर माइनस फोर बाई आर लेस देन इक्वल टू थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री ऐसा कुछ इनक्वलिटी बनता है मोड जेड लेस देन इक्ल टू टू का मतलब होता है या मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्ल टू टू का मतलब होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू लेस देन इक्वल टू टू ठीक है मोड हटाने का तरीका ये आर से मल्टीप्लाई कर दो माइनस का थ्री आर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस का फोर लेस देन इक्वल टू थ्री आर अब फिर से इसके अंदर दो केस बन गए तो आप इस वाले केस को अलग से सोल्व करो और इस वाले केस को अलग से सोल्व करो और जो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है वो ले लो क्योंकि इसको साथ तो इंटरसेक्शन लेने का कोई फासला नहीं है क्योंकि ये तो सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई हो रहा है ठीक है तो अपन एक काम करते हैं भाई अलग से सोल्व कर लेते हैं तो इस वाली इन को मैं देखो इधर सोल्व कर रहा हूँ तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस का थ्री आर माइनस का फोर लेस देन इक्वल टू जीरो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है आर माइनस फोर इंटू आर प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो माइनस वन से फोर प्लस माइनस प्लस नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक में भी बताया था बच्चों आपको याद होना चाहिए ये चीज़ अब तो आर स्क्वायर प्लस का थ्री आर माइनस का फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसका भी नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है आर प्लस वन आर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसको अगर स्प्लिट करूंगा माइनस फोर वन प्लस माइनस प्लस ये वाला और ये वाला मिला के आंसर हो जाएगा इन दोनों आंसर्स का क्या ले लेंगे अपन इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन लेने के बाद जो फाइनल आंसर होगा वो अपन लिख देंगे ठीक है फाइनल आंसर जैसे इसका जो आ रहा है वो आ रहा है वन से लेके फोर कॉमन ठीक है जिसमें जो वन होगा वो लिस्ट वैल्यू जाएगा और जो फोर होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा हाँ भाई ये एक प्रॉब्लम है इसको आप होमवर्क की तरह लिखिए और इसको आप घर पर ट्राई करिएगा ये दो में आया है अगर आप चाहे कि सर आप हमें हिंट दे दीजिए तो मैं हिंट दे, दे देता हूँ बट इसमें एक करेक्शन है बेटा यहाँ पर यहाँ पे इसमें एक टर्म है जो मिसिंग है एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए एक्स टू पावर सेवन माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स की पावर फाइव माइनस का थ्री एक्स क्यूब माइनस का फिफ्टीन एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ एक टर्म है एक्स की पावर फाइव वाली वो मिसिंग है क्यों क्योंकि एक्चुअली में देखो अदरवाइज इसके सोल्व नहीं कर पाओगे आप एक्स कॉमन लोगे तो एक्स की पावर सिक्सटीन प्लस एक्स की पावर फोर माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फिफ्टीन इक्वल टू जीरो अब ये सोल्व हो जाएगा कैसे आप इसमें एक्स की जगह क्या एक्स स्क्वायर की जगह क्या यूज कर लेना टी जैसे आप इसमें एक्स स्क्वायर की जगह टी यूज़ करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा सॉरी क्यूबिक बन जाएगा और क्यूबिक में एक सोल्यूशन आपको हीट एंड ट्रायल से मिल जाएगा एक सोल्यूशन मिल गया तो बाकी के सोल्यूशन मिल जाएंगे तो बेसिकली आपको इस तरीके से छों के छो सॉल्यूशन मिल जाएंगे अब आप छओ में से कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा अल्फ़ा वन है कौन सा अल्फ़ा यहाँ से छः आएंगे और इधर से एक सात हो गए इन सातों में अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा अल्फ़ा वन है कौन सा अल्फ़ा सेवन है आप इससे डिसाइड करोगे कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री के जो मोड की वैल्यूज़ है वो इस तरीके से सेट होनी चाहिए और ये डिसाइड करने के बाद फिर आप उनकी वैल्यू जहाँ रख देना रखने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है भाई ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी इसका मतलब हो गया कि जो addition, जो या इनको कैसे प्लॉट करेंगे ठीक है भाई तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एडिशन की तो एडिशन का मतलब ये हो जाता है कि जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने जेड वन ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने जेड टू तो एक पेलोग्राम बन जाता है उस पेलोग्राम का जो डायगनल होता है ये डायगनल एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है जेड वन प्लस जेड टू को यानी ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो निकलेंगे जेड वन प्लस जेड टू और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओ पॉइंट है ये पी पॉइंट है ये क्यू पॉइंट है ये आर पॉइंट है तो ओ आर जो होगा दैट विल बी माई जेड वन प्लस जेड टू या ओ आर वैक्टर जो होगा वो मैं निकल सकता हूँ वैक्टर के फॉर्म में ओ आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा जेड वन प्लस जेड टू का मैग्नीट्यूड ओपी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया ओपी डिस्टेंस दैट इज जेड वन का मैग्नीट्यूड सेम लॉजिक ओ क्यू का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा जेड टू का मैग्नीट्यूड तो so, आप इस तरीके से एडिशन को कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडिशन का ये मतलब होता है ठीक है भाई सेम आगे बढ़ते हैं अब अपन डिस्कस <coughs> करते हैं सब्ट्रैक्शन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोगों ने वेक्टर में देखा होगा वेक्टर में बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ें चलती है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है मान लेते हैं ये मेरा जेड वन है और ये मेरा जेड टू है तो मैंने क्या किया एक पेलोग्राम कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे जो कि इस तरीके से बन रहा है एक पेलोग्राम इस पेलोग्राम में अगर ये वाली डायगनल देखूँ तो डेफिनेटली ये वाली डायगनल तो जेड वन प्लस जेड टू आएगी मुझे वो डायगनल चाहिए जिसमें जेड वन माइनस जेड टू माइनस जेड टू का मतलब अगर ये जेड टू है तो मैं एक काम करता हूँ ऐसे बना लेता हूँ भाई इसको उल्टा ले लूँ मैं इसको उल्टा लूँगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा यानी जेड वन को मैंने माइनस ले लिया ये वाला यूज कर लेते अपन ये हो गया इस तरफ जेड वन था तो इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का जेड वन ये जेड टू है ये माइनस जेड वन है इससे मैं एक पेलोग्राम बनाना चाह रहा हूं ऐसे इस पेलोग्राम का ये जो डायगोनल होगा ये वाला ये होगा जेड टू माइनस जेड वन कौन सा पेलोग्राम है एक बार मैं देखो पूरा फिर से उसको समझा देता हूं दूसरे मार्कर से ये वाला पेलोग्राम देश एक साइड ये हो गई एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई इस पेलोग्राम में एक साइड जेड वन है एक साइड माइनस जेड टू है ठीक है और एक साइड जो हो जाएगी यानी डायगनल जो हो जाएगी <coughs> वो हो जाएगी जेड वन माइनस जेड टू ठीक है तो जिस तरीके से अपन एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं पेलोग्राम में वैसे ही अपन सब्ट्रेक्शन को भी एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेलोग्राम लो से ठीक है <coughs> अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई ठीक है अब अपनी यहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है ज्योमेट्री का मतलब अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई कि मॉडुलस आर्गुमेंट और बहुत सारी सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला पे स्टेट लाइन आएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल आएगा कोलिनियटी आएगी वो सारी चीज़ों को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो यह है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है सबसे पहले इसमें आता है मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है कई बार अपन यूज किए इस चीज को फिर से अपन लिख सकते हैं कि भाई ये देखो जैसे ये मेरे पास रियल एक्सिस हो गई ये मेरे पास इमेजनरी एक्सिस हो गई और मैंने अपने मर्जी से कोई पॉइंट ले लिया किसी भी क्वाड्रेंट में ऑफ कोर्स वो जो पॉइंट है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आटा वाई ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस कहलाएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का वैल्यू तो मॉडुलस का मतलब होता है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है उस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद जो डिस्टेंस आएगा दैट डिस्टेंस इज द मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर बात करते आर्ग्यूमेंट की ठीक है जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट के लिए लिखा भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जेड इक्वल टू एक्स प्लस आया तो मैंने इसका आर्ग्यूमेंट निकाला थीटा ऑफ ऑफ ठीक है तो मान लेता हूं, जैसे वो कॉम्प्लेक्स नंबर था तो मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद ये जो एंगल आया उसका क्या कहलाएगा आर्ग्यूमेंट का वैल्यू कहलाएगा अब अगर मान लो पॉइंट यहां ना हो के यहां पे भी तो हो सकता था तब भी आर्ग्यूमेंट सेम ही होगा ना यानी इस लाइन पे इधर जाती भी भी लाइन पे। वो पे वो पॉइंट कहीं हो सकता है, तब भी उसका का वैल्यू क्या रहेगा? रहेगा। सेम ही रहे मतलब कॉम्प्लेक्स से नंबर्स बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू कितना आना चाहिए पाई बाई सिक्स ऑफकोर्स आप इसको मैथमेटिक्स से भी शिफ्ट कर सकते एक

बट इस लाइन पे सारे नहीं लाई करेंगे क्योंकि यहाँ से क्या आपको सारा मिलेगा आपको बस वो थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा क्योंकि प्लस का वैल्यू दिया है प्लस का पाई बाई सिक्स मैं क्या करता हूँ इसको नॉर्मल तरीके से प्लॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ तो मैंने क्या किया भाई पाई बाई सिक्स का मतलब ओरिजन से मैं एक पॉइंट की तरफ जाऊँगा और वो पॉइंट इस तरीके से देखूंगा कि उसका जो एंगल है वो पाई बाई सिक्स आना चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है इधर ही कोई पॉइंट होगा तो यानी ये एंगल अगर मैंने पाई बाई सिक्स लिया है तो यानी इस येल्लो वाली लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स का आर्ग्यूमेंट ऑफकोर्स उनका मैग्नीट्यूड बदलेगा क्योंकि पास में आएंगे तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा दूर जाएंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा बट इन सभी पॉइंट्स का जो आर्ग्यूमेंट होगा दैट विल बी पाई बाई सिक्स यानी ये जो लाइन है ये लाइन होगी मेरी y बराबर वन बाई रूट थ्री एक्स जो कि वहाँ से भी आई थी बस वहाँ से और यहाँ से जो लाइन आई है उसमें फर्क ये कि वहाँ पूरी लाइन आ रही है यहाँ इधर वाला जो पार्ट है थर्ड क्वाड्रेंट वाला पार्ट नहीं आएगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट ही अपन को काउंट करना है ये ध्यान रखिएगा कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते भाई इसके अंदर जैसे मैंने एक दो और एग्जाम्पल लिए जैसे मैंने लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस का पाई बाई थ्री तो इसका मतलब भाई ओरिजिन से ये एक्सेस है ये वाई एक्सिस है ऑरिजन से मुझे उस पॉइंट की तरफ जाना है जिसका एंगल मेरे लिए माइनस का पाई बाई थ्री बन जाए तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो एंगल बनेगा वो इस तरफ जाते हुए बनेगा ये एंगल एक्चुअली में आपका कितना होगा ये एंगल जो होगा आपका ये एंगल कितना होगा माइनस का पाई बाई थ्री यानी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका मैग्नीट्यूड बदलेगा लेकिन उन सबका आर्ग्यूमेंट जो होगा वो माइनस का पाई बाई थ्री रहेगा ठीक है हाँ भाई आगे चलते हैं अब कुछ और इंटरप्रिटेशन आती है जेड प्लस जेड वन का मोड जो होता है अगर मोड जेड वन प्लस मोड जेड के बराबर हो जाए तो जेड जो होगा वो कैसा लाई करेगा तो मैं देखो तो इन का फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों के प्रूफ के लिए मैं आपको एक चीज़ लिखवा देता हूँ उसको अगर आप समझ जाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा जैसे अपन ने एक चीज लिखी थी भाई पहले भी जेड प्लस जेड वन के मोड का स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है इंडिविजुअल्स के मोड के स्क्वायर के प्लस टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड इंटू जेड वन बार याद करो मैंने इस मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में ये वाली प्रॉपर्टी लिखवाई थी इसी प्रॉपर्टी को मैं दोबारा लिख रहा हूं बट दूसरे तरीके से लिख रहा हूं z का स्क्वायर जेड वन का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड मोड ऑफ जेड वन कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देन एक का एंगल थीटा ले लेता हूँ एक का एंगल थीटा वन ले लेता हूँ अगर ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई है दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स इंडिविजुअल्स का मोड कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा वन जेड का मैंने आर्ग्यूमेंट थीटा ले लिया और जेड वन का आर्ग्यूमेंट मैंने थीटा वन ले लिया इन दोनों प्रॉपर्टीज से मैं ये वाला ये वाला और ये वाला तीनों प्रॉब्लम ईजिली सिम्पलीफाई करके समझ सकता हूँ जैसे देखो ये कैसे हो रहा है ये तब हो रहा है जब आप इस पहली वाली प्रॉपर्टी में मैं यहाँ लिख रहा हूँ ठीक है इसको नंबर वन दे रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर और इसको प्रॉपर्टी नंबर टू दे रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर वन अगर आप कॉस्ट थीटा माइनस थीटा वन की जगह वन डाल दो थीटा की जगह वन डाल दो तो आप राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रही है और ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर आप एक दूसरे से कैंसिल आउट करोगे जैसे एक तरफ तो ये बन रहा है और एक तरफ बन रहा है ए एक का मतलब दिस प्लस बी बी का मतलब दिस और इसका स्क्वायर आप देखो स्क्वायर काट दो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया यानी इसको सेटिस्फाई जेड वन क्या है एक फिक्स पॉइंट अपना कहीं पे होगा वो अब उस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करनी है कि उस फिक्स्ड पॉइंट का जो आर्ग्यूमेंट होगा और जो तो जेड जो है वेरिएबल पॉइंट उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स का अगर मैं डिफरेंस करके कॉस्ट लगा दू तो वैल्यू जीरो आनी चाहिए ऑफकोर्स इसको मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ कि थीटा बराबर क्या हो जाए थीटा वन दोनों का एंगल क्या होना चाहिए भाई बराबर ठीक है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन क्या हो जाए सेम तो इसका मतलब जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसको क्या कर जाएंगे सेटिस्फाई तो एक काम करते हैं अपन इसको जो प्लॉट कर लेते हैं ये एकस एकस है। ये एक्सिस एक्सिस है है मान लेता हूं जेड यहां पर ठीक है मान लेते हैं कि ये ही जेड है जैसे यहां मैंने ले लिया जेड वन तो मेरा जो जेड होगा वो इसी लाइन पे इस तरफ कहीं होगा यहाँ हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो सकता है ये सारे जेड का काम कर जाएंगे ताकि जेड का जेड वन के साथ जो आर्ग्यूमेंट होगा वो एक्चुअली में क्या होगा सेम दोनों जेड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड वन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन फिक्स है जेड वेरिएबल है तो जेड और जेड वन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट का वैल्यू सेम होना चाहिए तब ये जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है वन और कॉस जीरो का वैल्यू वन डाल दोगे वहाँ पे तो एक्चुअली में ये इनिक्वलिटी सोल्व करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड में बन जाएगा जो कि एक्चुअली में अपन को जो इक्वेशन बोली है उस वाली इक्वेशन के बराबर दे देगा सेम लॉजिक आपको लग रहा है यहाँ पे आप एक्चुअली में यहाँ पे भी क्या करो कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा वन इक्वल टू क्या डाल दो वन ठीक है जैसे आप कॉस ऑफ या फिर एक काम करते हैं ये एक्चुअली में फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से ही दी है इसमें भी इक्वेशन नंबर वन में आप कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा वन की जगह डाल दो माइनस वन ठीक है जैसे आप थीटा माइनस थीटा वन की जगह माइनस वन डालोगे इक्वेशन नंबर टू में तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी जेड माइनस जेड वन के मोड का स्क्वायर और राइट हैंड साइड क्या बनेगी ए प्लस बी का स्क्वायर इस वाली प्रॉपर्टी की बात करूँ मैं इसमें वहाँ पे माइनस वन डालोगे तो प्लस वन हो जाएगा ना प्लस वन का मतलब ए प्लस बी का ओली स्क्वायर आप दोनों तरफ काट दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी और ये कब होता है जब एंगल क्या हो बीच में पाई यानी थीटा माइनस थीटा वन के बीच का जो तो गैप आना चाहिए वो कितना आना चाहिए पाई ऐसा तो तभी हो सकता है अगर जेड वन जो है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो जेड जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में पाई का गैप तभी आता है ना जैसे कोई पॉइंट अगर यहाँ है पाई का गैप कब आएगा जब इसके अपोजिट इस तरफ कोई पॉइंट लोगे इन दोनों में पाई का गैप आ जाएगा इसके आर्ग्यूमेंट में और इसके आर्ग्यूमेंट में पाई का डिफरेंस आ जाएगा ठीक है तो यहां पर अगर मैं प्लॉटिंग करूं इसकी तो प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से होगी भाई कि अपन एक काम करते हैं ऐसे प्लॉट कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है इस तरफ अपना जेड है या इस तरफ अपना जेड वन है तो अपना जो जेड होगा वो एक्चुअली में अपना इस साइड होगा कहीं पे भी जेड हो सकता है

इस वाली टंग को कैसे करोगे आप थीटा थीटा वन का वैल्यू एक काम कर तो जीरो डाल दो और थीटा थीटा वन का जीरो प्रॉपर्टी तो थीटा थीटा का, तो 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 का एक्चुअल में जो ग्राफ बनेगा वो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा कि मान लेता हूं यहाँ पे इस लाइन पे कहीं पे मेरा जेड वन है ये एक्स एक्सिस है तो मेरी जो जेड वाली लाइन होगी वो लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या होनी चाहिए परपेंडिकुलर या तो मेरा जेड इधर होगा या मेरा जेड इधर होगा जेड और जेड वन के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल बनना चाहिए भाई डिग्री तो अपन को जेड वाली लाइन पता चल जाएगी यहां से ठीक है इसके लिए मैं एक काम करता हूं भाई अलग से पहले एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपना पास दिया हुआ है जेड माइनस जेड वन का मोड इक्वल टू जेड माइनस जेड टू का मोड ये ले लिया मैंने एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे मैंने ले लिया जेड वन यहाँ मैंने ले लिया जेड टू अब ये बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसका जेड वन और जेड टू दोनों से डिस्टेंस क्या आ रहा है सेम तो इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाई देखो ये ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आ रहा है वैसे आपको पता होगा मैंने एक चीज़ शायद आपकी उसका यूज़ आ रहा है कि भाई अगर ये जेड वन है ये जेड टू है और ये जेड थ्री है तो ये जो होगा इसको मैं जेड वन माइनस जेड टू का मोड बोल सकता हूँ या फिर मैं इसे जेड टू माइनस जेड वन का मोड बोल सकता हूँ तो एक्चुअली में जेड वन माइनस जेड टू के मोड का मतलब क्या जेड वन और जेड टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ठीक है तो एक्चुअली में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ठीक है तो ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है जेड वन से उस पॉइंट का डिस्टेंस और जेड टू से भी उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या आ रहा है बराबर तो यानी वो जो पॉइंट होगा जो मूविंग पॉइंट है उस मूविंग पॉइंट का इस पॉइंट और इस पॉइंट से डिस्टेंस बराबर आना चाहिए एक ही केस में पॉसिबल है परपेंडिकुलर बाइस सेक्टर परपेंडिकुलर बाइस सेक्टर का मतलब बीच का पॉइंट ये वाली लाइन और इस लाइन के इक्वेशन अपन इजीली निकाल सकते हैं देखो यहाँ पे पूछा जाता है एक्चुअली में आपसे आप एक तो तरीका है भाई ये एक काम करो आप इसमें जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई टवाई रख दो और सोल्व कर लो एक तरीका है कि आप ये भी तो बोल सकते हो सर जेड वन और जेड टू जो भी दो पॉइंट्स होंगे उनका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर निकाल लेते हैं जो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होगा वही अपना क्या होगा जेड होगा आगे की प्रॉपर्टी अब ये वाली प्रॉपर्टी है कि जेड का जेड वन से डिस्टेंस एंड जेड का जेड टू से डिस्टेंस जो आ रहा है बराबर आ रहा है जेड और जेड के बीच के डिस्टेंस मतलब ये चीज़ जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया जेड वन और यहाँ ले लिया मैंने जेड टू और बीच में कहीं ले लिया जेड तो जेड का जेड वन से डिस्टेंस का मतलब हो गया ये डिस्टेंस और जेड का जेड टू से डिस्टेंस का मतलब हो गया ये वाला मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ ये है जेड माइनस जेड वन का मोड और ये जो लिखा हुआ ये है जेड माइनस जेड का मोड और ये जो पूरा होगा ये पूरा है एक्चुअली में जेड वन माइनस जेड टू का मोड तो आप देख सकते हो इन दोनों डिस्टेंस का जो तो सम होगा वो एक्चुअली में इसके बराबर होगा तो इसको सेटिस्फाई करने वाला जो जेड होता है उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जेड वन एक पॉइंट है जेड टू एक पॉइंट है इन लाइन सेगमेंट ही एक बन जाएगी इस लाइन सेगमेंट के बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे तो जेड का मतलब इसके बीच वाले जो भी पॉइंट्स है ये वाले सारे पॉइंट्स एक्चुअली में अपने जेड का काम करेंगे जेड वन एंड जेड टू के इन बिटवीन जितने भी पॉइंट है उनकी बात चल रही है अब जैसे इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है वो यहाँ लिखी हुई नहीं है बट मैं आपके साथ फिर भी डिस्कस कर लेता हूं आठ नंबर लिख लेते हैं उसको एक तरीके से तो जेड का जेड वन से डिस्टेंस माइनस जेड का जेड टू से डिस्टेंस होता है बराबर होगा जेड वन माइनस जेड टू मतलब उसमें बीच में एडिशन है और इस वाले में बीच में क्या है सब है जेड का जेड वन से डिस्टेंस निकाला और जेड ई का जेड टू से डिस्टेंस निकाला और दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस कर दिया तो एक काम करते भाई पहले प्लॉट कर लेते हैं एक तरफ जेड वन और एक तरफ जेड टू अब इस तरीके से देखो कि ये डिस्टेंस तो फिक्स है ये है जेड वन माइनस जेड टू पूरे का क्या है मोड ठीक है अब मेरे को एक जेड ऐसा पॉइंट लेना है कि यहां से डिस्टेंस निकालू और फिर यहां से निकालू और दोनों को सब्ट्रेक्ट कर दूँ तो ऑब्वियस सी बात है साफ साफ दिख रहे हैं कि सर जो तो जेड होना चाहिए वो इधर कहीं ले लो ये जो हो जाएगा पूरा ये हो जाएगा जेड माइनस जेड वन का मोड बड़ा और ये जो हो जाएगा इतने वाला ये हो जाएगा जेड माइनस जेड टू का मोड उस बड़े वाले येलो में से छोटे वाले येलो को अगर सब्टेक्ट करूंगा तो मेरे को एक्चुअली में व्हाइट वाला मिल जाएगा तो इसका मतलब होता है अगेन लाइन सेगमेंट ठीक है इसका मतलब हो गया लाइन सेगमेंट को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट बट एक्चुअली में देखो दोनों में अलग अलग आ रहा है एक में ऐसा आ रहा है कि अगर मैं लाइन सेगमेंट लू कि जेड वन यहां जेड टू यहाँ तो एक का जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है कि भाई पॉइंट जो होंगे वो बीच के होंगे एक का आंसर ये वाला आ रहा है और एक का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि भाई जो पॉइंट्स होंगे जेड के वो कहाँ होंगे आउटसाइड होंगे बाहर की तरफ होंगे इधर होंगे या उधर होंगे दोनों में से कहीं या तो इधर हो जाएंगे या फिर इस तरफ हो जाएंगे दोनों में से कहीं होंगे तो एडिशन वाले में बीच में आता है सब्ट्रैक्शन वाले में बाहर जाता है ठीक है देख लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते रोटेशन थ्योरम एरिया ऑफ ट्रेंगल देखते अब अपन देखते हैं इसमें रोटेशन थ्योरम एंड एरिया ऑफ ट्रेंगल ठीक है तो मैं इनके लिए क्या करता हूँ स्लाइड साइड कर लेता हूँ भाई सबसे पहले बात करते हैं अपन रोटेशन थ्योरम अभी मैं आपको पूरी ज्योमेट्री एक साथ पढ़ा रहा हूँ बेटा थोड़ा सा वैसा पोर्शन है ये थोड़ा सा लेंदी पोर्शन होता है ज्योमेट्री वाला लेकिन पूरी ज्योमेट्री एक साथ पढ़ा रहा हूँ फिर पूरी ज्योमेट्री एक साथ पढ़ाने के बाद फिर ज्योमेट्री के सवाल लेंगे और इस चैप्टर को लास्ट में खत्म करेंगे क्यूब रूट एंड एने रूट ऑफ यूनिटी के साथ ठीक है तो रोटेशन थ्योरम का मतलब होता है कि भाई इनिशियली कोई पोजीशन होगी फाइनल कोई पोजीशन होगी इनिशियल पोजीशन को आप फाइनल पोजीशन पे रोटेट कर दोगे वो लग जाएगी रोटेशन थ्योरम तो ये मैंने ले लिया जेड वन ये मैंने ले लिया जेड टू ये मेरा एंगल है थीटा वन ये मेरा एंगल हो गया थीटा टू और ये है ओरिजन तो मैंने ऐसा बोला जेड टू डिवाइडेड बाई जेड वन इज मॉड जेड टू एक की पावर आयोटा थीटा टू डिवाइडेड बाई मॉड जेड वन एक की पावर आयोटा थीटा वन कैन आई राइट जेड टू बाई जेड वन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड टू डिड बाई मोड ऑफ जेड वन इन टू की पावर आयाटा थीटा टू माइनसन थियोरम जिसमें ये जो है ये इनिशियल है और इसको मैं रोटेट करके कहा ले गया फाइनल के बीच में और ये जो एंगल है इनिशियल से फाइनल जाते टाइम ये एंगल आपका कहलाएगा थीटा टू माइनस थीटा वन जिसको अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लगाना है अपन को यानी इनिशियली कुछ होगा आप उसे रोटेट करके कहाँ ले जाएंगे फाइनल पे तो इनिशियल से फाइनल जाते टाइम आपको यह ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉक रोटेशन लेना है अगर आप एंटी क्लॉक रोटेशन लेते हो तो थीटा टू माइनस थीटा वन आपका कैसा होगा पॉजिटिव अगर आप एंटी क्लॉक रोटेशन नहीं लेते हो तो ये वैल्यू कैसी होगी ये एंटी क्लॉक रोटेशन है और ये क्लॉक रोटेशन है एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है आपको प्लस वाली लेनी है और देखो रोटेशन लगता कैसे वो भी देख लो एक बार और ये जो नंबर है ये है इनिशियल और ये नंबर है फाइनल तो इनिशियल नीचे आता है फाइनल ऊपर जाता है इनिशियल से फाइनल पे अपन सीधा सीधा रोटेट कर देते रोटेशन के लिए अपन को क्या चाहिए इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड ई e की पावर आयटा इनिशियल से फाइनल जाते टाइम उन दोनों के बीच का जो एंगल आया एंटी एंटीक्लोकवाइज वाला वो एंटी एंटीक्लोकवाइज वाला एंगल अपन को यहाँ डालना है जैसे अगर मैं एक रैंडम लू मैंने यहाँ ले लिया जेड वन यहाँ दे दिया जेड टू और यहाँ दे दिया मैंने जेड थ्री और ये एंटी क्लोकवाइज रोटेशन में ये एंगल दे दिया थीटा इसमें रोटेशन कैसे होगा जेड थ्री माइनस जेड वन ये फाइनल है देट विल बी न्यूमरेटर जेड टू माइनस जेड वन किसी एक पॉइंट के किसके अबाउट में रोटेशन कर रहा हूँ जेड वन के अबाउट रोटेशन कर रहा हूँ देट विल भी इक्वल टू जेड थ्री माइनस जेड वन का मोड जेड टू माइनस जेड वन का मोड इन टू की पावर ऑफ़ आटा ये लगता है रोटेशन थ्योरम और रोटेशन थ्योरम एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है मैं एरिया ऑफ ट्रैगल के अलावा कुछ कुछ और भी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा कॉलिनियटी प्लस कुछ और पॉइंट्स भी मैंने लिखे हैं कि दो तीन पॉइंट्स अगर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं या दो दो पॉइंट्स हैं और दो पॉइंट्स हैं दो है वो दोनों ऑर्थोगोनल थोगोनल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी वहाँ पर मैं जो प्रूफ दूंगा उनके मैं उसमें रोटेशन थ्योरम यूज़ करूँगा बच्चा रोटेशन के पहले का और रोटेशन के बाद का पोर्शन में बराबर करके कुछ सिम्प्लीफाई वगैरह करके वो सारे रिजल्ट्स अपन प्रूव करेंगे ठीक है अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल में अगला जो टॉपिक आता वो आता अपना एरिया ऑफ ट्रेंगल तीन पॉइंट्स अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में है जेड वन जेड टू जेड थ्री ये है जेड वन ये है जेड टू ये है जेड थ्री तो आप एरिया ऑफ ट्रेंगल को जेड वन जेड टू जेड थ्री के टर्म्स में कैसे लिखोगे देखो वैसे तो बहुत आसान है जेड वन का मतलब एक्स वन कोमा वाई वन जैसे अगर मैं जेड वन को ले लूँ एक्स वन कोमा वाई वन जेड थ्री को ले लिया भाई मैंने एक्स थ्री कोमा वाई थ्री और Z2 को लिख दिया भाई आपके लिए मैंने X2 टू कोमा वाई तो एरिया जो आता है वो आप सभी को पता है हाफ आप बोलोगे सर X1 Y1 वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन ऑफकोर्स आसान ही बट अगर इस एरिया को मुझे Z1 Z2 Z3 के टर्म्स में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा देखो तो मैं आपको एक और बहुत ही ईजी चीज़ दिखा रहा हूँ वो भी आप समझिएगा बहुत आसान चीज़ है ये कभी भी आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी है और उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से आपको कार्टिशियन वाली में जाना है जैसे कार्टिशन वाली इक्वेशन है तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी है उससे में जाना है तो आप जेड बराबर X प्लस y रख देना, और रख कर आप एक्चुअली में कहा पहुंच जाओगे कार्टिशन में पहुंच जाओगे कॉम्प्लेक्स से उल्टा कभी अगर आपको कोई कार्टिशियन इक्वेशन दे रखी है कार्टिशन का है एक्स वाई वाली इक्वेशन दे रखी है और आपको किस में जाना है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में जाना है जैसे सर्कल में कॉम्प्लेक्स की इक्वेशन होती है लाइन में भी अगर बात करूँ तो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है लाइन की वैसे इक्वेशन अपन को पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस से इक्वल टू जीरो होती है बट ये कार्टेशियन वाली ऐसे अगर मैं लाइन में कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की बात करूँ तो वो कैसे निकालेंगे उसका मैं तरीका आपको एक आसान यहाँ पर भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसका प्रूफ यहाँ यूज करूँगा बेटा इसलिए कार्टेशियन से अगर आप कॉम्प्लेक्स में जाते हो तो अपन को पता है देखो जेड इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस आई एटा वाई एंड जेड बार इक्वल टू क्या होगा एक्स माइनस आई एटा वाई क्या एक्स इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे जेड प्लस जेड बार बाई टू एंड वाई इक्वल टू यहाँ पे लिख सकता हूँ जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई टू आयोटा आप ये दोनों वैल्यूज कार्टेशियन में है इसका मतलब एक्स और वाई में है उस कार्टेशियन वाली इक्वेशन में आप एक्स की जगह ये डाल देना और वाई की जगह ये डाल देना ये दोनों डालने के बाद जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में चली जाएगी क्योंकि आपने जेड में लेगी आई ऑटा में लेगी आप उस इक्वेशन को जैसे इस वाले प्रॉब्लम का जो आंसर है उसका प्रूफ बिल्कुल मैं इसी तरीके से करूंगा कि इसमें एक्स वन की जगह डाल दूंगा जेड वन प्लस जेड वन बार बाई टू वाई वन की जगह डाल दूंगा जेड वन माइनस जेड वन बार डिवाइडेड बाई टू आयोटा सेम लॉजिक से एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री को रिप्लेस कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ जेड टू एंड जेड थ्री ठीक है एंड उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे उससे आंसर आ जाएगा चलिए ट्राई करते हैं इसको अब आगे एरिया इक्वल टू वन बाई टू एक्स वन की जगह अपन सब्टिट्यूट कर देंगे जेड वन प्लस जेड वन का बार डिवाइडेड बाई टू जेड वन माइनस जेड वन का बार डिवाइडेड बाई टू आयोटा वन यहाँ बनेगा जेड टू प्लस जेड टू का बार डिवाइडेड बाई टू जेड टू माइनस जेड टू का बार डिवाइडेड बाई टू आयोटा वन जेड थ्री प्लस जेड थ्री का बार डिवाइडेड बाई टू जेड थ्री माइनस जेड थ्री का बार डिवाइडेड बाई टू आयोटा वन कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई चीज़ कॉमन आ सकती है तो आप उसे कॉमन ले लो इसमें से वन बाई टू को मना जाएगा इसमें से वन बाई टू आईटा को मना गया तो एरिया विल बी बाहर आके वन बाई एट आयोटा यहाँ क्या बच जाएगा जेड वन प्लस जेड वन बार जेड वन माइनस सॉरी जेड वन माइनस जेड वन बार और यहाँ हो गया वन यहाँ हो गया जेड टू प्लस जेड टू बार जेड टू माइनस जेड टू बार वन जेड थ्री प्लस जेड थ्री बार जेड थ्री माइनस जेड थ्री बार वन अब एक काम करते और ऑपरेशन लगाते कॉलम वन को चेंज कर देते कॉलम वन प्लस कॉलम टू ताकि ये कट जाएगा तो एरिया और छोटा हो जाएगा दैट इज़ वन बाई फोर आई ओटा यहाँ बन जाएगा जेड वन जेड टू जेड थ्री यहाँ बन जाएगा मेरा माइनस सॉरी जेड वन माइनस जेड वन बार जेड टू माइनस जेड टू का बार जेड थ्री माइनस जेड थ्री का बार एंड वन 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 फिर से मैं क्या करूँगा इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दूंगा कि इसको इसमें से सप्टेट कर दूंगा तो फाइनली जो आंसर आएगा एरिया विल बी माइनस वन बाई फोर आईटा अच्छा आपको ये समझ आया ना ये वन बाई एट आईटा से वन बाई फोर आईटा कैसे हो गया मैंने डायरेक्ट कर दिया जब आप इसमें ये करोगे ना तो यहाँ टू टाइम्स हो जाएगा टू जेड वन टू जेड टू टू जेड थ्री टू कॉमन ले लिया सिम्प्लीफाई कर लिया वो फाइनली जो आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा जेड वन जेड वन बार वन जेड टू जेड टू का बार वन जेड थ्री जेड थ्री का बार वन ये जो आया है ये एरिया को लिखने का तरीका हो गया इन कॉम्प्लेक्स एरिया ऐसे भी लिखा जा सकता है बाकी नॉर्मल जो अपना एरिया को लिखने का तरीका था एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू वो ये वाला था एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री में अपन ऐसे लिख सकते हैं जेड वन जेड टू जेड थ्री कॉम्प्लेक्स में ऐसे लिख सकते हैं वो जो चीज़ लिखी है वो और ये जो चीज़ लिखी है ये एक्चुअली में दोनों सेम है आप चेक कर लो मैंने वहीं से ये कन्वर्ट किया है। ये रिजल्ट जो है मैंने यहाँ जो आपको समझाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो एग्ज़ाम में आपको कोई अगर चीज़ फार्मूला नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनसेफ़ है कि आप जस्ट एक फार्मूले की वजह से प्रॉब्लम खाली छोड़ के आ गए आप क्या कर सकते हो भाई फार्मूले डिराइव कर सकते हो अगर आपको तरीके पता हो तो बेसिक तरीका ये ये सब जगह लगेगा नॉर्मल कॉम्प्लेक्स प्लेन से कार्टेशियन में जाना है तो आप जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई डाल दो बस आप तो सिम्पलीफाई कर लो कार्टेशियन प्लेन से मुझे कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाना है तो आप एक काम करो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई होता है

ओनली इफ जेड थ्री माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड वन बिलोंग्स टू कैपिटल आर तीन पॉइंट्स कॉलिनियर तभी होंगे जब ये इक्वेशन या ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो किस में होना चाहिए आर में होना चाहिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक काम करते भाई अपन तीन पॉइंट्स ले लेते हैं जेड वन एक जेड टू ले लिया और एक जेड थ्री ले लिया रोटेशन लगा देते हैं कैसे जेड टू माइनस जेड वन ठीक है और न्यूमरेटर में ले, ले लेता हूँ जेड थ्री माइनस जेड वन तो Z2 टू माइनस जेड का मतलब हो गया ये वाला आप रोटेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा ये, ये पहला था और ये बाद का था रोटेशन लगाया तो रोटेशन में अब भी सी बात वो सेम ही जगह पे है तो एंगल कितना हो जाएगा वहाँ पे जीरो डिग्री आ जाएगा ठीक है तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा भाई Z2 टू माइनस जेड सॉरी न्यूमरेटर पर आएगा जेड थ्री माइनस वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा आप न्यूमरेटर पर क्या ले रहे हो जेड थ्री का मोड जेड टू माइनस जेड वन का मोड इंटू ई की पावर आयोटा जीरो ई e की पावर आयोटा जीरो का मतलब हो गया कोस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो और इसका फाइनली जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज़ वन इसकी वैल्यू को वन करने के बाद मेरे को मिल गया जेड थ्री माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू मोड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड वन अब आप वैसे कंपेयर कर रहे कि LHS हो कि एल जैसी होगी वैसी आर एच होनी चाहिए आर जैसी वैसी एल एच होनी चाहिए इसका जो आर हो प्योरली रियल प्योरली रियल या रियल बोल सकते हो तो डेफिनेटली इसका जो एल होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए रियल तो एल रियल का मतलब हो गया कि जेड थ्री माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड वन का वैल्यू क्या होना चाहिए बिलोंग्स टू कैपिटल आर तो तीन पॉइंट्स कॉलिनियर है तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई कि जेड थ्री माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड अब आप देखो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हो सकता है आप ये रिजल्ट भूल जाओ बट आप इस तरीके से कर सकते हो कि तीन पॉइंट्स को ले नहीं तो एक काम करते कहीं कही ना कहीं रोटेशन लगाते हैं रोटेशन में एक इनिशियल होता है एक फाइनल होता है और उनके बीच का एंगल होता है ठीक है जैसे अगले में भी देखो मैं रोटेशन से प्रूव करूंगा ये है ये है आर ऑर्थोगोनल इफ़ एंड ओनली इफ दिस होल एक्सप्रेशन इज़ प्योरली इमेजनरी तो ऐसा कुछ है कि दो पॉइंट्स मैंने यहाँ ले लिए जेड थ्री जेड फोर और दो पॉइंट्स मैंने ऐसे वर्टिकल पे ले लिए जेड टू और यहाँ ले लिया जेड वन ये एक वेक्टर हो गया ऐसा समझो आप और ये दूसरा वेक्टर हो गया ठीक है इसको रोटेट करके मैं उसके ऊपर ले जाऊँगा ठीक है रोटेशन लगानी है मुझे तो इनिशियल क्या होगा जेड थ्री या जेड फोर माइनस जेड थ्री कर दो या जेड थ्री माइनस जेड फोर कर दो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है उससे ठीक है जेड थ्री माइनस जेड फोर ये इनिशियल हो गया और फाइनल क्या हो जाएगा भाई जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू दोनों के इंडिविजुअल्स का मोड जेड वन माइनस जेड टू का मोड डिवाइडेड बाई जेड थ्री माइनस जेड फोर का मोड इंटू ए e की पावर आयोटा एंगल बिटवीन देम ठीक है तो ऑब्बियस ही बात है इसको रोटेट करूंगा ऐसे ही ऐसे था एंटी क्लोक वाइज में रोटेट करूंगा तो ये वाला एंगल आएगा ना भाई और ये वाला एंगल अपन को साफ साफ पता है थीटा इक्वल टू कितना दिया है उसने नाइन्टी डिग्री तो यहाँ पे थीटा की जगह मैं क्या यूज कर लूँ नाइन्टी डिग्री दैट इज पाई बाई टू एंड अपन को पता है ई e की पावर आयोटा पाई बाई टू का वैल्यू जो होता है वो होता है आयोटा कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू जिसमें कॉस पाई बाई टू का वैल्यू जीरो हो जाएगा और आयोटा साइन पाई बाई टू का वैल्यू आयोटा हो जाएगा तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ जेड वन माइनस जेड टू डिवाइडेड बाई जेड थ्री माइनस जेड फोर इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू का मोड जेड थ्री माइनस जेड फोर का मोड इन टू साइड में आयोटा अब फिर से वही कि भाई एक इक्वेशन है उसका जैसा आर होगा वैसा ही एल होना चाहिए इसका जो आर है वो प्योरली इमेजनरी है क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो एल है वो भी क्या होना चाहिए भाई प्योरली इमेजनरी तो अगर कोई तीन पॉइंट या चार पॉइंट जो है जिनमें दो पहले ऐसे दे रखे थे और दो दूसरे जगह दे रखे और वो दोनों दोनों दो पॉइंट्स मिला के एक लाइन बनते ही ना तो दो पॉइंट्स मिलके एक लाइन बन गई और दूसरे दो पॉइंट्स मिलके एक लाइन बन गई वो जो लाइन्स है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उन चारों पॉइंट्स में रिलेशन है क्या कि भाई ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए अपना प्योरली इमेजनरी होना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन अब अपना देखो बहुत ही छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन बचा अपना सर्कल बचा है एलिप्स बचा है हाइपरबोला बचा है ये चार पोर्शन बचे हैं एंड इन चार पोर्शन के बाद अपन इन चार पोर्शन पे कुछ सवाल देखेंगे एंड उसके बाद फिर अपना जो फाइनल पोर्शन बचा है दैट इज़ क्यूब रूट ऑफ़ यूनिटी एंड एन एथ रूट ऑफ़ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ़ यूनिटी मैंने आपको थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया था शायद आपको याद होगा उस चीज़ का तो चलिए भाई स्ट्रेट लाइन करते हैं अपन डिस्कस स्ट्रेट लाइन के मतलब क्या हो गया कि मान लेता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट हो गया जेड और यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने जेड वन ठीक है ये दोनों पॉइंट्स मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो पता करना है भाई मुझे ठीक है तो आप इसको उससे भी कर सकते हो कॉलिनीटर से भी ठीक है कि कॉलिनीटी से कैसे कि एरिया ऑफ तीन पॉइंट्स कॉलिनियर है तो इसका मतलब में जैसे ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट था आ, ये वाला जेड वन जेड टू जेड थ्री आर कॉलिनियर तो इसमें मैं वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकता था एरिया ऑफ ट्रेंगल वाला एरिया ऑफ ट्रेंगल का मतलब वन बाई फोर आयोटा विथ नेगेटिव साइन जेड वन जेड वन बार वन जेड टू जेड टू बार वन जेड थ्री जेड थ्री का बार वन और ये पूरे के पूरे का वैल्यू जो है इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो आप इसको सोल्व करिए आप सोल्व करेंगे फाइनली आप ऐसी इक्वेशन पे आ जाएंगे ठीक है वहाँ से आपको यही पता चल जाएगा कि भाई जेड वन माइनस जेड टू जेड थ्री माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड वन का जो रेशियो आएगा वो रेशियो एक्चुअली में प्योरली क्या होना चाहिए रियल होना चाहिए ठीक है आप चाहे तो मैं सोल्व कर सकता हूँ बट आप बहुत बेसिक है आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं आप खुद से ट्राई करिएगा ठीक है तो मैंने यहाँ ले लिया जेड टू इसमें भी मैं देखो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया भाई कि मैं एक काम करता हूँ इसमें जेड माइनस जेड टू डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड वन इस पूरे का जो आर्ग्यूमेंट होगा एक ही लाइन पे या तो वो जीरो होगा या फिर वो क्या होगा पाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो या पाई तभी होता है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है रियल यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल होगा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये क्या होगा प्योरली रियल एक तरीके बहुत सारे मल्टीपल वेज है जिसमें सारे वेज बता रहा एक तो ये हो गया, इसके बाद फिर मैं आगे क्या बढ़ूंगा इसमें जेड माइनस जेड टू डिड बाई जेड माइनस जेड वन इज प्योरली रियल एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसको सॉल्व कर लूंगा आगे आंसर आ जाएगा अगला ये जो तीन पॉइंट है ये तीनों पॉइंट मिला के क्या बना रहे एक स्ट्रेट लाइन का मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल माइनस वन बाई फोर आएटा जेड जेड बार वन जेड वन जेड वन बार वन जेड टू जेड टू बार वन एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो इसको सिंप्लीफाई करो इससे भी स्टेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और एक तरीका जो है बहुत ही बेसिक वाला वो ये है कि भाई ए एक्स प्लस का वी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो इसमें आप एक काम करो एक्स की जगह डाल दो जेड प्लस जेड बार बाई टू एंड वाई की जगह आप डाल जेड माइनस जेड बार बाई टू आयोटा ये दोनों जैसे ही आप इसके अंदर सब्टिट्यूट करोगे सप्टीट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन एक्चुअली में भी कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन की ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर लाइन की इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाइन की जो इक्वेशन होती है वो कैसे होती है पूरा डिस्कस कर लेते एक बार आंसर निकाल लेते इसका है ना थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आगे चल के अगर ऐसा कुछ लगेगा आपको कि भाई टाइम ज़्यादा हो रहा है तो अपन एक काम करेंगे थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा ठीक है इस वाले से कर ले अपन एरिया ऑफ ट्रैगल को जीरो बना के तो ठीक है भाई इसमें एक काम करते हैं फर्स्ट रो के अबाउट सॉल्व करते हैं तो जेड ब्रेकेट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो यहाँ क्या बनेगा जेड टू का बार माइनस जेड वन का बार माइनस का जेड बार दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो यहाँ बनेगा जेड टू माइनस का जेड वन प्लस जो नॉर्मल तरीका होता है ओपन करने का वैसे ही ओपन कर रहा हूँ भाई मैं तो ठीक है इस वन के लिए सोल्व करूंगा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस दैट इज जेड वन जेड टू का बार माइनस का जेड टू जेड वन का बार इक्वल टू जीरो देखिए एक बार ठीक है मैंने क्या किया है भाई यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज किए हैं ठीक है आ, मैंने शायद यहाँ पे एक टर्म को थोड़ा सा उल्टा लिख दिया ये वाले टर्म के लिए करूँगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो यहाँ पे आएगा भाई जेड वन माइनस जेड टू एंड यहाँ पे आए भी आएगा जेड वन माइनस जेड टू तो ये बनेगा जेड जेड वन का बार माइनस जेड टू का बार माइनस जेड बार यहां बनेगा जेड वन का बार माइनस जेड टू का बार ठीक है भाई ये चीज तो अब एक्चुअली में क्या करेंगे अपन अरे जेड वन माइनस जेड टू तो एक्चुअली में क्या करेंगे अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन एज्यूम करेंगे ठीक है अब जैसे ये वाली जो चीज है आप ये चीज देखना जैसे ये चीज यहां पे आई एक काम करता हूँ इसको मैं अलग से ले लेता हूँ इसको अल्फा बोला मैंने मैं आपको प्रूव करता हूँ ये अल्फा क्या है ये ना भाई तो मैंने अल्फा का बार किया तो ये बनेगा जेड वन का बार जेड टू माइनस जेड टू का बार जेड वन क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग ऑफकोर्स अल्फा प्लस अल्फा बार करोगे तो क्या बनेगा जीरो अल्फा प्लस अल्फा बार करने पे जीरो आ रहा है क्या भाई ये वाली जो टर्म है वो इससे कट जाएगी ये वाली जो टर्म है इससे कट जाएगी यानी ये जो टर्म है ये क्या है अपनी प्योरली इमेजनरी और प्योरली इमेजनरी टर्म को मैं कुछ और ले सकता हूं भाई ऐसे लिखने की नीड नहीं है तो फाइनली इक्वेशन को मैं ऐसे बोल दूँ ए बार जेड प्लस बी सॉरी ए जेड बार प्लस का बी आयोटा बी इक्वल टू जीरो ऐसा कुछ होगा ठीक है जहां पे जो ए होगा देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैंने ए मान लिया तो इसका जो बार होगा वो यहां आ गया और ये जो हो गया ये प्योरली इमेजनरी हो गया तो प्योरली इमेजनरी को मैंने इस तरीके से लिख दिया ठीक है तो आप इस तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन भी आप लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन में ठीक है अब आता है सर्कल सर्कल में बहुत सारी इक्वेशंस आती है जैसे सबसे पहले आता है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू ए इसका मतलब हो गया एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जीरो जीरो और रेडियस कितनी है भाई उसकी ये पहला पॉइंट आता है दूसरा पॉइंट आता है जैसे मान लो आ गया जेड माइनस जेड नोड का मोड इक्वल टू ए एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जेड नोड होगा और अगेन रेडियस कितनी होगी भाई उसकी ए ठीक है थर्ड वन कभी ऐसा आ जाए मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोड का वैल्यू बीस से छोटा बट ए से बड़ा तो इसका मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर तो जेड नोड है उसका एक का रेडियस ए है और दूसरे सर्कल का रेडियस बी है और इन दोनों के बीच के वाले की बात चल रही है छोटे वाले सर्कल से बड़ा होना चाहिए और बड़े वाले सर्कल से क्या हो छोटा ठीक है मैंने इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाए ऑफकोर्स आप ऐसे बना सकते हो इस तरीके से ठीक है ये प्लॉटिंग भी कर सकते अपन ठीक है अब अपन बात करते हैं भाई इसमें जो मेनली जो सर्कल की इक्वेशन होती है उसको अपन कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखते हैं ठीक है तो एक्चुअली में देखो यहीं से आता है जेड माइनस जेड नोड का मोड इक्वल टू ए है इसके मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो जेड माइनस जेड नोड इधर मैंने कहा जेड बार माइनस जेड नोड का बार इक्वल टू ए का स्क्वायर मुझे पता है सर्कल का जो तो सेंटर है वो क्या था जेड नोड और सर्कल की जो रेडियस है वो क्या थी ए ये मुझे पहले से पता है सिंप्लीफाई करते हैं देखो जेड जेड बार ये टर्म बनी पहले इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो जेड जेड नोड का बार माइनस का जेड नोट जेड बार प्लस का मोड ऑफ जेड नोट का स्क्वायर माइनस का स्मॉल ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो ठीक है भाई ये चीज़ अब मैं देखो तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ मैं ऐसे बोल दूँ जेड जेड नो बार प्लस जेड इंटू अल्फा का बार अल्फा की जगह एक काम करते ए ले लेते ए का बार प्लस ए इंटू जेड का बार प्लस सम बी इक्वल टू जीरो देखो मैंने यहाँ पे कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है अभी बता दूंगा क्या मतलब है इसमें जो मेरा ए है वो है माइनस जेड नोड तो माइनस जेड नोड का बारी लिया है और जो बी है वो रियल है क्योंकि मोड जेड नोड स्क्वायर रियल होगा और ए भी क्या था रियल था तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए जो होगा वो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स होगा और बी जो होगा बिलोंग्स टू क्या होगा रियल होगा ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन ठीक है इसी से अपन को एक्चुअली में कई सवाल मैं भी करवाऊंगा वो पूछे भी गए आप चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो नॉर्मली भी कर सकते हो कैसे आप इसमें जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई रख दो ये इक्वेशन आपके कार्टिशन में चली जाएगी कार्टिशन में आप कंफर्टेबल रहते हो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो बट एक्चुअली में ये होता है ये इक्वेशन जब तक आप कार्टिशन में लेके जाते हो तब तक आप कैलकुलेशन कई बार बढ़ा देते हो कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ाने का मतलब आपने प्रॉब्लम को फालतू में लेंदी बना दिया ठीक है अब अपन बात करते हैं इसके सेंटर और रेडियस के ऊपर कि अगर ये इक्वेशन अपनी मान लो सर्कल की इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो इसका ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई सेंटर होगा कोई ना कोई रेडियस होगी तो सेंटर एक्चुअली मैं देखो कैसे निकालूंगा ओरिजिनल सेंटर क्या था जेड नोट अगर मैं यहाँ से जेड जेडनोड देखूँ तो माइनस ए के बराबर आ रहा है माइनस ए का मतलब एक वैल्यू नहीं है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा प्लस बीटा इस टाइप से तो उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका रियल पार्ट ले लूँगा उसका इमेजिनरी पार्ट ले लूँगा और वो एक पॉइंट बन जाएगा वो पॉइंट ही मेरा क्या बन जाएगा सेंटर सेम लॉजिक से मैं रेडियस निकालूंगा ओरिजिनली रेडियस मेरी कहती है स्मॉल है तो मैंने ये वैल्यू इसके बराबर की तो यहाँ पे रेडियस का मतलब स्मॉल ए विल बी इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड नोड का स्क्वायर माइनस बी के बराबर जा रहा है ए को मैं ऐसे बोल सकता हूँ रूट ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी ठीक है अब एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही हो रहा है कि मैंने जो स्टार्टिंग में ए लिया है वो ही ए और ये ए सेम है तो एक काम करता हूँ मैं इसको आर ले लेता हूँ सब जगह हाँ भाई तो इसको अपन ने आर बोल दिया बस यहाँ पे जो ए है वो एक्चुअली में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ध्यान रखना ठीक है इसमें एक और इक्वेशन होती है वो भी लिखवा देता हूँ देखो एक इक्वेशन जो होती है वो डायमेट्रिक फॉर्म होती है कि जैसे मान लो ये सर्कल है ये डायमीटर है जेड वन इधर का जेड टू और यहाँ पे एक रेंडम पॉइंट ले लिया जेड तो पहला पार्ट तो ये हो गया कि नाइन्टी डिग्री बनेगा तो नाइन्टी डिग्री का मतलब भाई वही रोटेशन वाला कि इसको रोटेट करके आप यहाँ ले आओ तो जेड टू माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड वन माइनस जेड ठीक है इसको अगर आप रोटेट करोगे तो रोटेट करने पे क्या बनेगा ये जेड टू माइनस जेड का मोड डिवाइडेड बाई जेड सॉरी जेड वन जेड टू माइनस जेड का मोड इंटू ई के पावर आयोटा पाई बाई टू एक तो तरीका ये है दूसरा तरीका मैं इसमें पाइथागोरस तो थ्योरम लगा सकता हूँ दैट इज जेड माइनस जेड वन के मोड़ का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड टू के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू के मोड़ का स्क्वायर ये डायमेट्रिक फॉर्म है जिनसे आप प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हो डायमेट्रिक वाले में भी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आता है एंड एंड हाइपरबोला हाइपरबोला तो दोनों एक जैसे होते हैं इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही स्लाइड में लिया है इलिप्स के अंदर देखो क्या होता है जेड एक पॉइंट होता है जिसका जेड वन से डिस्टेंस निकालते हैं एंड उसी पॉइंट का मैंने एक दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकाला और ये जो डिस्टेंस है ये ऑफकोर्स पॉजिटिव है तो मोड लगाने की नीड नहीं है उनको दोनों तरफ ये डिस्टेंस मान लो किसी कॉन्स्टेंट के बराबर आता है ठीक है अब जैसे ही यहाँ पे तीन केस आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको याद कैसे करना है वो भी देखो मैं आपको बता दूंगा ठीक है जैसे सबसे पहला तो आता है कि सर केक का वैल्यू जो है वो जेड वन माइनस जेड टू के बराबर हो जाए बाईसांस मान लो तो देखो ये वाला तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि जेड वन यहाँ है और जेड टू यहाँ है तो जेड जो पॉइंट होगा वो इनके इन बिटवीन कहीं हो सकता है यहाँ पे यहाँ जेड हो गया ये हो गया जेड माइनस जेड वन का मोड और ये वाला हो जाएगा z माइनस जेड टू का मोड और ये जो टोटल है ये पूरा का पूरा हो जाएगा z1 वन माइनस जेड टू का मोड आप चेक कर सकते हो ये ऐसा होगा तो एक्चुअली मैं आप डायरेक्ट मत बोल देना ये वो वाला डेफिनेशन लग रहा है इट इज द लोकस ऑफ सॉफे पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन सच दैट सम ऑफ डिस्टेंजेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स आर ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो एक्चुअली मैं आपको ये चेक करना है ये कॉन्स्टेंट एक्चुअली में किसके बराबर है ये इस वाले केस में कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ रहा है जेड वन माइनस जेड टू के मोड के बराबर जा रहा है अब देखो इलिप्स का मैं आपको डेटा याद करवाता हूँ ऑफकोर्स आप भूल चुके होंगे तो एलिप्स का डेटा देखो ऐसा होता है ये ये जो पॉइंट होता है इसको अपन एस वन बोलते हैं पहला फोकस इसको अपन दूसरा बोलते हैं एंड दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो आता है टू ए तो यहाँ पे जो जेड वन माइनस जेड टू के बीच का जो मोड जो आ रहा है वो है टू ए के बराबर अगर मैं इलिप्स से देखूँ तो और अगर यहाँ पे जो के आ रहा है वो के किसके बराबर है टू ए तो आप ये बताओ इस नंबर में और इस नंबर में अपन को ये चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है तो अपन को पता है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स होती है वन से छोटी होती है तो इसका मतलब के जो है टू ए जो है वो टू ए से क्या होगा बड़ा तो अगर केक का वैल्यू ग्रेटर होता है जेड वन माइनस जेड टू के मोड से तो फिर मैं बोलूंगा कि जो मेरा लोकस होगा जेड का वो क्या बनेगा इलिप्स ठीक है और आप इसको ऐसे ही याद करिएगा बेटा अदरवाइज ये याद नहीं होगी आपको ये चीज़ यह एस वन है यह एस टू है कार्टिशियन के हिसाब से एस वन था कॉम्प्लेक्स के हिसाब से ये जेड वन है ये जेड टू है, है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो टू ए के बराबर होता है जिसे अपन कॉम्प्लेक्स में ये बोल देंगे और जो टू ए है दैट इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट के बराबर अब आपको चेक करना है इस नंबर में और इस नंबर में कौन सा बड़ा है तो अपन को पता है ई e छोटा होता है वन से तो ये बड़ा है वो छोटा है तो अपन को चेक करना है के का वैल्यू जेड वन माइनस जेड टू से बड़ा है या छोटा है दूसरी चीज अगर केक का वैल्यू मान लेते हैं जेड वन माइनस जेड टू के मोड से बढ़ा जाता है तो इसका मतलब यह तो क्लियर हो गया कि यह इलिप्स बनाएगा जो जेड का जो भी लोकस होगा वो तो क्लियर हो गया वो इलिप्स बनाएगा अब इलिप्स में कई बार सवाल आ जाता है फाइंड इट्स इंट्रिसिटी कि अगर ये इलिप्स बना रहा है तो इसकी ऑब्वियस बात है कोई ना कोई इसेट्रिसिटी होगी अब आप देखो इसेंट्रिसिटी कैसे निकाल सकता हूं टू ए को अगर मैं टू ए से डिवाइड कर दूं तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी ना और टू ए e को मैं एज पर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू माइनस जेड वन का मोड बोल सकता हूँ टू ए को क्या बोल दूं के यानी आप इन दोनों को वैल्यू निकाल लो इन दोनों की वैल्यू निकाल के डिवाइड कर दो वहाँ से क्या मिल जाएगा आपको इसेंट्रिसिटी और जो तो तीसरा केस होता है दैट इज के लेस देन जेड वन माइनस जेड टू का मोड इस वाले केस में अपन बोलते हैं नो लोकस तो बेसिकली यहाँ पे तीन लोकस आते हैं डिसाइड होता है के की वैल्यू एंड जेड टू माइनस जेड वन के मोड की वैल्यू यानी जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जेड वन और जेड टू जहाँ से अपन ने मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस निकाला है उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और के की वैल्यू के बीच में रिलेशन होगी कि को कोई एक छोटा होगा कोई एक बड़ा होगा अगर दोनों बराबर होते तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी लाइन सेगमेंट बीच का पोर्शन के बड़ा होगा जेड वन माइनस जेड टू के मोड से तो इलिप्स आएगा और के अगर छोटा हो गया जेड वन माइनस जेड टू के मोड से तो अपना क्या मिलेगा कोई लोकस नहीं मिलेगा अपन को ठीक है चलिए इसका शायद ये लास्ट पोर्शन होगा ज्योमेट्री का फिर इसके बाद सवाल आएंगे अपन देख लेते हैं हाइपर वोला भी हाइपर वोला की जो ज्योमेट्री वाली डेफिनेशन है वो ये है कि एक मूविंग पॉइंट होगा उसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकालो जेड एक मूविंग पॉइंट है उसका मैंने दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दिया डिस्टेंस निकाल के उस डिस्टेंस का डिफरेंस होगा वो किसी कॉन्स्टेंट के बराबर होता है कॉन्स्टेंट ऑफकोर्स लेंथ ऑफ ट्रांसफर सेक्सेस होती है दैट इज ठीक है थेके? तो इस केस में जो अपना जनरेट होता है वो हाइपरबोला जनरेट होता है बट हमेशा हाइपरबोला नहीं होगा डिपेंड करता है केक की वैल्यू के ऊपर तो मैंने यहां पे क्या किया तीन केस बनाए फिर से पहला केस जब केक का वैल्यू मैंने लिया भाई जेड वन माइनस जेड टू के मोड के बराबर तो ये तो कुछ ऐसा हो गया ना यार कि भाई यहां मैंने जेड वन ले लिया यहां जेड टू ले लिया अब एक ऐसा पॉइंट लेना है मुझे जेड जिसका जेड वन से डिस्टेंस निकालू और उसी पॉइंट का मैं जेड टू से डिस्टेंस निकाल तो मैंने यहां ले लिया अब चेक कर लो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये हो गया सॉरी ये ये वाला जो डिस्टेंस आएगा हो जाएगा जेड माइनस जेड वन का मोड ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा जेड माइनस जेड टू का मोड यानी इस वाले डिस्टेंस से अगर ये वाला डिस्टेंस अपटेक्ट करूंगा तो डेफिनेटली मुझे यही मिलेगा ना और ये किसके बराबर है भाई जेड वन माइनस जेड टू का मोड यानी इस केस में तो मुझे लाइन मिलेगी एक और ऑफ कोर्स वो पूरी लाइन नहीं मिलेगी लाइन के दोनों साइड्स के पोर्शन या तो इधर का पोर्शन होगा या फिर वो उधर का होगा डिपेंड करता मोड लगाए या नहीं लगाया अगर मोड लगाए तो दोनों तरफ के पोर्शन और मोड नहीं लगा तो एक ही तरफ का पोर्शन है दूसरा केस मान लो केक का वैल्यू मैंने छोटा ले लिया जेड वन माइनस जेड टू के मोड से तो एक बार एक काम करते हैं हाइपरबोला को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसा कुछ हाइपरबोला होता है जिसमें यहाँ जो पॉइंट होता है उसको एस वन बोलते हैं एंड यहाँ जो पॉइंट होता है उसको एस टू बोलते हैं इस केस में एस वन का क्या मतलब है जेड वन एंड इस केस में एस टू का क्या मतलब है जेड टू ठीक है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है टू ए ई और इस कॉम्प्लेक्स के हिसाब से वो लिखा जाएगा जेड टू माइनस जेड वन का मोर क्योंकि जेड वन एंड जेड टू आर टू फिक्स पॉइंट्स एंड दो जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं जिनसे अपन मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं वो दोनों फिक्स पॉइंट्स अपने क्या कहलाते हैं फोकाई कहलाते हैं दैट इज फोकस ठीक है और जो फिक्स डिस्टेंस होता है राइट हैंड साइड के वो किसके बराबर होता है टू ए तो अपन को एक्चुअली में नंबर वन और नंबर टू पे कमेंट करना है अब आप देखो इसमें टू ए ही है और इसमें टू ए टू ए इंटू वन है और उसमें इंटू क्या है ई e है और ई e का वैल्यू वन से क्या होता है बड़ा तो यानी ये नंबर बड़ा और ये नंबर छोटा है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जेड वन माइनस जेड टू का मोड अगर के से बड़ा होता है या के का वैल्यू जेड वन माइनस जेड टू के मोड से छोटा होता है तो उस केस में यानी इस वाले केस में जो अपना लोकस होगा दैट लोकस शुड बी हाइपर बोला इस वाले केस में अपना लोकस क्या था लाइन ठीक है अगर यहाँ पे लोकस अपना हाइपरबोला है तो अपन से ई भी पूछी जा सकती है अपन को पता होना चाहिए ई कैसे निकालेंगे दैट इज अगेन टू ए डिवाइडेड बाई टू एंड टू ए का मतलब फिर से क्या है यहाँ पे जेड टू माइनस जेड वन का मोड और टू ए का मतलब क्या है के लास्ट केस दैट इज के ग्रेटर देन जेड वन माइनस जेड टू का मोड इस केस में क्या बनेगा अपना फिर से नो no लोकस मतलब ये बोल रहा है कि ये वैल्यू बड़ी हो और ये वैल्यू छोटी हो पॉसिबल नहीं है एलेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होती है वन से बड़ी होती है ठीक है तो अपन ने देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन का यूज किया है डेफिनेशन कौन कौन सी यूज किए भाई अपन ने कि भाई इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन सज ऑफ समिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ये मैंने यूज किया है किसके अंदर इलिप्स के अंदर यहाँ पे सम बीच में सम ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट और यहाँ पे मैंने यूज किया इट इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन सज दैट डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेज सॉरी यह है डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट दीज आर दिक्सड पॉइंट जेड वन एंड जेड टू आर द फिक्स पॉइंट विच विल बी दोकस एंड उन दोनों से जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज एक कॉन्स्टेंट के बराबर होगा एंड दैट कॉन्स्टेंट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस दैट इज टू ए चलिए आप कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं आप इस प्रॉब्लम को ट्राई करिए एक मिनट लीजिए फिर डिस्कस करते है. चलो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा मैं अब डिस्कस करता हूँ देखो मुझे कहीं ना कहीं इसमें हाइपरबोला जैसा दिख रहा है मुझे ये क्योंकि बीच में माइनस आ गया ना बट चेक करना पड़ेगा वास्तव में ये हाइपरबोला है या कोई और है तो कैसे चेक करूंगा भाई जो जेड माइनस माइनस वन अरे जेड माइनस माइनस वन विथ मॉड माइनस जेड माइनस फाइव विथ मोड पूरे का मोड इक्वल टू थ्री तो इसमें जो जेड वन हो गया वो हो गया माइनस वन प्लस जीरो आईओटा दैट इज माइनस वन कॉमा जीरो और जेड टू जो हो गया वो हो गया फाइव प्लस जीरो आईओटा दैट इज फाइव कॉमा जीरो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जेड वन माइनस जेड टू के बीच का जो डिस्टेंस है वो आ रहा सिक्स और के का जो वैल्यू आ रहा वो आ रहा कितना थ्री के इज दी आर एच एस ये जो वैल्यू है ये कहलाती है टू ए और ये वैल्यू कहलाती है टू ए ऑफकोर्स टू ए बड़ा हो टू ए छोटा है ठीक है टू ए बड़ा हो टू ए छोटा है तो इसका मतलब क्या है भाई ये बड़ा है ये छोटा है तो इसका मतलब क्या है ये हाइपर बोला देगा क्यों क्योंकि टू ए बड़ा होना चाहिए हाइपर बोला में और टू ए क्या होना चाहिए छोटा तो हो भी रहा है वो तो यानी ये जो कर्व है ये एक्चुअली में कौन सा कर्व है हाइपर बोला अगर ये हाइपर बोला है तो इसकी इसेट्रिसिटी कैसे निकालेंगे टू ए डिवाइडेड बाई टू ए िसिटी का मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू डिड बाई के तो ई विल बी मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का मतलब कितनी वैल्यू होगी गई सिक्स और डिवाइडेड बाई के का मतलब कितना हो गया थ्री तो फाइनल आंसर विल बी टू ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन था अब आप देखो अगर किसी बच्चे ने इसके अंदर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई टा वाई रख के सोल्व करने की कोशिश की ऑफकोर्स आंसर आपका भी आएगा मना नहीं कर रहा हूँ बट एक्चुअली में आप देख लो मैंने चार पांच लाइन में ही किया है आप एक्चुअली में उसको एक पेज से ज्यादा में बढ़ा दोगे कैलकुलेटिव है फिर उस तरीके से तो जो ये बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ्स थोड़ी सी लेंदी आ रही है आजकल ठीक है कुछ कुछ सवाल देखो मैथ्स के एक्चुअली में लेंदी होते हैं और मैथ्स में एक्चुअली में आपसे एक्सपेक्टेशन भी की जाती है कि आप लेंदी प्रॉब्लम्स करोगे ही करोगे बट एक्चुअली मैथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपने अगर हल्का सा भी मेथड परफेक्ट मेथड से थोड़ा सा भी मेथड आपका इधर उधर हो गया तो जो प्रॉब्लम एक्चुअली में दो तीन लाइन में हो सकता था वो प्रॉब्लम एक्चुअली में आपसे दस पंद्रह लाइन तक खिंच जाएगा मेथड इंपॉर्टेंट है इसलिए जब भी कभी आप प्रॉब्लम ट्राई करते हो तो आप दो मिनट एक मिनट का टाइम लेके सोच के आगे बढ़ा करिए अब जैसे ये प्रॉब्लम है इन एन इक्वेलेटेड ट्रैंगल प्रूव दैट जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू तो स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर इक्वल टू इन दो दो के पेयर्स का प्रोडक्ट ये रोटेशन थ्योरम से करूंगा मैं इसको ये रोटेशन थ्योरम का क्वेश्चन है तो मैंने क्या किया भाई एक इक्वेलेटर ट्रैंगल ले लिया जिसका ये पॉइंट ले लिया जेड ये पॉइंट ले लिया जेड और ये पॉइंट ले लिया जेड थ्री तो यहाँ पे एक रोटेशन लगा दूंगा दो जगह रोटेशन लगाऊंगा एक जगह यहाँ लगा दी और ऑफ कोर्स ये जो एंगल है ये एंगल 60 डिग्री होगा और एक जगह रोटेशन मान लेता हूँ मैंने यहाँ लगा दी एंटी क्लोक वे ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री तो यहाँ रोटेशन का मतलब क्या हो गया जेड थ्री माइनस जेड टू न्यूमरेटर में आएगा जेड वन माइनस जेड टू ये इनिशियल है ये फाइनल है इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड टू इन टू ए के पावर में आयोटा पाई बाई थ्री सिक्सटी डिग्री अब आपको पता है भाई कि ये इक्विलेटेड ट्रेंगल है तो इसकी साइड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए बराबर साइड्स की लेंथ बराबर का मतलब ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी तो मैंने कहा ए e के पावर आयोटा पाई बाई थ्री इसको नंबर दे दिया वन सेम लॉजिक रोटेशन वहाँ लगाते हैं अपन तो अपने पास इनिशियली क्या है जेड वन माइनस जेड थ्री फाइनल क्या होगा जेड टू माइनस जेड थ्री इक्वल टू राइट हैंड साइड इज जेड टू माइनस जेड थ्री का मोड डिवाइडेड बाय जेड वन माइनस जेड थ्री का मोड ई की पावर आयोटा पाई बाई थ्री ये कट गया क्या मैंने गया जेड टू माइनस जेड थ्री डिवाइडेड बाई जेड वन माइनस जेड थ्री इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई बाई थ्री इसको दे दिया नंबर टू इन दोनों इक्वेशंस का जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है तो डेफिनेटली इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए बराबर तो इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ ले लिया ऊपर तो मेरे को मिल गया जेड वन माइनस जेड टू डिवाइडेड बाई जेड थ्री माइनस जेड टू शुड भी इक्वल टू होना चाहिए जेड टू माइनस जेड थ्री डिवाइडेड बाई जेड वन माइनस जेड थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सोल्व कर लेंगे वो प्रूव हो जाएगा चलिए करते हैं यहाँ मैंने कहा जेड वन का स्क्वायर माइनस जेड वन जेड टू माइनस जेड वन जेड थ्री माइनस जेड वन सॉरी जेड टू जेड थ्री चेक कर लेते हैं एक बार कहीं जल्दी में कोई कैलकुलेशन तो नहीं किया है जेड वन को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया जेड थ्री को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ जेड थ्री को दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जेड टू जेड थ्री माइनस का जेड थ्री का स्क्वायर माइनस जेड टू से माइनस का जेड टू का स्क्वायर प्लस जेड टू जेड थ्री ठीक है भाई ये चीज़ चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है कुछ ना कुछ एरर तो नहीं है ना एक बार देख लेते बेटा ठीक है सबको एक काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ सबको एक काम करते हैं अच्छा एक मिनट यहाँ पे एक एरर है बेटा कि यहाँ प्लस आना चाहिए देखो मैंने कैसे एरर पकड़ा क्योंकि ये दो टर्म्स आ रही थी इन दोनों में से एक टर्म कटनी चाहिए थी तो कट नहीं रही थी तो ये कट गई ना अब सबको लेफ्ट हैंड साइड ले लो लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और जो तो दो दो के पेयर वाली है सबको राइट में ले जाओ तो राइट में ले जाओगे तो जेड वन जेड टू जेड टू जेड थ्री प्लस जेड वन जेड थ्री मेरे को याद है मेरे पास एक बच्चा आया था कुछ दिन पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉब्लम लेके एंड अच्छी प्रॉब्लम थी एंड मैंने उसको इसी तरीके से कर दिया था मतलब मैंने उसको ये रिजल्ट जैसे ही बोला कि देख बेटा ये रिज़ल्ट होता है इस रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी उसको समझ में आ गया सर ये प्रॉब्लम आगे कैसे होगी यानी ये रिजल्ट एक्चुअली वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था अगर आपको ये रिजल्ट पता होता तो आप भी ऑफकोर्स उस प्रॉब्लम को अच्छे से ट्राई कर सकते हैं ठीक है चलिए अब नॉर्मल प्रॉब्लम से इसको ट्राई करिए फिर डिस्कस करते हैं दो मिनट ले लीजिए हाँ भाई तो आप लोगों ने ये ट्राई किया होगा थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है तो एक काम करता हूँ मैं आपको थोड़ा और टाइम देता हूँ आप एक काम करिए दस मिनट का ब्रेक ले लीजिए एंड दस मिनट के ब्रेक के बाद मैं अपन फिर से रिज्यूम करते हैं अब बहुत छोटा सा बचा है कुछ लाइक अपन को ज्योमेट्री की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि अपने पी वाई क्यूज है वो डिस्कस करने हैं एंड देन उसके बाद में क्यूब रूट एंड एन रूट अपन को डिस्कस करना है जिसमें क्यूब रूट में बहुत जल्दी करवा दूंगा क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है एंड एन रूट पहली बार देखेंगे अपन तो क्यूब रूट जैसा होता है ही कुछ एने थ्रूट होता है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट चलिए वो भी डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो आप दस मिनट का ब्रेक ले लीजिए दस मिनट के ब्रेक में आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है आप इसे ट्राई करिए जैसे ही मैं आता हूँ फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे ओके वेलकम बच्चों चलो डिस्कस करते हैं अपन ने जो प्रॉब्लम होमवर्क में देखा था कि एक क्वेश्चन लिया था मैंने आपके लिए कि दस मिनट में आप ट्राई करिए आप लोगों ने सभी ने ट्राई किया होगा ऑफ कोर्स इसका आंसर भी निकाला होगा कुछ इक्वेशनस है मेरे पास जैसे ये पहली इक्वेशन है ये दूसरी इक्वेशन है और ये तीसरी इक्वेशन है इनको सॉल्व करके इनका जो कॉमन सोलूशन आएगा वो निकालना है एंड जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो एक्चुअली में इसके बराबर है एंड देन फिर वाई का रेंज पता करना है मुझे ठीक है तो चलिए पहला वाला पार्ट देखते हैं तो मैं क्या करूँगा इसमें जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई रख दूंगा जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रखूंगा तो ये बनेगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का वन प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का टू वाई प्लस का वन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आई विल गेट माइनस का टू एक्स प्लस का टू वाई प्लस का टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो फाइनली आई विल गेट एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी इस पहले वाले से मुझे एक कही है लाइन ठीक है पहले वाले से क्या मिली है अपन को एक लाइन सेकेंड वाली जो इक्वेशन है वो है मॉड ऑफ जेड लेस देन टू यानी ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लेस देन फोर थर्ड वाले की बात करते थर्ड वाले में एक काम करते जेड इक्वल टू एक्स प्लस रख देते एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का टू वाई प्लस का वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का वन प्लस का वाई स्क्वायर ये तीनों टर्म्स कट गई आई विल गेट वाई इक्वल टू माइनस एक्स एक ये एक ये और एक ये इन तीनों का अपन को निकालना है कॉमन ऐसी वैल्यू जो इन तीनों को एक साथ क्या कर रही है सेटिस्फाई तो तीनों को एक काम करो प्लॉट कर लो ये है अपना एक सर्कल ये है एक लाइन और ये है वाई बराबर माइनस एक्स ये भी एक लाइन है ठीक है ये वाली जो लाइन है मैंने थोड़ी सी गलत प्लॉट कर ली भाई इसको दोबारा प्लॉट कर लेते हैं अपन तो ये एक सर्कल हो गया सेंटर जीरो जीरो ये लाइन हो गई वाई बराबर माइनस एक्स इसमें अगर मैं एक्स ये लाइन ऐसी है माइनस का एक्स प्लस का वाई इक्वल टू वन इसमें एक्स की जगह जीरो प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स की जगह जीरो डालोगे तो वाई का वैल्यू माइनस वन आएगा यहाँ कहीं होगा वाई की जगह जीरो डालोगे तो एक्स का वैल्यू बनाएगा यहाँ का ही होगा ये दूसरी लाइन है अब अपन को देखना है भाई इसको सेटिस्फाई करना यानी जो पॉइंट होगा वो इस पर लाइन करना चाहिए सर्कल के अंदर होना चाहिए और लाइन के ऊपर या नीचे की बात करते हैं तो लाइन के ऊपर नीचे मतलब कुछ तो बोला होगा उसने यहाँ पे ये यह बोला है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो एक काम करते हैं अपन कोई एक पॉइंट ले लेते हैं चेक कर लेते हैं जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आता है जीरो कोमा वन तो इसमें एक्स की जगह जीरो डाल दिया वाई की जगह वन डाल दिया ऑफकोर्स वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है यानी इस लाइन के ऊपर का पोर्शन तो फाइनली मेरा जो पोर्शन होगा काम का वो ये वाला पोर्शन होगा ठीक है जिसमें अपन ने जो काम का है वो सर्कल के अंदर वाला है तो इस पे आपका वो जेड जो होगा कॉमन वो लाई कर रहा होगा जेड का मतलब एक ऐसा जेड जो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है अब ठीक है अब उनको क्या बोला है द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर वी जेड डब्ल्यू इक्वल टू टू एक्स प्लस आयोटा वाई अब टू एक्स प्लस आएटा वाई का मतलब हो गया कि भाई एक्स जो होगा वो इसमें से ही कुछ लेना है और वाई जो होगा वो भी इसमें से ही कुछ लेना है तो जो भी वाई होगा वो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ वाई बराबर माइनस एक्स है <tossil> तो x कोऑर्डिनेट क्या है 2x है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस का 2x कोऑर्डिनेट ठीक है तो आप इस पॉइंट को निकाल सकते हो कैसे इसमें एक काम करो y की जगह माइनस टू डाल दो माइनस टू डाल के सोल्व कर लो वहाँ से आपको x की रेंज पता चल जाएगी x की रेंज क्या आपको y की रेंज शायद x की रेंज ही निकालनी है आपको x की रेंज पता चल जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल वैसा ही है कि आपको ग्राफ बनाना है ग्राफ बना के सोल्व करना है कौन सा ग्राफ आपके का शेडेड पोर्शन कौन सा आएगा तो एक्स इस माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू तो टू ये पहला इक्वेशन हो गया दूसरा इक्वेशन इज वन माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन विथ इसका रियल पार्ट तो इसका रियल पार्ट कैसे निकालोगे दोनों जगह का जब एक्स मल्टीप्लाई होगा तब होगा दोनों जगह का जब इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा तब होगा तो इसका जो रियल पार्ट आएगा वो आएगा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन ये दूसरा कर्व हो गया ये पहला कर्व हो गया और तीसरा कर्व तो बहुत आसान है कि वाई लेस देन इक्वल टू वन आप तीनों को एक साथ प्लॉट कर लो प्लॉट करके जो कॉमन एरिया आ रहा है वो निकाल लो देखो ऐसे कर सकते अपन सेंटर्ड है वन कोमा जीरो एंड रेडियस है रूट टू तो वन कोमा जीरो यहाँ कहीं होता है ये कुछ ऐसा सर्कल बना दिया मैंने ये हो गया मेरा वन कोमा जीरो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अपना होगा जीरो कोमा वन एक्स की जगह आप जीरो डालो एक्स की जगह आप जीरो डालोगे तो वाई की जगह वन ही आएगा ये ये जो लाइन लाइन हो गई होगी और एक लाइन ऐसे वो पोर्शन जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है यानी इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगा इस वाली लाइन के कहा होगा ऊपर होगा और सर्कल के अंदर होगा तो जो कॉमन पोर्शन आ रहा है शेडेड वाला वो ये आ रहा है तो आपसे इन तीनों का इंटरसेक्शन पूछा तो ऑब्वियस की बात है इन तीनों के इंटरसेक्शन में कितने सोल्यूशन होंगे इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे ठीक है ये वाला प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है आप ट्राई करिएगा देखो मैं आपको कुछ कुछ अच्छे प्रॉब्लम भी दे रहा हूँ जो आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो पी वाई क्यू इसमें से भी ये अच्छा पी वाई क्यू है ये आप होमवर्क की तरह करिएगा इसको आप ट्राई करिएगा ट्राई करने के बाद देखिएगा इसका आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा <coughs> चलिए ये वाला प्रॉब्लम अपन ट्राई करते हैं कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है इस सर्कल का जो सेंटर्ड है वो अल्फा बीटा है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो गामा है तो अपन को अल्फा बीटा गामा तीनों निकाल लें और सोल ऐड करके जो आंसर है वो बता देना तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ भाई से जेड माइनस टू का मोड टू टाइम्स ऑफ जेड माइनस थ्री का मोड मैंने इसमें जेड इक्वल टू क्या रख दिया एक्स प्लस आई वाई रख दिया तो ये बनेगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का फोर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस का नाइन प्लस का वाई स्क्वायर सभी को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ जैसे आप राइट एंड थ्री एक्स प्लस का थ्री वाई स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों मिला के माइनस का चौबीस हो गया माइनस का चार है तो माइनस चार उधर तो माइनस का ट्वेंटी हो जाएगा माइनस का ट्वेंटी एक्स प्लस नाइन और फोर मिला के थर्टी सिक्स हो गया थर्टी सिक्स में से फोर जाएगा तो प्लस का थर्टी टू इक्वल टू जीरो फाइनली वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ट्वेंटी डिवाइडेड बाई थ्री एक्स प्लस का थर्टी टू डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू जीरो इसका जो सेंटर हो जाएगा दैट इज कोमा बीटा आपको पता है सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं ये टू जी एक्स है तो इसका आधा कर देंगे दैट इज़ टेन डिवाइडेड बाई थ्री कोमा ज़ीरो एंड रेडियस कैसे निकालोगे रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दिस माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई थ्री इसको सोल्व कर लेना रेडियस आ जाएगी ये अल्फ़ा हो गया ये बीटा हो गया और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो गामा हो जाएगी अल्फा बीटा गामा को ऐड करना शायद अल्फा बीटा गामा को आप ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू फोर आएगी एंड फोर को आप जैसे ही थ्री से मल्टीप्लाई करोगे फाइनल आंसर शायद इसका ट्वेल्व आ जाएगा ये भी बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम है आप देखिए इसमें कि ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल की इक्वेशन है एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन हो गया ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन की इक्वेशन है इसमें एक काम करो अगर आपको लाइन की इक्वेशन नहीं याद है तो अगेन आप जे एड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख दो कोई इशू नहीं है भाई बस ये है कि जे एड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रखने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्पीड बना लेना क्योंकि फालतू में प्रॉब्लम बहुत ईजी है आप छोड़ना आपके लिए सेफ नहीं रहेगा सिंप्लीफाई करोगे तो फोर एक्स प्लस का फोर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स आयोटा प्लस का फोर वाई आयोटा माइनस का थ्री वाई प्लस का फिर से यहाँ पे क्या आएगा फोर एक्स माइनस का थ्री एक्स आयोटा माइनस का फोर वाई आयोटा माइनस का थ्री वाई लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी फोर ये आयोटा वाली टर्म कट जाएगी आई विल गेट एट एक्स माइनस का सिक्स वाई लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी फोर फोर एक्स माइनस का थ्री वाई लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व ये एक लाइन आ गई ये एक सर्कल आ गया इन दोनों का ग्राफ बना दो एंड ग्राफ बना के इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का इस पॉइंट से डिस्टेंस पता करना है इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स का तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा मैं ज्योमेट्री बता देता हूँ थोड़ी बहुत तो ऐसा कोई सर्कल है जिसका सेंटर है भाई थ्री कोमा जीरो जो लाइन है वो कुछ ऐसी जा रही है थ्री कोमा ज़ीरो से पास हो रही है और यहाँ जा रही है इस वाले से इसमें जैसे एक्स की जगह में ज़ीरो डालूँ तो एक्स की जगह जीरो डालूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी भाई नेगेटिव आएगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो लाइन एक्चुअली में दूसरी बन जाएगी ठीक है एक्स की जगह वाई की जगह ज़ीरो डालूंगा तो एक्स की वैल्यू थ्री आ रही है और एक्स की जगह जीरो वाई की जगह जीरो डालूंगा तो लाइन ऐसे बनेगी ये ठीक है अब मेरे पास जो एक पॉइंट है वो जीरो को ये फोर आएटा फोर आईटा का मतलब हो गया जीरो कमा फोर इस लाइन के ऊपर ठीक है चेक कर लेते हैं इसमें एक्स की जगह ज़ीरो जीरो डाला तो जीरो ज़ीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है यानी ऊपर के पॉइंट्स यानी ये वाला शेडेड ये कॉमन पोर्शन है इस कॉमन पोर्शन में एक पॉइंट होगा उस पॉइंट का जीरो कोमा फोर से मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट बोल है वो पॉइंट पता करना है वो पॉइंट अल्फागोमा बीटा है ठीक है तो वो पॉइंट कैसे पता करते हैं अपन को पता है नियरेस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं कॉमन नॉर्मल के अबाउट इस पॉइंट से एक लाइन पास करवा दो वो जो लाइन होगी वो नॉर्मल होगी नॉर्मल की होगी क्योंकि वो सेंटर से पास करेगी और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अपना अल्फागोमा बीटा है आपको ये पॉइंट निकालना है ठीक है तो एक्चुअली में आप एक काम करो आप ये पॉइंट कैसे निकालोगे भाई इस पॉइंट को ये पॉइंट पता है थ्री को जीरो ये पॉइंट है जीरो को फोर तो इस लाइन का एम पता चल गया एम कितना हो जाएगा माइनस का फोर बाई थ्री यानी इस लाइन का मुझे क्या पता चल गया टेन थीटा मैं देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ तो इस डिस्टेंस का बारे में मुझे पता है तो वो एक फार्मूला आता है ना पैरामेट्रिक वाला एक्स वन प्लस आर कोस थीटा को वाई वन प्लस आर साइन थीटा तो मैं लगाऊंगा जीरो प्लस आर आर का मतलब कितना हो गया ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा ये टोटल है जो है मेरा है पाँच जिसमें से ये डिस्टेंस कितना है मेरा रेडियस थ्री बाई फाइव कॉमा वाई वन दैट इज फोर प्लस आर इंटू साइन थीटा साइन थीटा इज फोर बाई फाइव अब इसमें दो आते प्लस माइनस के तो आप एक बार प्लस वाला लेना एक बार माइनस वाला लेना और चेक करना एक पॉइंट जो है वो उधर चला जाएगा और एक पॉइंट इधर आ जाएगा तो उससे अपन को समझ आ जाएगा कि अपन को प्लस वाला लेना है माइनस वाला लेना है उससे अपना अल्फा गां बीटा वाला पॉइंट आ जाएगा ये पॉइंट आ गया तो अपन इसके बाद आंसर बोल सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा पता चल जाएगा देन अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ट्वेंटी फाइव की वैल्यू क्या होगी वो निकाल सकते हैं बहुत आसान प्रॉब्लम है ये वाला भी अपन को जेड नोट दे रखा है जेड नोट यानी एक सर्कल का सेंटर दे रखा है और उसकी रेडियस दे रखी है ठीक है तो अपन को जेड वन एक पॉइंट दे रखा है वो पता दे पता है तो और एक इक्वेशन दे रखी है जेड वन माइनस जेड नोड का मोड जेड टू माइनस जेड नोड के मोड का वैल्यू वन ये वैल्यू मुझे पता है कैसे भाई मैं सब्टेक्ट कर दूंगा दैट इज़ वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू उल्टा कर दिया मैंने सब्टेक्ट जेड वन पहले लिखना है दैट इज वन प्लस आयोटा माइनस का वन बाई टू माइनस का थ्री बाई टू आयोटा विथ मोड एंड साइड में क्या है जेड टू माइनस जेड जीरो का मोड इक्वल टू वन इसको सोल्व करेंगे तो ये वन बाई टू इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा माइनस वन बाई टू एंड विथ आयोटा होटा विथ मोड सॉरी जेड नोड माइ जेड टू माइनस जेड नोड एंड इक्वल टू वन इसका और रूट ले लेंगे इसका मॉडुलस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर विथ रूट एंड साइड में क्या है जेड टू माइनस जेड नोड का मोड इक्वल टू वन यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी भाई जेड टू माइनस जेड नोड के वैल्यू पता चल जाएगी ये बनेगा भाई वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर इज टू बाई फोर टू बाई फोर इज वन बाई टू वन बाई टू का रूट क्या होता है दैट इज़ वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू का रूट उधर ले गए तो मुझे ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा ये वाला डिस्टेंस पता चल गया इसके बाद उसने क्या बोला ये तीनों पॉइंट्स कॉलोनियर है तो तीनों पॉइंट्स कालियर है यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ कहीं होगा और ऐसे कुछ है ये हो गया जेड नोड यहाँ कहीं आएगा आपका जेड वन और यहाँ कहीं आपका आएगा जेड टू ठीक है तो जेड वन जो है वो इनसाइड का पॉइंट है ये कैसे पता चला भाई नॉर्मल तरीके से x minus 1 by 2 chi square plus y minus 3 by 2 chi square is equal to radius is 1. इसमें कोई पॉइंट अंदर है बाहर है ये कैसे चेक करोगे आपने जोमेट्री में पढ़ा था एस वन लेस देन जीरो एस वन इक्वल टू जीरो एस वन ग्रेटर देन जीरो से पता कर लूँगा अब देखो एक्चुअली मैं अपन को क्या निकालना है भाई यहाँ पे जेड नोड के स्क्वायर का वैल्यू निकालना तो ये मैं पॉइंट निकाल सकता हूँ कैसे वही तरीका दो भी पीछे वाले प्रॉब्लम में मैंने यूज किया था एक्स वन प्लस आरकोस्थीटा कोमा वाई वन प्लस आर साइन थीटा इस लाइन पर दो पॉइंट पता है एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है तो दोनों से स्लोप निकाल लूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वन प्लस थीटा कोमा वाई वन प्लस आर साइन थीटा इस तरीके से मैं जेट टू का वैल्यू निकाल सकता हूँ जेट टू अगर मेरा आ गया तो ऑफकोर्स मैं मॉड ऑफ जेट टू का स्क्वायर भी निकाल सकता हूं यह आपके लिए हिंट है आप ट्राई करिएगा <coughs> चलिए अब आगे बढ़ते इसका जो अगला टॉपिक है वो है डी मोरवर्स थ्योरम डी मोरवर्स थ्योरम का मतलब होता है कि भाई जैसे अपने पास एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है कॉस्थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस पूरे की पावर अगर एन होता है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ एन थीटा प्रूफ बहुत ही आसान है क्या करेंगे अपन थीटा प्लस आयोटा <coughs> साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं की पावर आयोटा थीटा दोनों तरफ पावर में एन चढ़ा देते हैं तो थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पूरे की पावर में क्या चढ़ा दिया अपन ने एन ई की पावर आयोटा एन थीटा जो राइट हैंड साइड है ये फिर से बन गया की पावर आयोटा समथिंग और एक की पावर आयोटा समथिंग को अपन क्या बोल सकते हैं कॉस समथिंग प्लस आयोटा टाइम साइन सम बस ये ध्यान रखना भाई ये जब भी आप अप्लाई करो तो कॉस और साइन के एंगल्स क्या होने चाहिए सेम दूसरी चीज पहला कॉस होना चाहिए दूसरा साइन होना चाहिए मतलब इसमें अप्लाई मत कर देना जैसे कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन बीटा है और इसकी पावर एन है तो आप इसको ऐसे मत लिख देना कॉस एन अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन एन बीटा ये गलत हो जाएगा ठीक है बहुत छोटा सा थ्योरम होता है डी मोरविस थ्योरम ठीक है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जो पावर एन होती है उस पावर एन को किस तरीके से सिम्पलीफाई किया जाता है यही इस मेथड में आता है और इस पर बेस्ट कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं जैसे देखिए मैंने एक प्रॉब्लम ये लिया है कि ये पूरा बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को अपन सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ठीक है तो मैंने क्या किया है भाई इसके अंदर थोड़ा बहुत टिक्नोमेट्री का यूज़ किया क्योंकि ये छोटा बन जाना चाहिए तो मैंने क्या किया वन प्लस इसको लिख दिया कॉस नाइन्टी माइनस फाइव बाई एट प्लस आयोटा साइन इसको लिख दिया फिर से 90 माइनस पाई बाई एट क्योंकि यहाँ पे मुझे एक फील आ रही है वन प्लस कॉस समथिंग वाला फार्मूला बन जाएगा और यहाँ साइन समथिंग वाला टू कॉस स्क्वायर समथिंग बाई टू टू साइन समथिंग बाई टू कॉस समथिंग बाई टू वाला फॉर्मूला डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस यहाँ क्या बनेगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई एट माइनस का आयोटा साइन यहाँ बन जाएगा फिर से पाई बाई टू माइनस पाई बाई एट अब अपन को पता है पाई बाय टू माइनस पाई बाय एट कितना होता है भाई एक काम करो इसको चार से थ्री पाई बाय एट पाई बाय टू माइनस पाई बाय एट इज थ्री पाई बाय एट और अभी के लिए थ्री पाई बाय एट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ अल्फ़ा ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए तो बन गया वन प्लस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा छोटे में ऐसे लिख दू भाई वन प्लस कॉस अल्फा माइनस का आयोटा साइन अल्फा और पावर में क्या है एट ऊपर क्या बनेगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस आयोटा टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू डिवाइडेड बाई टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, टू सॉरी <coughs> माइनस का आयोटा टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू पावर मेट अब आप देखो ऊपर नीचे से टू कॉस अल्फ़ा बाई टू कॉमन आ जाएगा टू कॉस अल्फा बाई टू कॉमन आके क्या हो जाएगा कैंसिल आउट उसके कैंसिल आउट होने के बाद ऊपर बचेगा कॉस अल्फा बाई टू प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई टू और नीचे बचेगा भाई मेरे पास कॉस अल्फा बाई टू माइनस का आयोटा साइन अल्फा बाई टू एंड इस पूरे की पावर क्या है एट यानी एक की पावर आयोटा अफा बाई टू डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा बाई टू की पावर एट मैंने इसे ऑयलर फॉर्म में लिख दिया ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा ए e पावर आयोटा अल्फा और इसकी पावर कितनी है एट फाइनली बन गए की पावर आयोटा एट अल्फा अब ई की पावर आयोटा एट अल्फा में अपन लगा देते हैं फंडा नॉर्मल वाला कॉस एट अल्फा प्लस आयोटा साइन एट अल्फा और अल्फा की जगह आप वैल्यू डाल देते हैं थ्री पाई बाई एट तो कॉस थ्री पाई प्लस आयोटा साइन थ्री पाई बाई एट कम जाएगा ठीक है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी कॉस थ्री पाई क्या होता है माइनस वन तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन <coughs> उसी चीज पे ये सवाल है इसको भी आप ट्राई करिए दो मिनट का टाइम ले लीजिए इसमें डीम और वेस्ट थ्योरम लगानी है यानी इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप कन्वर्ट करके फिर आगे वो जो पावर है उसको नीचे ला सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ट्राई करिए देखो भाई कैसे ट्राई करेंगे इसको मैं पोलर फॉर्म में लिखूंगा तो इसको रूट थ्री प्लस आयोटा इज टू ब्रेकेट कॉस या ई e की पावर एक काम करते हैं इसका थीटा निकाल लेते हैं साफ साफ दिख रहा है टेन थीटा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री आएगा वन बाई रूट थ्री का मतलब हो गया थर्टी डिग्री यानी पाई बाई सिक्स तो ई e की पावर में आयोटा पाई बाई सिक्स एंड उस पूरे की पावर क्या है अपनी हंड्रेड अपन ऐसे कर लेते हैं भाई ठीक है तो क्या बनेगा ये फाइनली टू की पावर हंड्रेड बन जाएगा और इधर आ जाएगा e की पावर में आयोटा फिफ्टी पाई बाई थ्री अगली लाइन में इसको ऐसे बोल सकता हूँ टू की पावर हंड्रेड कॉस फिफ्टी पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन फिफ्टी पाई बाई थ्री अब ये बड़ा एंगल है इसको छोटे एंगल में कन्वर्ट करते हैं अपन को पता है टिक्नोमेट्री में हायर एंगल्स की वैल्यूज़ अपन निकाल सकते हैं छोटे एंगल में कन्वर्ट करके क्योंकि अपन को जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइन्टी और इनके मल्टीपल्स की वैल्यू पता होती है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस सिक्सटीन पाई प्लस टू पाई बाई थ्री सोलह इंटू तीन अड़तालीस होगी अड़तालीस में दो ऐड करेंगे तो पचास हो जाएंगे भाई प्लस आयोटा होटा साइन सिक्सटीन पाई प्लस टू पाई बाई थ्री तो सिक्सटीन पाई देख लेते हैं कहाँ होता है सिक्सटीन पाई एक्चुअली में यहाँ होता है यहाँ जीरो आता है फिर फोर आता है फिर एट आता है फिर ट्वेल्व आता है फिर सिक्सटीन आता है आप सभी को समझ में आ गया होगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ उनको ये देखना है ना सिक्सटीन पाई किधर होता है इधर वाला होगा इधर तो इवन पाई आएंगे इधर भी इधर होता है जीरो फिर इधर होता है पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई फाइव पाई सिक्स पाई, 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 पाई सारे इवन पाइस इधर ही आते हैं ठीक है ठीके? तो टू तो, की पावर हंड्रेड ये बनेगा कॉस टू पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन टू पाई बाई थ्री अब मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम में ऐस एस, एस सी कोई कैलकुलेशन बची नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हो तो मेरे हिसाब से अब आप इसे खुद से ट्राई करिएगा आपसे इजीली बन जाएगा ये कॉस्ट ऊ पाई बाई थ्री का वैल्यू पता है अपन को साइन टू पाई बाई थ्री का वैल्यू पता है रख देना सिंपलीफाई कर लेना देन इसके साथ कंपेयर कर लेना कंपेयर करोगे तो आपको पीक का वैल्यू पता चल जाएगा एंड Q का वैल्यू पता चल जाएगा प्य और क्यू पता चल गए तो अपन को एक इक्वेशन है जिसके रूट्स रूट्स पता पता चल चल गए गए तो अपन उस इक्वेशन को निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑफ रूट्स रूट्स प्रोडक्ट वाले से अब आते हैं भाई अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये आज का अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब हो गया कि अपने पास ऐसे होगा एक्स इक्वल टू वन की पावर वन बाई थ्री यूनिटी होगी यानी वन होगा और उसकी पावर में क्या होगा वन बाई थ्री क्यूब रूट का मतलब होता है इसको सोल्व करेंगे तो एक्स क्यूब इक्वल टू वन बनेगा यानी एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो बनेगा एक्स माइनस वन एक फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक फैक्टर होगा इस फैक्टर से जो रूट आएगा वो एक्स इक्वल टू वन आएगा इस फैक्टर से जो रूट्स आएंगे वो माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू होंगे तो एक्चुअली वे वन माइनस वन प्लस रूट थ्री आईओटा बाई टू एक सॉल्यूशन ये हो गया माइनस वन माइनस रूट थ्री आईओटा बाई टू दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया एक्चुअली में तीन सॉल्यूशन आते हैं यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज आती है इन तीनों वैल्यूज़ को अपन ऐसे ले लेते हैं ये वन ही होता है इसको अपन डिफाइन कर देते हैं ओमेगा तो डेफिनेटली ये वाला क्या बन जाता है अपना ओमेगा स्क्वायर आप इसका, इसका स्क्वायरिंग करें वो जनरेट हो जाएगा ठीक है तो इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है पहली प्रॉपर्टी तो होती है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो सम होता है वो कितना होता है भाई ज़ीरो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है वन थर्ड फैक्टर थ्योरम लगा सकता हो मैं एक्स क्यूब माइनस वन के अगर मैं फैक्टर्स करूँगा तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा एक्स माइनस का ओमेगा स्क्वायर इस टाइप से फैक्टर्स बन जाएंगे इसके ठीक है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे और प्रॉपर्टीज़ में क्या है भाई आप इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दो जैसे आप एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो एक्स क्यूब प्लस वन इसके दो फैक्टर्स होंगे एक्स प्लस वन एक्स प्लस ओमेगा एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बन जाएगा बेसिकली अपने काम का यही है कि ओमेगा क्या होता है और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है ये ध्यान रखना बाकी ये स्टार्टिंग की जो दो प्रॉपर्टीज है इनका ध्यान रखना इनका यूज होता ही होता है प्रॉब्लम में यानी ओमेगा की पावर में अगर तीन का मल्टीपल नंबर है तो ओमेगा की पावर हमेशा कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ये वैसा ही हो गया जो मैंने स्टार्टिंग किया था आइटा के इंटीगल पावर्स में तो आइटा की पावर अगर फोर होता है तो अपन उसको वन कर देते और जितने भी हायर पावर्स होते हैं को अपन उनको आईटा की पावर फोर के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं यानी फोर से डिवाइड करके कन्वर्ट करते हैं जो तो रिमाइंडर आता है वो फोर होगा फ़ोर से छोटा ही नंबर होगा या तो थ्री होगा या टू होगा या वन होगा या जीरो होगा परफेक्ट डिविजिबल होगा सेम चीज़ यहाँ पे तीन से डिवाइड करके करेंगे अपन इस पर क्या है मैंने कुछ सवाल भी लिए है जैसे ये एक सवाल है इसके जो रूट्स है वो अल्फ़ा एंड बीटा है तो अपन को अल्फा की पावर वन जीरो वन एंड बीटा की पावर वन जीरो सेवन का वैल्यू पता करना है तो ठीक है भाई इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इसके अगर मैं रूट देखूँ तो वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू होगा एंड दूसरा होगा वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू ये ओमेगा ओमेगा नहीं है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर नहीं है इसके रूट्स ठीक है तो अल्फ़ा इज़ नॉट ओमेगा अल्फा बीटा इज नॉट ओमेगा स्क्वायर क्यों क्योंकि ओमेगा में क्या आता है पीछे आप देखिए माइनस वन आता है एक्चुअली में उसमें आप देखिए यहाँ पे माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू तो एक्चुअली में यहाँ पे अपन क्या करेंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जैसा बनाएंगे इनको अगर नहीं है तो कैसे बनाएंगे भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस हो माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सेम मैंने अगले को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू यानी अब इसके जो रूट्स अल्फा कोमा बीटा थे ओन अल्फा अल्फागोवा बीटा को मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक रूट अल्फा अल्फागोमा बेटा ये बन गया ओमेगा माइनस का और वो बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर यानी अल्फा बराबर हो गया माइनस का ओमेगा एंड बीटा बराबर हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर ठीक है अब एक्चुअली में इस वाले रिजल्ट को अपन पकड़ते हैं भाई तो माइनस के ओमेगा की पावर <the sound> वन जीरो वन प्लस माइनस के ओमेगा स्क्वायर की पावर वन जीरो सेवन तो एक काम करो माइनस तो कॉमन ले लो ये ओमेगा की पावर वन जीरो वन है तो इसे ओमेगा क्यूब तीन से मल्टीपल तीन से डिविजिबिलिटी का नियम कैसे देखते हो आप कि भाई जो सम है वो तीन से मल्टीपल हो जाए तो आप जैसे ही सम करोगे टू रहा है सम टू आ रहा है यानी वो एक्चुअली में तीन से डिविजिबल नहीं आ रहा है तो एक काम करता हूँ भाई मैं इसमें से दो सम कम कर देता हूँ तो ये बनेगा नाइनटी नाइन वाला मतलब ऐसे चलो मैं पूरा बता देता हूँ करके कैसे कर रहा हूँ मैं कम ऐसे चीज़ ये नाइन्टी नाइन वाला बना दूँ मैं इसे और साइड में ओमेगा स्क्वायर ले लूँ आप देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 99 मिलके 101 हो जाएगा आप इजी ऐसे कर सकते हो क्योंकि ओमेगा की पावर 99 मुझे पता है अब तीन से मल्टीपल होगा क्योंकि दो कम कर दिए मैंने उसमें से ये जो है इसका अगर मैं सम करूंगा तो ये कितना होगा एट और एट जो है वो भी अगेन तीन से डिविजुअल नहीं है तीन से डिविजुल होता है सम जब सिक्स हो तो इसमें सम जो है वो सिक्स कर लेता हूँ भाई सिक्स कैसे करूँगा एक कम कर दो आप ओमेगा स्क्वायर की पावर में आप बना दो इसे वन और साइड में कर दो ओमेगा स्क्वायर की पावर में वन ठीक है सॉरी यहां वन जीरो फाइव एंड यहाँ पे साइड में जाएगा ओमेगा की पावर टू ये वैल्यू वन हो गई और ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी वन ठीक है तो दोनों को हटा देते भाई ये बन गया ओमेगा स्क्वायर और वो बन गया ओमेगा की पावर फोर ओमेगा की पावर फोर को फिर से क्या बोल सकता हूं मैं ओमेगा तो फाइनली बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और मुझे पता है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो तो सम होता है वो कितना होता है माइनस वन तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया माइनस वन तो माइनस हो माइनस वन दैट इज वन फाइनल इसका आंसर आ जाएगा वन ठीक है तो आपको ये वाला प्रॉब्लम इस तरीके से ट्राई करना था अब देखो ये भी पी वाई की उसमें ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली में बहुत आसान है आपके जो तरीके हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं जो परफेक्ट होने चाहिए उससे इसलिए आपको टाइम कई के बार कुछ प्रॉब्लम्स में ज़्यादा लग जाता है ठीक है दूसरी चीज़ आप भाई डेटा तो देखो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा आप ऐसा नहीं है कि आपको डेटा नहीं पता है काफ़ी सारा और आप प्रॉब्लम ट्राई कर रहे हो प्रॉब्लम ट्राई करने से पहले थोड़ा बहुत डेटा आपको पता होना जरूरी है अब जैसे मुझे इसमें यह पता होना जरूरी है कि ओमेगा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर क्या होता है तो मैं तुरंत कंपेयर कर लूँगा कि ओमेगा जैसा बन रहा था इसलिए मैंने इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जैसा बनाने की कोशिश की जैसे ये वाला प्रॉब्लम है ये वाला प्रॉब्लम भी आसान है कैसे भाई आपको पता है एक्स क्यू माइनस वन है इसको मैं फैक्टर थ्योरम और हमसे एक्स माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा एंड एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ अब मैं एक काम करता हूँ एक बार इसमें एक्स इक्वल टू वन डाल देता हूँ वन क्यू माइनस वन सॉरी वन डालने से तो आंसर नहीं आएगा वन डालने से तो ये ज़ीरो हो जाएगा तो अपन एक काम करते हैं शुरुआत टू से करते हैं तो ये बनेगा टू क्यू माइनस वन वन इंटू टू माइनस ओमेगा इंटू टू माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर एक्स थ्री डालना थ्री क्यू माइनस वन टू इंटू थ्री माइनस ओमेगा इंटू थ्री माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर इसी तरीके से मैंने लास्ट में एन डाल दिया एन क्यू माइनस वन एन माइनस वन इंटू एन माइनस ओमेगा इंटू एन माइनस ओमेगा स्क्वायर और मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया एडिशन दोनों तरफ ऐड कर दिया तो राइट हैंड साइड में ऐड करूँगा तो ये जो पूरा है इस पूरे की जो वैल्यू है जिसको मुझे सिंप्लीफाई करना है एक काम करते हैं भाई इसको अपन ले लेते हैं कुछ एल के बराबर ताकि अपन को छोटा लिखना पड़े तो जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो इसमें राइट हैंड साइड में तो जाएगा एल लेफ्ट हैंड साइड में होगा टू क्यू माइनस वन प्लस थ्री क्यू माइनस वन डॉट 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 प्लस एन क्यू माइनस वन तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ब्रेकेट्स है एन माइनस वन ब्रेकेट्स है तो एक काम करता हूँ मैं इसमें वन क्यू माइनस वन यानी वन ऐड भी कर दिया और वन सब्टेक्ट भी कर दिया ऐड कर देता हूं क्योंकि जो फॉर्मूला होता है क्यूब वाला वो एक्चुअली में तभी लगता है जब अपन वन से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट टर्म्स अलग कर लेते हैं सेकंड टर्म्स अलग कर लेते हैं फर्स्ट टर्म्स का मतलब हो गया एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इसका स्क्वायर और सेकंड टर्म का मतलब हो गया माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितनी बार एन टाइम्स तो इसे माइनस एन बोल दूंगा और ये किसके बराबर हो गया एल तो जिस चीज़ का अपन को वैल्यू पूछा है उसको अपन सिम्प्लीफाई करके इस तरीके से निकाल सकते हैं ये वाला जो प्रॉब्लम है देखो मैं दे देता हूँ आइडिया ठीक है आगे का पार्ट खुद से ट्राई करिएगा आप लोग ये ओमेगा जैसा दिख रहा है मुझे बट समस्या ये है कि इसमें भाई माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू होना चाहिए तो टू नहीं है तो मैं क्या करता हूँ माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू इंटू टू, टू। और इसकी पावर मैंने करती ट्वेंटी वन दूसरी चीज देखो मैंने इसको भी छोटा बनाने की कोशिश की कैसे इसको मैं छोटा ऐसे बना सकता हूं वन माइनस आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर कर दी मैंने ट्वेल्व ठीक है मैंने यही किया माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाय टू इंटू माइनस टू एंड इस पूरे की पावर हो गई ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई सेम डिनोमिनेटर में वन प्लस आयोटा का स्क्वायर की पावर हो गई ट्वेल्व देख लीजिए मैंने क्या किया अब मैं क्या करूंगा इस टू को बाहर ले लूंगा एंड इस माइनस टू को भी बाहर ले लूंगा और ऊपर जो मेरे पास है टू बाहर आए तो टू की पावर ट्वेंटी वन बाहर और ये जो बन गया ये वाला पार्ट इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा और ओमेगा की पावर ये कितना हो गया ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई इसको मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं तो आप एक काम करो साइड में कर लो भाई वन माइनस आयोटा की पावर टू है इसको जब आप ओपन करोगे तो वन माइनस या प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन माइनस का टू आयोटा ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है बेटा अपना ठीक है इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं दोबारा कर लेते हैं वन माइनस आयोटा का स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी तो ये कट गया तो एक्चुअली में इसका जो डिनोमिनेटर है वो है माइनस टू आयोटा की पावर ट्वेल्व माइनस माइनस क्यों क्योंकि माइनस टू कॉमन लूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा तो टू की पावर जो है ट्वेंटी वन हो गया और यहाँ क्या बन गया ये बन गया ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी है ट्वेंटी वन डिनोमिनेटर जो है वो वन प्लस आयोटा का स्क्वायर है तो एक काम करते हैं अपन बाहर वन प्लस आयोटा का स्क्वायर लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी आपको समझ में आ रहा होगा बी स्क्वायर की जगह मैंने माइनस वन क्यों लिख दिया क्योंकि आटा स्क्वायर है एटा स्क्वायर माइनस वन होता है ठीक है तो डिनोमिनेटर इसका जो हो जाएगा भाई टू आयोटा टू आयोटा की पावर कितनी हो गई ट्वेल्व चलिए आगे बढ़ते हैं ये जो है अब आप देखिए यहाँ पे है ओमेगा की पावर ट्वेंटी वन जो कि तीन का मल्टीपल है तो ये वैल्यू वन हो जाएगी ये ओमेगा की पावर फोर्टी टू ये भी तीन का मल्टीपल है कैसे ट्वेंटी वन को पहले लिखो टू को बाहर लिख दो भाई ओमेगा की पावर थ्री की पावर सेवन सेवन की पावर फिर से टू मतलब ऐसे ओमेगा की पावर टू की पावर ट्वेंटी वन को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर थ्री थ्री की पावर सेवन और फिर से उसकी पावर टू वहाँ फिर आगे वो ट्वेंटी वन ही होगा ये वन हो गया वन की पावर सेवन सेवन की पावर फिर से टू हो गया वो वन ही हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया टू की पावर ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आएगा भाई टू आयोटा की पावर ट्वेल्व माइनस टू की पावर ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई टू आयोटा की पावर ट्वेल्व तो घुमा फिरा के इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो तो ये जो के दिया है अपन को उसने बोला है कि इस पूरे की जो वैल्यू वो एक्चुअली में किसके बराबर है के तो एक्चुअली में अपना के का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो और अगर के का वैल्यू जीरो हो गया तो अपन को ये समझ में आ गया कि अपना एन का वैल्यू कितना होगा एन इज द के, के मोड का जी आई एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एन कितना हो जाएगा जीरो के जीरो हो गया एन जीरो हो गया तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम ऐसा बन गया समीशन जे फ्रॉम जीरो से फाइव जे प्लस फाइव का स्क्वायर माइनस समीशन जे फ्रॉम जीरो से फाइव क्या बनेगा इधर भाई जे प्लस का फाइव आप एक काम करो दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है एक साथ ही ले लो जे आपको पता है समीशन मर्ज होता है जे फ्रॉम जीरो से फाइव यहाँ बनेगा जे स्क्वायर यहाँ कितना आएगा टू ए बी टू ए बी का मतलब कितना हो गया भाई टेन जे माइनस वन यानी प्लस का नाइन जे और यहाँ कितना होगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस वन यानी प्लस का ट्वेंटी अब आप इसमें जो समीशन का फॉर्मूला होता है एन इन टू एन प्लस वन बाई टू ये आर स्क्वायर वाला हो गया ये आर वाला हो गया और ये कॉन्स्टेंट वाला फार्मूला लगा देना एंड सिम्प्लीफाई कर लेना जो भी आपका आंसर होगा वो मैच कर जाएगा चलिए आगे बढ़ते एन एथ रूट ऑफ़ यूनिटी तो एन एथ रूट ऑफ तो यूनिटी का मतलब भाई वही हो गया कि जेड इक्वल टू इस बार अपने पास जो वन है उसकी पावर में क्या होगा वन बाई एन तो आप देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तो मैंने क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया था एक्स क्यूब इक्वल टू वन हो गया तो एक्स तो बराबर क्या ले लिया था एक्स क्यूब इक्वल टू वन ले गया हो गया था, गया था? तो एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो ले लिया था सिम्प्लीफाई कर लिया था बट यहाँ पॉसिबल नहीं है तो यहाँ मेरे पास एक्चुअली में एक दूसरा मेथड होता है जिससे मैं क्यूब रूट ऑफ़ यूनिटी के रूट्स निकाल पाता हूँ मेथड क्या होता है जैसे वन को लिखने का मेरे पास जो तरीका है वो है कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ठीक है ऑफ कोर्स वन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस जीरो प्लस टू के पाई ये एम्पलीट्यूड है आर्ग्यूमेंट में अगर ले जाएंगे तो टू के पाई एड कर देंगे साइन ऑफ जीरो प्लस टू के पाई इस तरीके से तो फाइनली ये जो जेड हो जाएगा जेड बराबर हो जाएगा कॉस टू के पाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन टू के पाई एंड पूरे की पावर में क्या है बाल को वन बाई एन तो जेड बराबर क्या हो जाएगा कॉस टू के पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन टू के पाई बाई एन इसको मैं ई की पावर में लिखना चाहूँ तो ई की पावर में आयोटा टू के पाई बाई एन यहाँ पे जो k होगा इसकी वैल्यू शुरू होगी जीरो वन थ्री, डौ, 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 टू थ्री डॉट 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 अप टू n माइनस वन क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ रूट्स कितनी होगी n रूट्स होगी तो k की वैल्यू अपन स्टार्ट करेंगे जीरो से k की वैल्यू n नहीं लेंगे क्योंकि k की वैल्यू n लेने पे और k की वैल्यू जीरो लेने पे सेम ही वैल्यू आएगी z की तो कोई फायदा नहीं है उससे नंबर ऑफ़ रूट्स भी तो मैच करनी चाहिए यहाँ पर एक्चुअली मैं आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो यही है कि जेड क्या होता है ई की पावर आयोटा टू के पाई बाई एन होता है ये जरूर ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है काम का रिज़ल्ट है ठीक है अब एक काम करते हैं अपन इसमें थोड़ा बहुत तो और डिटेल में देखते हैं भाई कि इसके जो रूट्स है उनको ले लेते हैं अपन जैसे आप एक चीज़ देखो जेड इक्वल टू इसके अंदर ही चलो ये लिखा हुआ है इसी को यूज कर लेते हैं मैं के की वैल्यूज रखते चलता हूँ तो सबसे पहले के की जगह जीरो डाला तो ई की पावर जीरो आएगा के की जगह वन डाला तो ई की पावर में टू पाई बाई एन आएगा विथ आयोटा की पावर में मैंने टू डाला तो की पावर में फोर पाई बाई एन विथ आई आएगा आएगा की पावर में सिक्स पाई बाई एन विथ आई आएगा ऐसे चलता जाएगा ठीक है इसको मैंने वन बोल दिया इसको मैंने अल्फा बोल दिया ये अल्फा स्क्वायर है ये अल्फा क्यूब है डॉट 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 लास्ट वाला अल्फा की पावर है एन माइनस वन यानी जो रूट्स है उनको मैंने इस तरीके से बोल दिया दीज आर दी रूट्स ठीक है तो यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ जेड की पावर एन माइनस वन विल बी फैक्टर थ्योरम रूट्स के टर्म्स में फैक्टराइज किया x माइनस वन एक्स की जगह जेड यूज कर लेते हैं क्योंकि अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में जेड यूज किया है भाई जेड माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू जेड की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस वन जेड माइनस अल्फा जेड माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट 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 जेड माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन ये बन गई अपनी फैक्टर थ्योरम इस पे बेस्ड आपने कुछ सवाल देखे होंगे पक्का इस पे बेस्ट भी कुछ सवाल होते हैं जिनके बहुत कम चांस है मेंस में आने के मेजोरिटी ऑफ सवाल जो होंगे वो एक्चुअली में एडवांस वाले ही होंगे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पे बेस्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड मैंने एक बहुत अच्छा सवाल लिया जो कि थोड़ा सा लेंदी है ये सवाल के वी पी में पूछा हुआ सवाल है कि भाई यूनिटी के टेंथ रूट और फिफ्टीन रूट में कॉमन रूट्स कितने होंगे तो टेंथ रूट का मतलब हो गया एन बराबर टेन एंड फिफ्टीन रूट का मतलब हो गया एन बराबर फिफ्टीन तो मैं टेंथ रूट को अलग कर रहा हूं एंड फिफ्टीन रूट को अलग ले रहा हूं और कॉमन कैसे निकाल रहा है फिर वो देखेंगे फिफ्टीन रूट ठीक है इसका मतलब हो गया जेड इक्वल टू वन की पावर वन बाई टेन तो आप जस्ट अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था और बोला भी था कि ये रिजल्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा ये बहुत काम का रिजल्ट है ये वाला इसमें एक बार एन की जगह क्या डाल दो टेन और एक बार एन की जगह क्या डाल दो भैया आप फिफ्टीन क्योंकि वही रूट्स हैं तो z इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा अपना एक की पावर में आयोटा टू के पाई बाई टेन इस तरफ यहाँ पे आप के की वैल्यूज़ क्या डालोगे जीरो वन टू डॉट 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 अप टू नाइन तक सारी की सारी रूट्स आपको वहाँ से मिल जाएगी ठीक है सेम लॉजिक से z इक्वल टू वन की पावर वन बाई फिफ्टीन जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा टू एम पाई डिवाइडेड बाई फिफ़्टीन हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि सर आपने अभी तक तो के लिया था अब एम क्यू ले लिया क्योंकि बेटा दोनों में सेम नहीं होना चाहिए इसका वैल्यू अलग है इसके रूट्स अलग है उसके रूट्स अलग है उसमें कोई एम की वैल्यू होगी इसमें कोई के की वैल्यू होगी अलग अलग होगी लेकिन फाइनली रखने के बाद दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा सेम दैट इज़ वॉट वी कॉल्ड कॉमन रूट यहाँ जो एम का वैल्यू होगा वो जीरो वन टू डॉट 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 अप टू कहाँ तक जाएगा फिफ्टीन अब टू कहाँ तक जाएगा फोर्टीन तक एक कम तक जाता है ठीक है अब ये बोल रहा है कॉमन रूट कॉमन रूट का मतलब हो गया भाई टू के पाई कॉमन रूट का मतलब देखो मैं यहां बता रहा हूँ कॉमन रूट को कैसे डिसाइड करेंगे अब अपन कॉमन रूट का मतलब हो गया टू के पाई डिवाइडेड बाई टेन एंड टू एम पाई डिवाइडेड बाई फिफ्टीन बराबर होनी चाहिए ऐसा के एंड एम का कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो अगर इसमें रखूँ तो ये दोनों बराबर आ जाए और के और एम कहाँ से होने चाहिए एम होना चाहिए जीरो से फोर्टीन और के होना चाहिए जीरो से नाइन ठीक है तो अपन ने टू से टू काट दिया पाई से पाई काट दिया इसको पाँच से काटेंगे दो और ये पाँच से कितनी बार काटेगा तीन बार तो के बाई टू इज इक्वल टू एम बाई थ्री तो मैं अगर आगे सोल्व करूँ तो ये ऐसा बनेगा भाई मेरे पास के बराबर टू बाई थ्री एम ठीक है अब एक काम करते हैं एम की वो वैल्यूज ले लेते हैं क्योंकि एम को देखो के जो है वो अपने आप में इंटीजर है और वो जीरो से नाइन है ठीक है एम जो है वो भी इंटीजर है वो ज़ीरो से फोटीन है तो एम का वैल्यू यहाँ पे वो रखा जाएगा जो तीन से डिवाइड हो सकता है तो एम की वैल्यू देखो मैं क्या क्या हो सकती है देखते हैं फिर फाइनली इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है वो भी देखनी है जीरो हो सकती है थ्री हो सकती है सिक्स हो सकती है नाइन हो सकती है ट्वेल्व हो सकती है ये टोटल पांच वैल्यू पॉसिबल है एम की जो यहाँ रखूंगा क्योंकि ये कट जाएगा अगर एम की जगह मैंने जीरो रखा हर वैल्यू के रेस्पेक्ट में के मिलेगा अब अपन को ये चेक करना है कि जो के मिल रहा है वो भी अपना इसी रेंज के अंदर आना जरूरी है अगर वो के इस रेंज के बाहर जा रहा है तो वो तो गड़बड़ है तो मैंने एम इक्वल टू जब जीरो लिया तो डेफिनेटली के बराबर क्या मिलेगा मुझे जीरो मैंने एम इक्वल टू थ्री लिया तो एम इक्वल टू थ्री रखूँगा तो के बराबर मुझे क्या मिलेगा टू एम इक्वल टू मैंने सिक्स लिया तो के बराबर मुझे क्या मिल गया फोर एम इक्वल टू मैंने नाइन लिया तो के बराबर मुझे क्या मिल जाएगा भाई सिक्स एम इक्वल टू मैंने ट्वेल्व लिया ट्वेल्व यहाँ रख दिया चार चार दो आठ तो के बराबर क्या मिलेगा मुझे आठ यानी जितने एम पॉसिबल थे वो सारे रखे मैंने तो के की जो वैल्यूज आ रही है वो भी पॉसिबल आ रही है तो यानी एम और के के अगर ये पांच कॉम्बिनेशन में से आप कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो इसका जो रूट आएगा एंड इसका जो रूट आएगा वो दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे तो आपसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ रूट्स विच आर बोथ कॉमन रूट्स तो फाइनली अपन कितनी कॉमन रूट्स बोलेंगे पांच क्योंकि एम और के के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है अपने पास पांच। चलिए तो आज ये आखिरी स्लाइड थी आज के लेक्चर की ठीक है अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को आज यहीं खत्म करते हैं ठीक है मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर में क्योंकि बड़ा लेक्चर होता है जैसे आपको याद हो मैंने क्वाडिट इक्वेशन को चार घंटे में रिवाइज करवा दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर शायद अपना पाँच घंटे सवा पाँच घंटे तक खिंच गया कोई बात नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा भी होता है अपन को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरी की पूरी ज्योमेट्री को अपन दोबारा पढ़ते हैं एंड कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है इलेवंथ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छा खासा वेटेज रहता है और कॉम्प्लेक्स नंबर हैं बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे भाई अपने करियर में जो आके बोलते हैं सर जेई के आसपास आके बोलते हैं सर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिवाइज़ करें या सर कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन छोड़ सकते हैं क्या देखो छोड़ना नहीं होता यार जेई मेन जो होता है वो एक्चुअली में सिलेबस के अबाउट बात करता है जेई एडवांस होता है वो डेप्थ के अबाउट बात करता है तो जेई मेन में, में अपन को हल्का हल्का तो हर चैप्टर का नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि जेई मेन में हर चैप्टर का मान लो एक एक प्रॉब्लम तो वो कवर करते ही करते हैं जई एडवांस में क्या होता है कि भाई ठीक आप एक आध चैप्टर में ज़्यादा डेप्थ नहीं लेके जाते हो तो भी चलता है बट जेई मेन में थोड़ा सा अपन को हर चैप्टर में कवरेज तो चाहिए ही चाहिए कोई चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए आपका जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये चैप्टर मेरा सबसे ज़्यादा वीक है और इसमें मैंने कुछ नहीं देखा है कम से कम आप उसके शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा कम से कम आप उसके जो नोट्स आपके वो नोट्स देख लीजिएगा फॉर्मूलेज देख लीजिएगा बस इतना काफ़ी है चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मिलेंगे तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि ठीक है एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी को ठीक है चलिए थैंक यू